हेलो, एम आई ऑडिबल? आपको नहीं पूछ, ठीक है? एम आई ऑडिबल? ओके, एम आई क्लियरली विजिबल? बोलो यस। ओके, ऑल राइट, वेलकम बैक एवरीवन। वी आर स्टिल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। व्हेन वी से इंट्रोडक्शन एज अ सब्जेक्ट, तो हमको जो भी इंट्रोड्यूस करना था दैट इज डन। हाउएवर, इट हैज बीन अवर कॉन्शियस डिसीजन के इसी इंट्रोडक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू कवर एंड कंप्लीट अवर टैक्स रेट्स, क्योंकि हर जगह पे उसकी जरूरत। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस टैक्स रेट पार्ट, ये इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चल रहा है, अभी आगे भी चलने वाला है। बिकॉज एज यू आर अवेयर, वी हैव टिल नाउ नॉट इवन कंप्लीटेड द ओल्ड टैक्सेशन रेजिम। अभी भी कुछ कुछ असेसी का वो बाकी है, जिसका बाकी है वो तो करेंगे। क्या क्या हो गया इन द ओल्ड रेजिम? वी हैव कंप्लीटेड टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, द बिगेस्ट ऑफ ऑल थ्री कैटेगरीज। डिफरेंस इज ओनली इन केस ऑफ द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, पहले वाले का 2,50,000, सेकंड वाले का 3,00,000, थर्ड वाले का 5,00,000। क्योंकि 5,00,000 तक कोई टैक्स नहीं है, तो उसमें 5% का ब्रैकेट नहीं, डायरेक्ट 20% आएगा। करेक्ट और नो? सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी स्पेशल, एवरीवन हु डज नॉट गो ओवर देयर विल कम इन द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड एंड थर्ड में सीनियर एंड वेरी सीनियर, 60 और मोर, 80 एंड मोर, लेकिन बोथ ऑफ देम ओनली इफ रेसिडेंट। और 60 और 80 कब करना है आपको? एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। करेक्ट? देन आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक टैक्स वी हैड सम बैड न्यूज के, एक तो कोई कोई इनकम पे स्पेशल रेट लगता है, चैप्टर 12, वेरी बिग चैप्टर, विल बी डूइंग दैट। दूसरी चीज दैट ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है, देर आर गोइंग टू बी सर्टन चेंजेस। चेंज नंबर 1, रिबेट। फटाफट 3 कंडीशन ऑफ रिबेट, रेजिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5,00,000, इक्वल टू 5,00,000 में रिबेट, इक्वल टू 5,00,000 में रिबेट मिलेगा। एंड वॉट विल बी दैट रिबेट? एक्चुअल टैक्स और 12,000। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच बीच में आ रहा है, अगर वापस आएगा तो मैं बुलाता हूं आपको। एक्चुअल टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर। आप लोग को आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना? एक्चुअल टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर। करेक्ट? अरे लेकिन सर 5,00,000 तक तो टैक्स 12,500 ही रहने वाला है ना, लेकिन कभी कभी स्पेशल रेट होएगा तो इट इज लाइकली दैट द टैक्स इज हायर। करेक्ट और नो? इसलिए एक्चुअल टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर। देन सेकेंड कंसेप्ट वॉज सरचार्ज, सुपर रिच लोगों के लिए सरचार्ज इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड। यहां पे इनकम हैज टू बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, इक्वल टू 50,00,000 पे नहीं आएगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा, हर लेवल पे ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 50,00,000 10%, ग्रेटर देन 1 करोड़ 15%, ग्रेटर देन 2 करोड़ 25%, एंड ग्रेटर देन 5 करोड़ 37%। लेकिन 25 और 37 विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन योर टैक्स ऑफ स्पेशल इनकम्स। कौन सा? 5, 111A, 112A, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड एंड FII। और अगर उनकी वजह से 2 करोड़ क्रॉस किया तो दूसरी वाले पे भी नहीं लगेगा। वी ऑल्सो डिड मार्जिनल रिलीफ, फाइनली सेस द इजीएस्ट ऑफ ऑल, जब तक आंटी का नजर नहीं पड़े उसके ऊपर तब तक तो एक ही सेस है पूरे इनकम टैक्स में, 4% अक्रॉस। और वो किस पे लगेगा? बेसिक सरचार्ज है तो करो, रिबेट है तो करो, फिनिश एवरीथिंग बिफोर सेस, और उस अमाउंट के ऊपर यू विल बी पेइंग 4%। करेक्ट और नो? चलिए, उससे इंडिविजुअल कंप्लीट हुआ, देन एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, खाली मीनिंग सीखा, अदरवाइज एज फार एज टैक्स रेट इज कंसर्न सेम एज कैटेगरी है। तो अगर 60 साल पुराना एचयूएफ है तो उसका बेसिक एग्जेम्पशन, लायंस क्लब 100 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका तो 5,00,000 रहेगा ना, उसका भी 2,50,000, द बेसिक एग्जेम्पशन विल ऑलवेज बी 2,50,000। ऑब्वियसली इनको रिबेट नहीं रहेगा, सरचार्जेस पूरा का पूरा सेम, एक्सेप्ट दैट ओनली कॉर्पोरेट मेंबर्स हुआ तो मैक्सिमम 15, 25, 30 नॉट एप्लीकेबल, सेस भी हो गया। सो वी फिनिश्ड 3 मोर असेसीज। उसके बाद हम लोग आए पार्टनरशिप फॉर्म, आई थिंक दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी डिड। पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी जो है वो एक्चुअली इतने सालों तक तो हम लोग करते ही नहीं थे, लेकिन अभी ये डिसाइड कर लिया गया है कि ऑल द रेट्स ऑफ ओल्ड रेजिम एंड ऑल द रेट्स ऑफ न्यू रेजिम इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट करेंगे। तो व्हेन वी एक्चुअली डू फॉर्म्स का चैप्टर और वी एक्चुअली डू कंपनीज का चैप्टर, उस टाइम पे वी विल डू ऑल अदर सेक्शंस, लेकिन हमारा टैक्स रेट्स वाला पार्ट हो गया। तो फर्म्स के लिए तो टैक्स कैलकुलेशन, थिंक अबाउट इट एज अ सीए स्टूडेंट, यू नो एज एन असेसी, आपके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि आपको कोई बेसिक एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको कोई स्लैब्स नहीं मिलेगा, एवरी रुपी विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ, बट थिंक अबाउट इट एज अ सीए स्टूडेंट, इनकम आपके कैलकुलेटर पे लेना है और उस इनकम पे डायरेक्टली आपको 30% लगाना है, बट ऑफकोर्स वंस अगेन सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। करेक्ट और नो? सरचार्ज 50,00,000 के बाद कितना आएगा?
10%? नहीं आएगा. पार्टनरशिप फॉर्म में देर विल बी सरचार्ज ओनली व्हेन द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़. एग्जैक्ट 1 करोड़ पे भी नो सरचार्ज. व्हेन द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ तो कितना, 15 ना, नहीं 12. दिस इज वन एरिया सरचार्ज वेयर द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गो रॉन्ग बिकॉज वेराइटी बहुत ज्यादा है. सो एट विच इनकम लेवल वॉट इज द सरचार्ज, दैट ऑल्सो डिपेंडिंग फ्रॉम टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एक तो एग्जाम में ओवर एक्साइटमेंट में किसी किसी का तो इनकम ही नहीं आता, जिसका इनकम आ गया उधर ही नाचने लग जाता है वो. कोई कोई बेसिक टैक्स करके छोड़ देता है, कोई कोई सरचार्ज भूल ही जाता है कि लेना भी पड़ता है. सेस पीपल स्टिल डोंट फॉरगेट बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग. हर सम में आपको 4% सेस करना पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ असेसी. लेकिन सरचार्ज क्या, सबका अलग अलग है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी ना, द मैटर कॉल्ड सरचार्ज इज गोइंग टू कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द कमिंग टाइम. हम बात करेंगे उसके बारे में. यहां पे तो एक ही सरचार्ज है आफ्टर 1 करोड़ 12% अप टू इंफिनिटी एंड सेस विल बी 4%. आई थिंक यहां तक का हमारा पढ़ाई हो गया. वी हैव कंप्लीटेड अप टू पार्टनरशिप फॉर्म एंड कैन यू सी द स्क्रीन. हाँ तो आ जाएगा, डोंट वरी. ऑलराइट, चलिए वी गो टू द नेक्स्ट असेसी, द फोर्थ असेसी, दैट इज कंपनी. नेक्स्ट असेसी अंडर द ओल्ड टैक्सेशन रेजिम इज गोइंग टू बी कंपनी. ओल्ड कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे. ओके, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप इंडस्ट्री में, यू व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, वेदर एज अ प्रैक्टिसिंग सीए और समवन हु इज डूइंग अ जॉब, और मैं तो बोलता हूँ कि आप सीए बनने के बाद में एक्टर बन जाओ या सिंगर बन जाओ या डांसर बन जाओ, प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्वालिफिकेशन. बट once you are a celebrity, by the way, once you are a CA, you are a celebrity, and once you are a celebrity and people know that you have that CA ka degree, so everyone will approach you with guidance, for guidance and consultation. Aur company sabse bada form of business organization hai in the industry, to company ka tax rate humko acche se karna. In fact, company se related koi bhi tax ka provision hoega to you should be perfect, because that is what is expected at CA final. What is CA inter ka tax syllabus? Tax calculation of individual HOA. वो एक्सपर्टीज आपसे वहां पे एक्सपेक्टेड है, वहां पे वो लोग पूछ भी लेते हैं, फाइनल में उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं आपको उसके ऊपर पूछना. यहाँ पे आपको कंपनी की एक्सपर्टीज चाहिए. और जैसे ही कंपनी का टैक्स प्रोविजन आया, मतलब कंपनी का आपको टोटल इनकम करना है, कंपनी का आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो कंपनी की टैक्स रेट्स आपको परफेक्टली पता होना चाहिए. फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग टैक्स, कंपनीज आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, दैट इज डोमेस्टिक कंपनी एंड नॉन डोमेस्टिक कंपनी. Companies will be divided into domestic and non-domestic. अगर आज तक आपने ये सीखा है that Indian company का income tax 30% और foreign company का 40%, तो it is your duty to correct that right now, because वो wrong है. इंडियन कंपनी का 30 और फॉरेन कंपनी का 40 नहीं है. वेर एवर एंड वेन एवर यू हैव स्टडीड दैट, इट इज नॉट इंडियन एंड फॉरेन, इट इज डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक. एंड सम आर थिंकिंग, सर सर इंडियन डोमेस्टिक सेम टू सेम. नहीं नहीं, सेम 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 नहीं है. इंडियन फॉरेन तो अलग होगा, ये बात अगर मैंने आपको बता दी तो मैंने कोई मान काम नहीं किया. डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक तो नाम सुन के ही पता चलता है दोनों अलग होगा, कोई मान काम नहीं है. बट वॉट इफ आई प्रूव टू यू दैट इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी भी दो अलग चीज होती है. और ये जो आपने सीखा है ना, इंडियन 30 एंड फॉरेन 40, हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज. इट इज नॉट इंडियन 30 फॉरेन 40, इट इज डोमेस्टिक 30 एंड नॉन डोमेस्टिक 40. खैर रेट्स क्या है वो तो लिखना ही है, पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फॉरेन. नहीं, डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक भी नहीं, इंडियन डोमेस्टिक, क्योंकि वो दोनों भी अलग है. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी? ओके, एन इंडियन कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. अगर कोई भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी. इंडिया में रजिस्टर्ड मतलब एज पर इंडियन कंपनीज लो, कंपनीज एक्ट 2013 और 1956.
मतलब कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले वाली सब कंपनी को बोला नहीं चलो तुम बंद करो नया चालू करो, दे आर कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट. वही तो सबसे पहले कंपनी के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में 12th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया था, क्या बोलते वो गोइंग कंसर्न, बंद थोड़ी होगा. तो केनाई से, केनाई से ओल्ड लॉ और न्यू लॉ, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ तो इट इज गोइंग टू बी इंडियन कंपनी, चाहे वो रिलायंस लिमिटेड हो के टाटा लिमिटेड हो के मैं जिन कंपनियों का मैं बहुत सारी कंपनियों का मालिक हूं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस मेरा ही है, अडानी पावर मेरा ही है, अडानी ग्रीन मेरा ही है, अडानी टोटल गैस मेरा है, अडानी विलमारिन, ये सब कंपनी का मालिक मैं ही हूं. नहीं बताता आपको, कोई बात नहीं आज बता रहा हूं. हाँ, आई एम दी ओनर ऑफ ऑल दिस कंपनी. समर लाइक सर और कोई टिप बताओ ना, रोज क्लास में आओ, टिप उसको ही मिलेगा जो शार्प 7 बजे आएगा. एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, मैं रोज नहीं समझा सकता हूं कि मेरा क्लास 7 बजे ही चालू होगा. 7:05 पे क्लास में आने का टाइम नहीं है, यू टारगेट 6:45 ऑन. आई रीच ऑल्सो एट 6:40 पे. मेरे को थोड़ा तामझाम लगता है, वो तांत्रिक लोगों को वो झाड़ फूक करना पड़ता है ना, उनको वो थोड़ा धुआं हुआ क्रिएट करना पड़ता है तो माहौल बनता है ना उससे, तो मेरे को भी थोड़ा तामझाम क्रिएट करके रखना पड़ता है. 15-20 वायर कनेक्ट करने पड़ते हैं, 2-4 लैपटॉप कनेक्ट करने पड़ते हैं, टाइम लगता है. फिर वो जो जिसको भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स का नॉलेज है तो वो आपको पता है फाइल्स क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, तो रोज की जो फाइल होगी डेट वाइज उसका नाम सेट करना, कौन से फोल्डर में उसको सेव करना है, और स्टॉप बटन दबाते ही उस फोल्डर में सेव हो जाए ताकि मैं अपने स्टाफ को उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे दूं, ये सब थोड़ा टाइम लगता है ये सब काम करने में, और उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ता है. मैं 7 बजे आके ये सब करूं तो आपका लेक्चर 7:30 बजे चालू होगा. नहीं, आपके क्लास में आने के टाइम के हिसाब से तो मुझे वही करना चाहिए, है ना? नहीं, आपको क्लास में 6:50 पे आना है, 7 बजे नहीं आना है, 7:05 पे तो आना ही नहीं है, आप समझा क्या? हाँ, तो मित्रों टिप उसको ही मिलेगी जो मेरा ये डिसिप्लिन फॉलो करेगा, एंड 100% अटेंडेंस इन क्लास. अटेंशन नहीं, वो तो नहीं देखा तो मारेगा पकड़ के, अटेंडेंस बोला, अटेंशन नहीं बोला, अटेंडेंस बोला. तो ये जितनी भी कंपनियां हैं दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, दे आर ऑल, अरे बोलो, इंडियन कंपनी. एंड ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी क्या होगा? अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड. वेरी गुड, दैट मींस इंडियन एंड फॉरेन विल डिपेंड ऑन प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. रिलायंस टाटा बिरला ये इंडियन कंपनी है, तो एप्पल गूगल मेटा फेसबुक इंस्टाग्राम ये फॉरेन कंपनी है. बट टुडे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन, ये तो बता लिया आपको ऐसे ही. वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक, बिकॉज टैक्स रेट डिपेंड्स नॉट ऑन इंडियन फॉरेन, इट डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक. एंड वॉट इज डोमेस्टिक कंपनी, चलिए देखते. ऑल इंडियन कंपनीज विल कम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. इंडियन कंपनी इज अ सबसेट, मैथ्स सुना है, मैथ्स पढ़ा है, सबसेट अ पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. एक बार आपका कंपनी इंडिया में रजिस्टर हो गया अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, पहले वाला क्या अभी वाला, इट इज इंडियन कंपनी एंड बाय डिफॉल्ट आल्सो बिकम्स अ, बिकॉज एवरी इंडियन कंपनी विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक. मतलब एक बार इंडियन कंपनी है वो तो डोमेस्टिक है ही है, करेक्ट और नो? ये वो रीजन है जब लोगों को लगता है कि इंडियन डोमेस्टिक सेम होता है. इंडियन डोमेस्टिक होता है बट एवरी डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट इंडियन कंपनी. इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी समटाइम्स वी विल ऑल्सो बी हैविंग अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ आउटसाइड इंडिया. तो ये इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन ये भी कभी 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 डोमेस्टिक बन सकती है. Sometimes a foreign company can also become a domestic company. Question is, sir, what is that sometimes? When will it become? वैसे तो बाहर registered है. कब? If it makes arrangement. क्या करेगा अगर तो? If it makes arrangement. क्या चीज का? Obviously the question will arise, क्या चीज का? For distribution of dividend. आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम इन इंडिया. इफ इट मेक्स अरेंजमेंट
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम इन इंडिया. ट्रांसलेट करके बताओ, अगर ये इंडिया में डिविडेंड बांटने की व्यवस्था करे तो. एटले आ इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करवानी सगवड़ गोठावे नहीं. या कंपनी ने जर इंडिया मध्ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करण्याचा निर्णय इज डिसीजन वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट बंदोबस्त केला. व्यवस्था इज हिंदी वर्ड और क्या. एनी अदर लैंग्वेज यू आर इंटरेस्टेड इन. हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया. माय मदर टंग मारवाड़ी. मदर टंग इज कॉल्ड मदर टंग बिकॉज फादर्स आर नॉट अलाउड टू टॉक. पता नहीं था आपको. आ कंपनी इंडिया में डिविडेंड वॉटी छोड़ो ना, तुमको कुछ समझ में आने वाला तो है नहीं, कोई मतलब नहीं. आया हाउ. अच्छा दैट वे. ओके ऑफ कोर्स. तो आएगा ही ना, तो नहीं आएगा तो कैसे चलेगा. मतलब इफ यू आर बोर्न इन अ मारवाड़ी फैमिली यू गॉट टू नो मारवाड़ी और सो इज द केस ऑफ गुजराती. इफ यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र एंड स्टे इन मुंबई यू गॉट टू नो मराठी अदरवाइज गेट लॉस्ट. मजा है ना तेरे को, सच बोल, मजा है ना. हाँ but I this is not funny. I believe in this and I strongly believe in this. This state has given us everything. So whichever state you belong to, of course, jo bahar se, whichever state you belong to, you should know the local language. South India mein jaake mujhe pata chala ke wahan pe koi Hindu Muslim Christian nahi hota hai, wo sab Malayali hai. Unko unka religion is Malayalam. Unko language is a very very important thing. Chaliye let's not digress. Point ki baat karte hain. Main agar aapko 10 bhasha mein bhi translate karke de dun na, because वैसे तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी बंगाली दूसरी लैंग्वेजेस भी आती है, बट ट्रांसलेशन से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. हाँ भले आर्टिकलशिप में आपके लोग आपको कुछ भी बोले, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन से काम नहीं होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा है. तो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है. इसको ना हम लोग हमारे लाइफ से रिलेट करने का ट्राई करेंगे, अपनी लाइफ से. तो एनी प्राउड यूजर ऑफ एप्पल डिवाइसेस आईफोन ईयर. आईफोन का कोई मालिक है इधर? एनीवन Anyone? Online, offline? Yes? कोई एप्पल वाला नहीं? आप है? Very good. Now the question arises, why? Sir, it is Apple. Radio है? Bluetooth से file transfer होता है? नहीं. दो why? Sir, it is Apple. And Apple iPhone is same as a Salman Khan movie. No innovation but blind fan following. बहुत deep है मेरा statement, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा. No innovation but blind. मतलब ट्यूबलाइट जैसी मूवी भी करोड़ों कमा लेती है. और किसी किसी को तो पता भी नहीं होगा ट्यूबलाइट नाम की एक मूवी भी बनाई थी, है ना. आईफोन 2, 6, 10, 14 मुझे तो किसी के किसी भी उसके अंदर एक्सेप्ट द साइज एंड द नंबर ऑफ कैमरास कुछ समझ में नहीं आता. स्टीव जॉब्स के चले जाने के बाद तो इनोवेशन तो पूरा ही खत्म हो चुका है. लेकिन एप्पल 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 आईफोन के साथ में आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो. सलमान भाई का फैन, एप्पल का फैन और मोदी जी का भक्त, इन सब में एक ही कॉमन है, यू कांट आर्ग्यू विद देम. यू कांट आर्ग्यू विद देम. नहीं, गुजरात के बच्चे, दे विल गेट ऑफेंडेड. जस्ट अ जोक. ओके, दे विल गेट ऑफेंडेड. उनके साथ में आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो. आउट ऑफ योर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एप्पल, आपने एप्पल का एक शेयर खरीदा ऑनलाइन पे. सीए के आर्टिकल, सीए के प्रोफेसर ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते एक शेयर. मैं बोला 10 अडानी के कंपनीज का मालिक हूं, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि कितना परसेंटेज मालिक हूं. मालिक हूं तो आपने एक शेयर खरीदा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एप्पल. अब जैसे इंडिया में एजीएम होता है, वैसे दुनिया भर की सब कंपनीज अपने अपने कंट्री में एजीएम रखती है और एजीएम में शेयर होल्डर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब डिविडेंड अनाउंस करती है. एप्पल ने अपनी एजीएम में यूएस में अनाउंस किया शेयर होल्डर्स विल बी गिवन डिविडेंड. सो बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर, भले एक शेयर का है लेकिन उस शेयर का डिविडेंड आपको मिलेगा ना प्रपोर्शन में. इस डिविडेंड को देने के दो ऑप्शन है. ऑप्शन वन, एप्पल बोला तेरे को डिविडेंड चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए, भले एक शेयर है तो क्या हो गया. देन ओपन एन अकाउंट इन यूएस, वी विल डिपॉजिट योर डिविडेंड इन द डोमेस्टिक बैंक अकाउंट ऑफ अवर कंट्री. दैट्स वन ऑप्शन. तुमको चाहिए डिविडेंड का पैसा तो ओपन करो अकाउंट. ऑप्शन टू, एप्पल आपको पूछता है आपका बैंक अकाउंट किधर है. आप एप्पल वाले इंडिया में मतलब कौन सी बैंक में? HDFC. विच ब्रांच? मुलुंड ब्रांच. मतलब मैं कुछ पैसा देने वाला नहीं हूं, खाली ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूं. ओके, HDFC मुलुंड ब्रांच.
ओके okay. और उसका आईएफएससी, पागल के जैसे आईएफएससी कोड नहीं बोलने का, उसका सी कोड ही होता है. दिस इज स्पेशल न्यूज फॉर स्पेशल पीपल, जो लोग पैन नंबर बोलते हैं ना, और किसी किसी को तो पता भी नहीं कि इसमें गलत क्या है, पैन नंबर ही तो होता है. पॉइंट ये है कि किसी किसी को तो पता भी नहीं कि पैन नंबर गलत है, पैन नंबर नहीं बोला जाता. कोई बात नहीं, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. तो आपको एप्पल वाला बोलता है कि अकाउंट नंबर आईएफएससी जो भी है वो सब दे दो, वी विल डिपॉजिट योर डिविडेंड आपके यहां के लोकल डोमेस्टिक बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया. तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन अ फॉरेन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर अवर टैक्सेशन लॉ पर्पसेस विल बी अ डोमेस्टिक कंपनी. एनी फॉरेन कंपनी विच मेक्स अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इन इंडिया इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक. आप समझा क्या? एंड नाउ यू कैन कंप्लीट द स्टेटमेंट. ये तो मैं पहले भी बोला हूं, मैं आधा बोलता हूं, अभी आप कंप्लीट करो. देयरफॉर ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनीज, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन कंपनीज, बिकॉज कभी कभी एक फॉरेन कंपनी, व्हेन वी से कभी कभी मतलब कभी कभी अभी अभी, इन केसेस में अ फॉरेन कंपनी विल ऑल्सो बिकम अ डोमेस्टिक कंपनी. आप समझा? और इनकम टैक्स में जो रेट दिया है ना, द रेट इज नॉट गिवन इंडियन फॉरेन के लिए, द रेट इज गिवन डोमेस्टिक. इनफैक्ट मोस्ट provisions ऑफ इनकम टैक्स, आज अगर मैं वो डिलीटेड डीडीटी की बात करूं जो आज से कुछ सालों पहले था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वॉज एप्लीकेबल, इंडियन कंपनीज पे नहीं डोमेस्टिक कंपनीज पे लगता था. आज भी एक टैक्स है बायबैक टैक्स, अपनी बुक का चैप्टर नंबर 6 वॉल्यूम 1 में ही है, और इंट्रोडक्शन जो भी टाइम ले, इसके बाद में एक एनआरआई टैक्सेशन करके बड़ा चैप्टर आएगा, और बहुत जल्दी हम लोग वो चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचेंगे ना. दैट बायबैक टैक्स इज इवन टूडे एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी. तो टुडे वी विल लर्न समथिंग विच विल हेल्प अस ऑल थ्रू आउट अवर सिलेबस. डायरेक्ट टैक्स में एक चीज आप समझ लीजिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एवरीथिंग. पहले दिन सीखी हुई चीज 10वें लेक्चर में, 20वें लेक्चर में, 25वें लेक्चर में, 35वें लेक्चर में, सब जगह पे काम आ सकती. एंड दैट इज व्हाई आई टेल यू टू रेगुलरली रिवाइज. ओके, चलिए. तो हैव वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक? नाउ नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड, लेट अस गो एंड लर्न द टैक्स रेट्स एक एक करके. पहले बात करेंगे डोमेस्टिक कंपनी की. डोमेस्टिक कंपनी का अब तक तो मीनिंग चल रहा था, अब टैक्स रेट्स ओल्ड रेजिम का चल रहा है. हेलो, आप समझते रहे हो? डोमेस्टिक कंपनी का बेसिक टैक्स इज गोइंग टू बी फ्लैट रेट ऑफ 30%. सो समहाउ समवेयर इज इट नॉट सेम एज पार्टनरशिप फर्म्स? अरे, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या है? फ्लैट 30, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो स्लैब्स. सेम इज द केस हियर, एवरी रूपी विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%. 10,000 का इनकम 3,000 का टैक्स, 1,000 रुपए का इनकम 300 रुपए का टैक्स. एवरी रूपी विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%. ये होगा इसका बेसिक टैक्स. वी ऑल नो बेसिक इज नॉट फाइनल, इसके अंदर दूसरी भी चीजें आएगी, लेकिन अभी तक तो ये बेसिक का भी एक ही आंसर नहीं है, दो आंसर रहेंगे. लेट अस गेट इन टू दैट. इफ इस कंपनी का टर्नओवर, इफ दिस कंपनी का टर्नओवर कितना ब्रो? वाओ, कब? FY 17-18 रबिश. अच्छा हुआ, चलिए देखते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है. लेट अस टुगेदर डिस्कस डिसाइड, लेट अस अंडरस्टैंड के यहां पे जो लिखा है वो बहुत सारे लोगों को नॉनसेंस लगेगा, लेकिन इसके अंदर भी लॉजिक है. यू जस्ट नीड समवन टू फाइंड इट आउट. ओके, टर्नओवर अप टू 400 करोड़. ये तो सर हम लोग ऑफिस जाता है, तुम समझता क्या हमको? हम डमी थोड़ी है. 400 करोड़, एब्सोल्यूटली राइट हूएवर सेड दैट. बट व्हेन, इफ टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22, तो उस कंपनी का इनकम टैक्स रेट 25% हो जाएगा. कौन सा ईयर में? 21-22. ओके, आई टेल यू आपका गड़बड़ क्यों हुआ. वो पहली बात तो हमको एक बहुत बड़े डाउट को केटर करना है. सर, वी आर लर्निंग टैक्स रेट्स फॉर विच ईयर? जो लोग भूल गए मैं याद दिला देता हूं दैट ये क्या चल रहा है, हम लोग किसके टैक्स रेट्स कर रहे हैं? टैक्स रेट हर साल सेम नहीं होते. वी आर लर्निंग टैक्स रेट्स फॉर द प्रीवियस ईयर, जो हमारे एग्जाम का ईयर है 23-24, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली.
हम लोग इस साल के लिए टैक्स रेट्स कर रहे हैं. एवरीवन अग्रीज विद दिस? तो जिस साल का टैक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उस साल का टर्नओवर चेक नहीं कर रहे. इफ दिस इज 23-24, मैं ये साल का टर्नओवर नहीं देख रहा हूं, मैं इसके पहले का भी नहीं देख रहा हूं, मैं इसके पहले के पहले का, जिसको आप लास्ट टू लास्ट ईयर बोलते हैं, उसका टर्नओवर. अगर ये साल का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो ये साल 25%, एंड इफ दिस ईयर का टर्नओवर हैज एक्सीडेड 400 करोड़ तो इस साल का इनकम टैक्स 30% हो जाएगा. पहली बात तो आपको ये समझ में आया, वी डोंट हैव टू सी टर्नओवर ऑफ करंट ईयर, वी हैव टू सी लास्ट टू लास्ट ईयर. व्हाट इज द लॉ? एवरीवन अंडरस्टूड. मिस्टेक किया सर, 17-18 बोला या ऐसा कुछ बोला तो करेक्ट हो गया. कौन से ईयर का टर्नओवर देखना है? 17-18 नहीं, कौन से ईयर का देखना है? 21-22. अब आता है क्वेश्चन, सर व्हाई? एंड दिस हैज टू बी द डिफरेंस बिटवीन यू पीपल एंड एवरी अदर सीए फाइनलिस्ट, एवरी अदर सीए स्टूडेंट ऑफ द कंट्री. सर ऐसा क्यों? पहली बात तो आप ये समझ लो कि 30 और 25 के बीच में ऑप्शन नहीं है, जैसे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम होता है. इट इज नॉट ये ले ले या ये ले ले, विच एवर इज बेनिफिशियल. अपन इतना पागल नहीं है किसी को बोलेगा तेरे को 30 अच्छा लगता है कि 25, नहीं क्या अच्छा लगता है? सीएस पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, ज्यादा वाला भरवाओ देश का भला करने के लिए. ऑब्वियसली टैक्स पेयर विल चूज बिटवीन 30 एंड 25 के लिए एलिजिबल होने का कंडीशन है. कंडीशन इज द लिमिट ऑन टर्नओवर. अगर वो कंडीशन फुलफिल हुआ तो वी विल अप्लाई, और अगर नहीं हुआ तो वी विल अप्लाई 30. मतलब वो चीज क्लियर है, इट इज नॉट ऑप्शनल. यू फुलफिल कंडीशन, टेक 25, डायरेक्ट सेविंग्स ऑफ 5%. इज दैट क्लियर? ऑप्शनल तो न्यू टैक्सेशन रेजिम है, ये कोई ऑप्शन नहीं है. जिसने कंडीशन फुलफिल कर दिया 400 करोड़ से कम या इक्वल टू वाला, तो उसको 25 मिल जाएगा. चलिए वो चीज क्लियर हो गई. दूसरी चीज, द लिमिट इज ऑन द टर्नओवर एंड द टर्नओवर कैन बी इक्वल टू 400 करोड़ ऑल्सो. एग्जैक्ट 400 करोड़ भी हुआ तो इट विल एंटाइटल यू फॉर 25%. आप एलिजिबल रहेगा 25%, अगर एग्जैक्ट 400 भी हुआ तो भी. दैट इज ऑल्सो क्लियर? चलिए ये तो एक कंडीशन है जो हमको सीखना था. 400 करोड़ फुलफिल किया तो एलिजिबल फॉर दैट सेविंग्स ऑफ 5% इन बेसिक टैक्स, सेस वगैरह मिला के थोड़ा और सेविंग्स हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये आता है, सर कौन से साल का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है? कम ऑन, 23-24. तो इस साल का टर्नओवर देख, इस साल का नहीं देख सकते. बताता हूं क्यों. तुम्हारा कंपनी है कौन सा? कंपनी, कंपनी का नाम बोलो. एबीसी लिमिटेड. एसी इज लाइक, अभी मैं क्या बोलूं तो ये बोल, एबीसी लिमिटेड. कंपनी का टर्नओवर चालू हुआ, पहला रुपए से जब टर्नओवर चालू होगा तो 25%. आई एम सेइंग इमेजिन के लिमिट इस साल के टर्नओवर पे था, दो साल पहले वाले पे नहीं था. आपको क्या लगता है इस साल होना चाहिए? चलिए एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं. टर्नओवर आना चालू हुआ 25%, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ हुआ 25%, 300, 350, 25%, 400 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 25%. अब टर्नओवर नहीं लेने का, नया कंपनी खोलने का. द मोमेंट यू आर अबाउट टू एक्सीड 400 करोड़, यू स्प्लिट इनटू वन मोर कंपनी. आपको पता है अगर अडानी एंटरप्राइजेस है तो वो लोग को, फेमस जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, इनसाइड अडानी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 1, अडानी एंटरप्राइजेस 2 प्राइवेट लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस 3 प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी 200, 500, 600 कंपनी आएगी. एंड द कंपनीज आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर. कैदी होता है ना जेल में, इतनी सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है, खाली जो लिस्टेड है और बड़ी है वो फेमस है. दूसरी कंपनी कर दो, आपका टर्नओवर स्प्लिट कर दो. कितना इजी है, 5% बचाना. आप समझा? इसलिए करंट ईयर के टर्नओवर पे लिमिट नहीं लग सकता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करंट ईयर पे नहीं लग रहा है तो किसके ऊपर लगाओ? लास्ट ईयर के ऊपर लगाओ. नहीं नहीं, करंट ईयर क्यों नहीं लग सकता वो एलिमिनेट किया, लास्ट टू लास्ट ईयर के लॉजिक पे आ रहा हूं ना. करंट ईयर क्यों नहीं लग सकता, इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड के ये लिमिट लास्ट ईयर के टर्नओवर पे लगे. ओके, तो लास्ट ईयर तो ये है, ये साल चल रहा है, 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 अचानक से एक दिन 1 फरवरी आएगा. दिस इज दैट डेट जब आपको ये वाले साल का बजट मिल जाएगा. दिस इज दैट बजट जिसमें अनाउंस हो जाएगा कि इस साल अगर आपको 25% का टैक्स चाहिए तो टर्नओवर की लिमिट क्या है.
तो इस साल के अकाउंट्स अभी तक तो ओपन है। अगर यहां पे अनाउंस की हुई लिमिट से ज्यादा है टर्नओवर, तो सेल्स रिटर्न मार दो, और अगर कम है तो एंश्योर करो अगले दो महीने के अंदर कम ही रहे। बिकॉज टिल द टाइम दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स डोंट गेट ऑडिटेड, इट इज वेरी वेरी इजी एंड अवेलेबल कि आप इसके टर्नओवर को मैनिपुलेट कर सकते हो। करंट ईयर का तो बहुत ही इजी था, पहुंचने वाले उसके आपको है ना बजट में टर्नओवर अनाउंस होता है कि क्या लिमिट रहेगा, हर बजट में अनाउंस होएगा अपकमिंग ईयर में टर्नओवर की लिमिट क्या लगेगी। इस बजट में अगर आपको पता चला तो ये साल तो आप मैनिपुलेट कर ही सकते हो, आप ये वाला साल भी मैनिपुलेट कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो वी कांट कीप द लिमिट ऑन लास्ट ईयर ऑल्सो, लेकिन एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न, ये साल यहां पे खत्म हुआ, समवेयर यहां पे इसका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी क्लोज, फिर ये बजट आएगा जब इसका टर्नओवर का लिमिट अनाउंस होगा। सो दैट टर्नओवर कैनॉट बी टेम्पर्ड विथ, दैट टर्नओवर कैनॉट बी मैनिपुलेटेड, इसीलिए नॉट करंट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, बट लास्ट टू लास्ट ईयर। लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं है यार, ये बहुत सालों से आप ऑफिस में यही कर रहे हो ना, टर्नओवर देख रहे हो, दो साल पहले का देख रहे हो, दो साल पहले का देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? वो पता था? नहीं पता था। नाउ यू आर क्लियर, सॉर्टेड, ऑल ऑफ यू ऑल समझ में आ रहा है? चलिए, आई एम नॉट डन एज येट दो, अब भाई साहब ने 17-18 क्यों बोला था? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, दो साल पहले का टर्नओवर होएगा तो आपकी टैक्स रेट स्प्लिट होगी, दिस वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ जेटली जी 2014 में। मतलब बिफोर 2014 का ईरा वॉज पॉसिबली द बेस्ट ईरा फॉर वी टैक्स प्रोफेसर। इतना सा लॉ था मस्त, डेढ़ दो महीने के बैच में, इंक्लूडिंग आईपीसीसी पोर्शन, मतलब इंटर पोर्शन, दो महीने से कम टाइम में कंप्लीट हो जाता था। एक ही चीज में मल्टीपल ऑप्शन के, ये कर ऐसा 30-25, एक ही था कंपनी का फ्लैट रेट 30, चलो आगे सरचार्ज सेस खत्म, बाय नाउ तो वी वुड बी इन द सेकंड चैप्टर, न्यू रेजिम तो था भी नहीं, लाइफ वॉज वेरी इजी। फिर एक दिन अचानक से जेटली जी पार्लियामेंट में 2014 में अपना बजट प्रेजेंट करने के लिए खड़े हुए, फर्स्ट बजट ऑफ जेटली जी। जेटली जी बोला कंपनी का टैक्स आज के डेट में हमारे कंट्री में कितना है, उस टाइम पे 30 ही था, एक ही ऑप्शन था, एक ही चीज थी 30। ही सेड अगले 5 साल ऑफ माय गवर्नमेंट वी विल स्लोली ब्रिंग द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट डाउन टू 25। वैसे भी दुनिया हमको सूट बूट का सरकार बोलती है, कैपिटलिस्ट सरकार बोलती है, हैशटैग ठग लाइफ जा, मैं तो कंपनी का ही टैक्स रेट कम कर रहा हूं। जेटली जी ने यह सिस्टम चालू किया, कंपनी का धीरे धीरे कम किया, इंडिविजुअल का धीरे धीरे बढ़ा दिया। तो क्या बोला उन्होंने, धीरे धीरे वी विल रिड्यूस द इनकम टैक्स रेट ऑफ कंपनीज फ्रॉम 30 to 25। धीरे धीरे रिड्यूस, बाकी किया कुछ नहीं, बोल के छोड़ दिया। कभी बोला ये? 2014, बोल के छोड़ दिया। कंपनी बोला कब करोगे वो बताओ, बोला बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वो शाना, ही वॉज अ लॉयर। 2015 का बजट आया, कुछ नहीं बताया। 16 का बजट आया, थर्ड बजट ऑफ जेटली जी। जेटली जी बोले मित्रों याद है आज से 2 साल पहले मैंने तुमको बोला था टैक्स कम करूंगा कंपनीज का, तो उस साल जिस साल मैंने पहली बार आपको यह बोला था, उस साल का टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ रुपया हुआ, मतलब 16-17 में 25% चाहिए, तो 14-15 का टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, क्या उससे कम? आप समझा? फॉर दिस ईयर आई विल चेक 2 साल पहले का, क्योंकि तभी बोला होता तो तुम लोग मैनिपुलेट कर लेते, तो मैं जानबूझ के 2 साल तक बोला ही नहीं, 2 साल बाद बोल रहा हूं 14-15 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय एवरीवन एंड ऑडिटेड, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तभी का टर्नओवर देखूंगा अभी की टैक्स के लिए। और तब से ये जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से, ये आफ्टर 2014 इट इज हैपनिंग एवरी ईयर। फिर 2017 का बजट आया, तो 17-18 के लिए सी टर्नओवर ऑफ 15-16 एंड लिमिट वॉज एनहेंस फ्रॉम 5 करोड़ टू 25 करोड़। फिर 18-19 के लिए सी टर्नओवर ऑफ 16-17 लिमिट वॉज इंक्रीज टू आई थिंक 50 था शायद उस टाइम पे, इट्स बीन अ फ्यू इयर्स, नहीं 250 था, यानी 50 था। फिर नेक्स्ट ईयर 19-20 के लिए चेक टर्नओवर ऑफ 17-18, तब 250 रखा, और फिर 20-21 में यू हैव टू चेक 18-19 का। तब से पिछले 3-4 साल से कॉन्स्टेंटली 400 करोड़ रुपया चल रहा है। लास्ट 3-4 साल में ये टर्नओवर का अमाउंट उन्होंने चेंज नहीं किया,
बस ओनली थिंग इज इयर्स आर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड. तो आज का देखने के लिए 2 साल पहले का आपको चेक करना है. तो आपने जो भी वो 17-18 पढ़ा, इस इज पॉसिबली बिकॉज आपने 1920 का किसी का टैक्स किया होगा, तो आपको लगा कि 17-18 का देखना रहता है. बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट वन ईयर, इट इज लाइक 2 साल पहले जो भी साल था उस साल का देखना होगा. एंड प्रेजेंटली वी हैव टू डू विच ईयर का टैक्स कैलकुलेशन. 23-24 के लिए हम लोग कौन से साल का टर्नओवर देखेंगे और उसके ऊपर क्या लिमिट लगाएंगे. एंड दिस इज नॉट एन ऑप्शन, फुलफिल किया कंडीशन तो 25, नहीं किया तो 30. नाउ द फुल पिक्चर अबाउट दिस स्टोरी एंड ऑल्सो क्यों ये 2 साल पहले, नॉट करंट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, बट 2 साल पहले क्यों किया, लास्ट टू लास्ट ईयर क्यों किया. एवरी वन इज क्लियर अबाउट दैट. ओके चलिए देखना. अगर जैसे आप लोग ऑफिस में अगर टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हो एंड देर आर पीपल इन योर ऑफिस हु हैव नॉलेज ऑफ दिस, कभी का टर्नओवर वगैरह देखना होता है, तो थोड़ा सा डिस्कशन करना उनके ऊपर अबाउट द रीजंस बिहाइंड इट. थोड़ा सा इन द कमिंग डेज जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते जाएंगे ना, आई विल गिव यू टास्क कि ये चीज जाके ऑफिस में किसी के साथ में डिस्कस करना. वी वॉन्ट टू क्रिएट एक ऐसा एटमोस्फियर जहां पर एग्जाम में तो वी विल स्कोर वेल ओनली बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, बट दैट रिजल्ट विल ऑलवेज बी अवर टारगेट एज अ बाय प्रोडक्ट. और हमारा मेन टारगेट रहेगा दैट हमारी नॉलेज ऐसी होने चाहिए कि ऑफिस के सब लोग अपने डाउट्स हमसे आके सॉल्व करवाए. और जब भी आप किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे लॉजिकल रीजन देते हो ना, तो उस पर्सन को, स्पेशली अगर वो चार्टेड अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है, उस पर्सन को वो चीज उसके बाद में लर्न करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती. आज के बाद व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स ऑफ कंपनी, आप कौन से साल का टर्नओवर देख के 25 या 30 डिसाइड करोगे, यू डोंट नीड टू पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन टू रिकलेक्ट दैट इस साल का था, पहले वाले साल का था, कि अगले वाले साल का था, कौन से वाले साल का था. रीजन पता चल गया ना, अपने आप याद रह जाएगा. एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर टारगेट ऑल थ्रू आउट अवर सिलेबस. समझ गया आप? हाँ, तो बेसिक टैक्स 30 या 25 बेस्ड ऑन कंडीशन. लेकिन दो बात है. पहली बात जो सब जगह पे लगती है, अगर कोई भी इनकम स्पेशल रेट वाला है तो लगेगा. इफ द कंपनी हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन्स, जो स्पेशल रेट है वो तो कंटिन्यू. कंपनी को भी कैजुअल विनिंग्स हो सकता है, थिंक अबाउट इट. कंपनी ने लॉटरी खरीदा, जीत गया, पॉसिबल है ना, तो ऑल दो स्पेशल रेट्स विल अप्लाई. सेकेंड, इस सेकेंड पॉइंट के बारे में गवर्नमेंट से कम क्लैरिटी है, लेकिन इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी रिजिड अबाउट दिस. और ये जो सेकेंड पॉइंट है, दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर ऑल द आंसर्स दैट आईसीएआई इज गिविंग. समझ लो आपने कंपनी ही आज चालू किया 23-24 में, तो पहला साल में भी टैक्स तो करना पड़ेगा ना. आप 2 साल पहले का टर्नओवर देखो 19-20 का, एक बात बताओ, जीरो रहेगा. समझ रहे सर, हाउ कंपनी ही नहीं था, यस और नो? तो 2 साल पहले का टर्नओवर तो जीरो रहेगा, तो लॉजिकली स्पीकिंग जीरो इज लेस देन 400 करोड़. कैलकुलेटर पे चेक कर लो. तो क्या लगता है आपको, क्या रेट लगना चाहिए? 25. मेरा भी लॉजिक यही बोलता है, लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है दैट न्यू कंपनी के लिए हम लोग 30% लगाएंगे. मतलब जो कंपनी 2 साल पहले थी नहीं, उसको ये 25 वाला पॉइंट इन एप्लीकेबल. 25 वाला पॉइंट एप्लीकेबल टू अ कंपनी विच वॉज इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिल्ड द क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर. इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यूज के अंदर जो सजेस्टेड आंसर दे गिव, टैक्स कैलकुलेट करो, नया कंपनी है टैक्स कैलकुलेट करो, तो 25 के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर है. मतलब इंस्टीट्यूट क्लियरली बोल देता है 2 साल पहले जो कंपनी नहीं है वो एलिजिबल ही नहीं. आपको 25 के लिए एलिजिबल होना है तो फर्स्ट यू हैव टू बी इन एग्जिस्टेंस 2 years अगो, एंड सेकेंड यू हैव टू फुलफिल द टर्नओवर क्राइटेरिया ऑफ दैट ईयर. तो 25 है. इज द बेसिक टैक्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी अंडरस्टूड बाय एवरीवन? एब्सोल्युटली क्लियर. बेसिक टैक्स होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लिखने में टाइम वेस्ट करना है तो आप बोल दो मैं कर देता हूं रिबेट. नो रिबेट, वी डायरेक्टली गो टू सरचार्ज. ठीक है, आप बताइए इंडिविजुअल का सरचार्ज 50 लाख के बाद 10%, फर्म का 50 लाख के बाद नो, इंडिविजुअल का आफ्टर 1 करोड़ 15,
तो फॉर्म का 12 आफ्टर बोला ना, आफ्टर आफ्टर 12 और इंडिविजुअल का भी आफ्टर 1 करोड़ 15 एट 1 करोड़ इट इज 10 आफ्टर 2 करोड़ इंडिविजुअल विल फर्दर मूव टू 25 फर्म विल रिमेन एट 12। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द सिचुएशन फॉर डोमेस्टिक कंपनी। अगर इस डोमेस्टिक कंपनी का नेट टैक्सेबल टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़ है तो नो सरचार्ज। मतलब सरचार्ज आएगा सबको लेकिन दी थ्रेशोल्ड्स एंड लेवल्स आर डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचईसी एंड सरचार्ज? एचईसी विल आएगा सबको एट द सेम रेट ऑन द सेम अमाउंट बट सरचार्ज व्हाइल इट विल कम फॉर एवरीवन द रेट्स आर हैविंग ह्यूज डिफरेंस। कंपनीज को भी 1 करोड़ तक नो सरचार्ज। सो वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी इंडिविजुअल स्मॉल टैक्स पेयर्स विल स्टार्ट पेइंग 10% सरचार्ज द मोमेंट वी एग्जीड इनकम ऑफ 50 लाख बट कंपनीज कॉर्पोरेट एसोसिएशंस कंपनीज फर्म्स एलएलपीज विल नॉट पे अप टू 1 करोड़। मोदी जी हाय हाय। मोदी जी बोलता है तेरे से 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लिया ना, तुम समझा क्या? तेरे को बेसिक एग्जेम्पशन दिया ना। मोदी जी का मन था इंडिविजुअल्स का भी फ्लैट रेट कर दो, इंडिविजुअल्स का भी फ्लैट जैसे कंपनी फर्म है ना एवरी रूपी शुड बी टैक्सेबल। दंगे नहीं हो जाएंगे कंट्री में? तो आइडिया इनडायरेक्टली टैक्स कर लेता, इनका सरचार्ज बढ़ा देता हूं, इनको सरचार्ज जल्दी लगा देता हूं। कंपनी फर्म से तो ऑलरेडी हमको फ्लैट मिल रहा है, लेट दैट सरचार्ज कम एट अ लेटर स्टेज। ऑलवेज नो द आंसर टू द क्वेश्चन वाई अलॉन्ग विथ वॉट इज द लॉ। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? चलिए जैसे हम लोग 1 करोड़ क्रॉस करते हैं इंडिविजुअल आप साथ में बोलते जाओ क्योंकि आपका रिवाइज होते जाएगा और मैं चाहता हूं कि सरचार्ज में कोई बच्चा मिस्टेक नहीं करे। इट इज इजी लेकिन बस बहुत सारा है तो सब कुछ याद रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल का 1 करोड़ के बाद 15, फर्म का 1 करोड़ के बाद, डोमेस्टिक कंपनी का 7%। कुछ ज्यादा ही वेराइटी है ब्रो। आफ्टर इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ 7 ऑफकोर्स ऑन बेसिक टैक्स एंड विथ मार्जिनल रिलीफ। वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरचार्ज ऑल थ्रू आउट सेम रहेगा। इट विल कम ऑन बेसिक टैक्स एंड अगर मार्जिनल रिलीफ एलिजिबल है तो वो मिलेगा बट ओनली इफ यूर इनकम इज अप टू 10 करोड़। जैसे इंडिविजुअल का था ना मोर देन 1 अप टू 2 वैसा ही कुछ मोर देन 1 अप टू, क्योंकि अगर आपका इनकम 10 करोड़ क्रॉस किया ना 10 करोड़ गोवा के सेंट सेबिस्टियन गार्डन में बड़े से डब्लू के नीचे नहीं पता, कोई बात नहीं विल कीप सम अदर लेक्चर ऑन दैट। तो अगर आपका इनकम 10 करोड़ क्रॉस किया तो 12%। सो डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज इफेक्टिवली बिकम्स 0, 7, 12 जीरो टू 1 करोड़ 0%, मोर देन 1 अप टू 10 7% एंड मोर देन 10 करोड़ 12%। अंडरस्टूड? एंड फाइनली द लास्ट थिंग दैट विल कम इन डोमेस्टिक कंपनी एचईसी, द ओनली गुड थिंग इन टैक्स कैलकुलेशन ऑल थ्रू आउट इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज एप्लीकेबल एट 4%। दिस इज ओल्ड टैक्स रेजिम ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। अभी ओल्ड नॉन डोमेस्टिक का, फिर ओल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, फिर न्यू रेजिम सब का। हे भगवान। तो देवी एंड सज्जनों, डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी सेम नहीं, ऑल इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज इफ इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया, करेक्ट और नो? व्हाट इज द बेसिक टैक्स रेट? फ्लैट 30। लेकिन 2 साल पहले यू एग्जिस्टेड एंड योर टर्नओवर वाज अप टू 400 करोड़, तो वी विल अप्लाई 25 सरचार्ज आफ्टर 1 करोड़ 7% आफ्टर 1 करोड़ 7% एंड आफ्टर 10 करोड़ 12% एंड एचईसी 4%। कैपिटल बी समझते हो? समझाता हूं। इन असेसी नंबर 4 कैपिटल ए कैपिटल बी, तो अगर हमने डोमेस्टिक कर लिया तो अभी हम क्या करेगा? नॉन डोमेस्टिक पे जाएंगे। वंस अगेन वी स्टार्ट विथ बेसिक टैक्स विच इज गोइंग टू बी दिस टाइम फ्लैट रेट ऑफ 40। वैसे ये शायद आपको पता था इंडियन 30 फॉरेन 40, बट उसमें जो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड था आज हमने वो कर लिया। तो डोमेस्टिक 30 नॉन डोमेस्टिक फ्लैट रेट ऑफ 40%। तुम
डैश 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 बाहर से आता है, हमारे लैंड में अर्न करता है। नहीं, आपको नहीं बोला मैं कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बात नहीं करता है। ओके, पिछले 9 साल से तो घर पे भी ऐसा बात करने का राइट चला गया है। माँ बाप के ऊपर जोर चलता था, अभी नहीं चलता है। ओके, आई नेवर टॉक टू एनी स्टूडेंट सो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो व्हेन आई सेड तुम डैश 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 डैश, दिस इज गवर्नमेंट टॉकिंग टू फॉरेन कंपनीज, यू डैश 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 डैश, बाहर से आके इधर से पैसा कमा के जाता है, पे द शेयर ऑफ दिस लैंड एंड पे गुड अमाउंट एज द शेयर ऑफ दिस लैंड 40%। बस एक ही रेट है 40। 100 रुपया कमाया 40 रुपया टैक्स, 1000 रुपया कमाया 400 रुपया टैक्स, 10,000 कमाया 4,000 टैक्स। नो बेसिक एक्सेम्पशन, नो स्लैब। सर फ्लैट रेट का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हो। इसका रेट कितना है 40%। और कोई वैरायटी नहीं है सर, टर्नओवर कम हुआ तो थोड़ा 5% का। नहीं नहीं नहीं, वो सब किसमें खाली। एज अ टैक्स पेयर यू मे बी वेरी सैड, यार मेरे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट नॉन डोमेस्टिक कंपनी को तो जो न्यू रेजिम है वो भी अवेलेबल नहीं है। न्यू रेजिम इज ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी, विल टॉक मोर अबाउट दैट वंस वी स्टार्ट न्यू रेजिम। इनको तो वो भी नहीं है। तो एज अ टैक्स पेयर यू विल बी वेरी सैड, क्या यार मेरे पास लाइफ में सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, दैट इज 40% का ऑप्शन, दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन थिंक अबाउट इट एज अ सीए स्टूडेंट, थिंक इफ यू कैन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मल्टीपल थिंग्स। द मोमेंट यू कम अक्रॉस अ फॉरेन कंपनी दैट इज अ नॉन डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी नॉट मेकिंग एनी अरेंजमेंट, यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई 40%, टॉपिक खत्म, कोई वैरायटी नहीं, खत्म हो गया इसका बेसिक टैक्स, कोई डिस्कशन ही नहीं। देखो 30 का 25 हो रहा था तो कितना सारा डिस्कशन करना पड़ा, कौन सा टर्नओवर देखने का, क्यों देखने का, ब्ला 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 ब्ला, इधर वैसा कुछ है ही नहीं। 40% आप समझा, सीधा आगे जाएंगे आफ्टर बेसिक नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा बाय द वे ये फिर भी स्पेसिफाई कर दूं कि स्पेशल रेट सबको अप्लाई करेगा, मतलब आफ्टर अ पॉइंट तो वी शुड स्टॉप स्पेसिफाइंग इट ऑल्सो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू अप्लाई। न्यू रेजिम तक भी अप्लाई कर जाता है तो स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, खाली नॉर्मल में ऑप्शन रहता है तो स्पेशल रेट तो अप्लाई करेगा आफ्टर बेसिक सरचार्ज। इतना तो हम समझ ही गए दैट कंपनीज में फर्म्स में 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, सुनो सुनो, मोर देन 1 इंडिविजुअल, मोर देन 1 हुआ इंडिविजुअल 15, थोड़ा और आगे मोर देन 2 हो गया, थोड़ा और आगे मोर देन 5 हो गया, मोर देन 1 अगर फर्म हुआ 12, थोड़ा और आगे जाके मोर देन 5 करोड़ हो गया, हाँ 12, मोर देन 1 करोड़ डोमेस्टिक कंपनी, थोड़ा और आगे जाके मोर देन 10 करोड़ हो गया, मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ नॉन डोमेस्टिक 2%, और 10 करोड़ क्रॉस किया तो 5%। मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी का 0712 था वो इनका 025 है। And some are like, sir, लेकिन ये इतना कम क्यों सर? नहीं, मैं एक आइडिया देता हूँ, मस्त आइडिया देता हूँ, सुनना सुनना। फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में कमाएगा ना पैसा, तो उससे बेसिक टैक्स 40 ले लो, फिर सरचार्ज ले लो 40% टैक्स का, नहीं इनकम का, और फिर एक काम करो 20% HEC ले लो, वो भी इनकम का, और फॉरेन कंपनी को फिर गीता का ज्ञान दो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, है ना। Do you understand we have already levied a massive basic tax rate of 40%? नहीं तो फिर we will never be able to attract foreign companies with their investments. We have to give them some benefit. यहाँ पे इनका surcharge में बहुत कम किया, हम basic में already उनको वसूल कर लिया। I hope you have understood that. Okay? चलिए. And finally, HEC will apply at 4%. Always. मित्रों, दैट इज योर कंपनीज का टैक्स इन द ओल्ड रेजिम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? फैंटास्टिक। सरचार्ज हमने जिधर भी लिख दिया ना, जिधर भी, आपको एक काम करो, मैं एक दूसरा आइडिया देता हूं। ओके, आप लोग अपने नोटबुक में कहीं पर नोट्स टेक डाउन कर रहे हो, क्लास का कर रहे हो, अपनी नोटबुक का लास्ट का 3-4 पेज या स्टार्टिंग का 3-4 पेज, जहां पे भी आपको जगह मिले। ओके, लेट अस डू दिस एक्सरसाइज टुडे ओनली। वैसे मैं सेकंड चैप्टर से ये करवाने वाला था, लेकिन आज ही कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं। ओके,
लास्ट के पेज को अगर यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे गलती से उसको एक्स एंड जीरो खेलने में आप यूज ना कर लो, और गलती से नेल कट करने के टाइम पे वो पेज फाड़ नहीं दो, ऐसा नेल काट कर नेल काटने के लिए वो वाला पेज फाड़ दिया और बाद में वो नहीं. इफ यू आर राइटिंग ऑल दिस प्लीज मेक श्योर कि आप ये जहां भी लिखो ये बहुत ध्यान से प्रिजर्व करो. इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ईजी फॉर द लास्ट वन एंड हाफ डे बिफोर योर एग्जाम, तो हम ये जो क्लास में लिख रहे हैं ना ये हमारे लिए गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसको लास्ट दिन तक बचा के रखना पड़ेगा. ओके कोई भी फ्रेंड आपकी नोटबुक मांगे जेरोक्स करने के लिए नोटबुक मत देना, खुद जेरोक्स करवा के जेरोक्स दे देना, पैसा ले लेना. समझा? नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरी नोटबुक भी घुमाई हुई है जब पढ़ता था तुम. अभी ना झगड़ा कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, दोस्त है ना. तो मित्रों आई एम अ बाबू भैया फैन, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं मांगता है. ओके वी आर गोइंग टू मेक अ स्पेशल पेज फॉर राइटिंग जनरल नोट्स ऑफ इनकम टैक्स. मतलब किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई हिटिंग पॉइंट टू बी नोटेड हमको मिलता है, कुछ नोटवर्दी पॉइंट देखने मिलता है जो उस चैप्टर के लिए ही नहीं लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट एंड सिलेबस में काम आएगा. यू नो जनरल नॉलेज ऑन इनकम टैक्स, ऐसा एक पेज बनाएंगे नोट्स लिखने के लिए. यू कैन राइट जनरल नोट्स ऑन इनकम टैक्स, जनरल नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, जनरल पॉइंट्स टू बी नोटेड. क्योंकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में लिखेंगे ना तो ऐसा लगेगा खाली इस चैप्टर को एप्लीकेबल है, मगर कुछ बातें पूरे सिलेबस को एप्लीकेबल होती है तो हम वो अलग से लिखेंगे. बट प्लीज मेक श्योर यू प्रिजर्व दीज नोट्स. ओके तो आज ही इसका शुरुआत कर लेते हैं. वी राइट द फर्स्ट जनरल नोट्स. अब आप नंबरिंग में 1 2 3 करो कि एबीसी करो, हर चीज आके मेरे से नहीं पूछने का. फाइनल में आ गए हो तुम लोग. यू डू नंबरिंग द वे यू लाइक यार, ABCDEFGH में 26 से ज्यादा वैसे भी नहीं होने वाला है तो जेड में खत्म हो जाएगा. ओके हम वहां पे आज पहला पॉइंट लिख लेते. एवरी टाइम देयर इज सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ विल बी एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट. Every time there is surcharge, marginal relief will be applicable by default. Is that clear? I don't think it is required, क्योंकि in any case, मैं normal regular notes में भी वो चीज लिखने वाला हूं, लेकिन मैं आपको खाली बोल रहा हूं अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए. ओके जब भी आप बेसिक टैक्स रेट्स करते हो ना उसमें आपको सेग्रीगेट करके स्पेशल रेट तो हमेशा लगाना ही है. ओके मैं जानबूझ के ये हिंदी में बोला बिकॉज अगर मैं इंग्लिश में बोलता ना तो जो बोलता आप ब्लाइंडली वही लिखते. आई वॉन्ट यू इफ एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में रोड एवरी डे कवर होने वाला है, रेगुलरली होने वाला है. लेकिन बाई चांस आपको इसको नोट बना के लिखना है तो मैं चाहता हूं कि खुद समझो और खुद लिखो दैट जब भी बेसिक टैक्स किया मैंने इधर ब्रैकेट में चैप्टर 12 नहीं भी लिखा है ना, इट इज अंडरस्टूड दैट चैप्टर 12 इज ऑलवेज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. एंड जहां पे भी सरचार्ज लिख लिया इट इज अंडरस्टूड दैट मार्जिनल रिलीफ इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. इज दैट क्लियर? चलिए तो इसी के साथ कंप्लीट होता है कंपनीज का टैक्स. कंपनीज का इसको छोड़ के बाकी सब फ्लैप ऐसा कर दो जो भी कर दो नहीं तो इधर मैं गिर जाएगा. ओके फाइव लास्ट टैक्स रेट इन द ओल्ड रेजिम टैक्स रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. जब भी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करते हो यू आर इनिशियली रजिस्टर्ड एज अ एओपी और एओपी के टैक्स रेट तो हमने ऊपर किए सेम एस वन है. बट जब भी हम एओपी का टैक्स रेट वहां पे करते हैं ना हर एओपी के ब्रैकेट में लिखा होता है एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसको डिस्टिंक्ट प्रोविजन देना वाज एन इंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ. सो वंस यू आर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट यू मे बी हैविंग पैन कार्ड ऑफ एओपी अंडर इनकम टैक्स बट यू आर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो वी वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ लिटल चेंज एज फार एज योर टैक्स रेट्स आर कंसर्न. कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट थोड़ा अलग करके चलेगा. उनके लिए भी स्लैब्स दिया है लेकिन क्या कचरे जैसा स्लैब्स दिया. देखो पहले 10,000 की इनकम पे 10% टैक्स लगेगा. मतलब दैट वे इफ यू थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन एवरी रुपी ऑफ इनकम
अगर इनका इनकम 10,000 से 20,000 के बीच में है 20% और 20,000 क्रॉस किया तो ऑन द एक्सेस इट विल बी 30%. दिस इज द बेसिक टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इतना बेसिक स्लैब्स दिया है. बट अगेन शैल आई मेंशन चैप्टर 12 विल ऑलवेज अप्लाई. हम लोग पता है इंडिविजुअल के टैक्स में ऐसा करते थे 10 लाख के ऊपर 30%, फिर 1,12,500, 1,10,000 या तीसरे वाले का 1 लाख. इसमें लोग कुछ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, 20,000 के जो भी ऊपर इनकम है एनीथिंग अबव 20,000 का 30% प्लस 3,000. 3,000 कैसे आया समझ में आया? 10,000 का 10% 1,000 और 10,000 का 20% 3,000, मतलब 2 एंड टोटल 3. यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो. ओके, बट दिस इज बेसिक टैक्स. आफ्टर बेसिक टैक्स व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम? अगर लिखना है और लिख के टाइम वेस्ट करना है तो रिबेट नॉट एप्लीकेबल. ये इनकम 5 लाख से कम है और रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कैसे नॉट एप्लीकेबल बोलते? एप्लीकेबल होएगा ना, होएगा ना? हाँ नहीं भाई, इंडिविजुअल का करेक्ट है. सरचार्ज, अगर आपका नेट टैक्सेबल टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है तो 0, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सरचार्ज विल ऑल्सो बी अट्रैक्टेड आफ्टर 1 करोड़. मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो 7%, मोर देन 10 करोड़ है तो 12%. डू दीज रेट्स ऑफ सरचार्ज अपियर फेमिलियर? देखेला सुनेला डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट्स एंड कोऑपरेटिव सरचार्ज का रेट्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज का रेट्स आर सेम. एंड लास्ट स्टेप मैं बताऊं क्या बताऊंगे? HEC. When? How much? Every time we write surcharge, marginal relief is by default taken care of. So, Devyo and Sajjano, this is that stage of our life where we can proudly declare tax rates and introduction chapter khatam, harsh, nash. Because we are till now done only with the old regime. करेक्ट है. अब हम क्या करेगा? नाउ वी गो टू द न्यू टैक्सेशन रेजिम. अंडर द न्यू टैक्सेशन रेजिम वी आर सपोज टू लर्न अ टोटल ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस. वी हैव टू लर्न 115BAA बाब लिखा है रे, बाप नहीं, क्या लिखा है? 115 बा, देन थैंक यू 115 बाब, ये छोड़ के सब बंद कर दो, फ्लैप मेरे पे कर दो. 115 बा, अरे दिस इज नॉट गुजराती ग्रैंड मदर रे, इट इज सेक्शन नंबर BAA. बाब प नहीं है, नहीं तो पप्पा हो जाते. 115 बास, not that these guys stink. 115 बाड़ बोलो, बैड बोलो, जो तुमको जमे वो बोलो, ये तुमको अच्छा लगेगा. योर बे, yeah. 5 सेक्शन कर. हम आज कंपनी और फर्म के टैक्स रेट्स इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं because with effect from AY 24-25 this new section has been announced. सिर्फ इसकी वजह से हम कर रहे. Once upon a time, what I used to do was individual का सारा tax rates complete करता था, HUF का और company का tax rates including new regime company के chapter में, firm के chapter में. लेकिन cooperative society I used to cover here, ठीक है? Cooperative society का old regime में एक रेट हमने किया, न्यू रेजिम का सेक्शन ये वाला है 115BAD. एवरीबडी पे अटेंशन. इंडिविजुअल का न्यू रेजिम का सेक्शन ये है, इंडिविजुअल का न्यू रेजिम ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू रेजिम ये है. तो इंडिविजुअल का ओल्ड किया ये कर लिया, कोऑपरेटिव का ओल्ड किया ये कर लिया. ये दोनों कंपनी के सेक्शन है तो कंपनी के चैप्टर में ओल्ड न्यू दोनों करते थे और ये तो था ही नहीं.
लेकिन अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक नया सेक्शन आया 115 डी. एम आई डूइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सर इन दिस चैप्टर? यस, बिकॉज आई एम डूइंग ओल्ड रेजिम इन दिस चैप्टर, आई हैव टू डू दिस सेक्शन ऑल्सो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिस चैप्टर. और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का सब कुछ कर लिया तो ये जो नया वाला है वो भी कर लिया, ये करना ही पड़ेगा इसी चैप्टर में, बिकॉज दिस हैज कम फॉर विच एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो दीज टू बीइंग सेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. क्योंकि ये दोनों ये चैप्टर में करना ही है, तो नाउ आई डिसाइड कि ये भी कर लेता हूं. द रीजन इज एनी स्टूडेंट हु नोज दिस ऑल्सो नोज दिस. और शैल आई से एक्चुअली ये बोलना गलत है क्योंकि ये नया है बे. Anyone who knows this, imagine कीजिए, you are an old student of taxation. आप पिछले कुछ सालों से taxation पढ़ रहे हो, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो पुराना section है. अगर आपको ये पता है तो ये आपको automatic पता है, इसमें कुछ आया ही नहीं, खाली यहां पे company लिखा है, यहां पे society लिखा है, बाकी पूरा section same है. So सच बताओ तो मेरे को है ना condition एक ही बार लिखनी है और बोल दूंगा, society होगा तो BA ही, company होगा तो BAB. ठीक, उसी तरह ये और ये भी बहुत हद तक सेम. मतलब दैट वे अगर आप देखोगे, दीज टू सेक्शंस आर एप्लीकेबल टू विच एसएससी कंपनीज, दीज टू सेक्शंस आर एप्लीकेबल टू विच एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी. दैट वे ऐसा लगता है ना सर, ये दोनों कंपनी का, ये दोनों सोसाइटी का, मतलब ये दोनों थोड़े सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे. बट द ट्रूथ इज ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है. द ओनली डिफरेंस इज द एसएससी टू होम इट इज एप्लीकेबल. ये तो एकदम ही अलग है, इसकी तो बैंड बजा दी है, बैंड कसम से. अगर मैं ये क्लासरूम नहीं होता है और अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स का टीचर नहीं होता है और प्लस हमारे क्लास में माइनर चाइल्ड भी है, अगर वो नहीं होता तो बैंड बजा दी है कि जगह मैं कुछ और ही बोलने वाला था, वही जो आप सोच रहे हो. इस सेक्शन का वो ही कर दिया, बैंड बजा दिया. सो वी हैव टू लर्न दिस ऑफकोर्स. और कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये दोनों कर रहे हैं तो सोचते हैं चलिए साथ में ये दोनों भी कर ही लेते हैं, खत्म. मैटर ऑफ टैक्स रेट्स इज ओवर वंस एंड फॉर गुड. हमको आगे इसके आगे टैक्स रेट सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. इज दैट अंडरस्टूड? सो ऑफ कोर्स इफेक्टिवली अब टोटली कितने हो गए? 5 सेक्शंस ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम. उसमें दीज टू आर फॉर, एज आई सेड, ये दोनों किसके लिए है? ओके, लेट मी बी अ लिटिल स्पेसिफिक. ये दोनों आए हैं डोमेस्टिक कंपनी के लिए. ये दोनों किसके लिए है? द एग्जिस्टिंग सेक्शन एंड द अमेंडमेंट. जब भी हमारे किसी भी चैप्टर में अमेंडमेंट आएगा, क्लास में पढ़ाने के टाइम पे वो ऐसे ही लिखा जाएगा, लाल लाल खून खराबा वाला कलर करके आपको बताया जाएगा दैट दिस इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्ट. ये दोनों किसके लिए है? कोऑपरेटिव सोसाइटी. और शैल आई बी अ लिटिल स्पेसिफिक, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऑफ कोर्स द ओनली न्यू सेक्शन देयरफॉर इज बीएई. ये सेक्शन नया नहीं है, ये 2019 में आंटी लाई थी, ये 2020 में लाई थी ये दोनों, और ये 2023 में लाई. तो सेक्शन तो 2020 से चल रहा है. इस सेक्शन में अब तक लिखा हुआ था दिस सेक्शन इज फॉर इंडिविजुअल एचयूएल. क्या लिखा था? इंडिविजुअल एचयूएल. बट नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम एवाई 2420, मतलब अमेंडमेंट्स का बारिश चालू हो गया है ऑलरेडी. आंटी का हॉबी चालू हो गया है. दिस विल ऑल्सो कवर एओपी बीओआई एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑब्वियस रीजन. बाय द वे हमने ओल्ड रेजिम में रेट्स भी जहां पे किया ना, एओपी बीओआई कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एओपी फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज, बट टैक्स पर्पस के लिए इट इज ऑलवेज डिफरेंट. और यहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो अलग ही रेट्स दिया. एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, मतलब दो और एसएससी अब एलिजिबल हो जाते हैं 115 बीएससी के लिए. अब तक खाली कौन था? इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन अब एओपी बीओआई और एजेपी को भी एलिजिबल कर दिया. तो क्या हमको फॉलोइंग चीजें समझ में आती है? पहला, 115 बीएई इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन इन शार्प सिमिलैरिटी विथ 115 बी ए बी, जो कंपनीज के लिए ऑलरेडी था. ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर बी ए बी दोनों कंपनी का है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और बी ए डी बी ए दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी का है तो दोनों का डिफरेंस क्या है? जो बा और बाब का डिफरेंस है वही बैड और बे का डिफरेंस है.
वी विल डिवाइड कंपनीज इनटू टू कैटेगरीज, ठीक उसी तरह नाउ वी विल डिवाइड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आल्सो इनटू कैटेगरीज, समझा। और बीएससी में क्या अमेंडमेंट आया, वी आर कवरिंग मोर स्कोप, बढ़ा दिया, मोर असेसिस आर गोइंग टू गेट कवर्ड आउट हियर। तो दो अमेंडमेंट तो ऑलरेडी सीख लिया हम लोगों ने, प्लस बीएससी के अंदर और भी बहुत सारा मस्ती किया, एलिजिबिलिटी एसएससी का चेंज कर दिया, देन ओल्ड न्यू कैसे चूज करने का उसमें अमेंडमेंट आया, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जो टैक्स रेट्स अनाउंस हुए थे ना, रेट्स ही पूरे बदल दिए, रिबेट बदल दिया है, सरचार्ज बदल दिया है, एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर भी बदल दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है लाइफ का, सब बदल दिया उन्होंने। ओके, तो मित्रों क्या फॉलोइंग बातें क्लियर होती है, नया सेक्शन खाली कौन सा है, बाकी चारों पुराने बीएई, इज दैट क्लियर। दूसरा, बीएसी सेक्शन नया नहीं है, ओनली स्कोप इज वाइडन्ड एंड मोर असेसिस आर गोइंग टू गेट कवर्ड आउट हियर, इज दैट ऑल्सो क्लियर। चलिए अब वी आर गोइंग टू लर्न दीज सेक्शंस वन बाय वन, ऑब्वियसली विद द एलिजिबल असेसी ओनली बीइंग डिफरेंट, डेफिनेटली देयर विल बी सम डिफरेंस इन द वेरियस सेक्शंस, बट मेरा आपको ये सेक्शंस पढ़ाने के पहले एक टास्क है आपके साथ, आपको इन सेक्शन नंबर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, ध्यान से आपको इन सेक्शन नंबर्स को देख के, ओनली सेक्शन नंबर्स नथिंग एल्स, यू हैव टू पॉइंट आउट समथिंग फॉर मी, बहुत जरूरी है। कोई को बोलता है एबीसीडी, रे ये नर्सरी का क्लास नहीं चल रहा है इधर, वो तो दिख रहा है एबीसीडी, मैं तो म्यूजिक के साथ बोला बा बा बास बाड़ बा। दिस फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ चैप्टर 12, जाके चेक करो 110 और 115 बीबी जे के बीच में फॉल करते हैं क्या नहीं। न्यू टैक्सेशन रेजिम इज नथिंग बट एक्स्ट्रा पार्ट इन स्पेशल रेट्स चैप्टर 12 के अंदर। ओके, अगर आपको सच में बेयर एक्ट के साथ में लॉ सीखने का इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई कोई बच्चे को क्या रहता है मालूम है, सर ये सब नहीं, सिंपल भाषा में बोलो ना एक्चुअली चल क्या रहा है, हमको कैसे सम सॉल्व करना है सीखा, बात बाकी सब मीन्स डिपेंड करता है, अभी आपका टारगेट नॉलेज है कि आपका टारगेट ऐसा सर एग्जाम में क्या चीज है, अगर एग्जाम के लिए खाली आपको तैयार करना है तो ये बैच आधे ड्यूरेशन में भी कंप्लीट कर सकते हो, लोग उड़ाएंगे आपकी हंसी सारी जिंदगी, वो अलग बात है। ओके, तो दिस सेक्शन स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड अ नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, इंग्लिश नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज का मीनिंग समझोगे, अगर कोई सेक्शन चालू होता है विद द वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनीवेयर इन द लॉ, व्हाट आर द वर्ड्स, नॉट, देखा है पढ़ा है सुना है कभी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनीवेयर, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब मैं किसी और की बात नहीं सुनेगा, मैं ही सबसे ऊपर, दैट इज कॉल्ड नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनीवेयर, मतलब इनकम टैक्स लॉ में दूसरा कुछ भी लिखा हो वो कट, मैं सबसे बड़ा, इज वॉट इज रिटन इन ऑल दी सेक्शंस। इनकम टैक्स लॉ बोलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिडक्शन ले, मैंने बोला नहीं मिलेगा, अगर तुम मेरे में आया तो नहीं मिलेगा, मतलब देयर फॉर एनीबडी इन न्यू रेजिम ऐसी साइड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स का लॉ बोलता है चैप्टर 6 में आपको डिडक्शन मिलता है, मैं आया ना तो नहीं मिलेगा, इफ आई एम एप्लीकेबल तो नथिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट मी विल बी एप्लीकेबल, एनीथिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट विथ मी विल नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज मैं सबसे बड़ा, इज एनी सेक्शन स्टार्टिंग विद द वर्ड्स नॉट विथ स्टैंडिंग, और जिसको लीगल टर्म्स में बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, जिसको लीगल भाषा भी सुनने में समझने में थोड़ा इंटरेस्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड बाय द वे। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब समझा, लेकिन आगे सेक्शन कंटिन्यू हुआ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनीवेयर इन इनकम टैक्स, मतलब सब कुछ कैंसल, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब मैं सबसे बड़ा, सब्जेक्ट टू मतलब तू मेरे से बड़ा, नहीं समझा, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता,
not withstanding any reason, you are not allowed to bunk class. तो आपके सब रीजन गए भाड़ में, आपका कोई रीजन नहीं माना जाएगा. यू आर नॉट अलाउड टू बंक क्लास. मतलब कहना इसे क्लास बंक नहीं करने वाला रूल सबसे बड़ा रूल है. रीजन सब गए भाड़ में, बट सब्जेक्ट टू, मतलब कहना इसे आई एम मेकिंग एन एक्सेप्शन कि वो रीजन चलेगा. समर लाइक सर बाकी सब छोड़ दो, अभी इनकम टैक्स छोड़ दो, बताओ पहले कौन सा रीजन चलेगा. मेरे को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, कौन सा रीजन चलेगा पहले वो बताओ. देयर इज वन ओकेजन व्हेन आई विल अलाउ यू टू बंक क्लास. एक ही ओकेजन. यू वांट टू नो दैट? नो. सपोजिंगली यू हैव डाइड एंड यू वांट टू अटेंड योर ओन फ्यूनरल एंड यू कांट मेक इट टू क्लास एंड दैट्स द ओनली डे आई कैन एक्सक्यूज. नहीं कैसा लगेगा? नहीं, सब लोग उधर आपके लिए आए और आप ही नहीं है, कैसा अजीब नहीं लगेगा? बोला के एवरीबडी लाइक के रुको थोड़ी देर, मेरे को लेके मत जाना, मेरा डीटी का लेक्चर कंप्लीट होके आता है. दैट इज द ओनली ओकेशन व्हेन आई अलाउ यू टू मिस क्लास. मतलब नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर रीजन बट सब्जेक्ट टू दिस रीजन. ऐसा ही कुछ लिखा इंसेप्शंस के अंदर. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन इनकम टैक्स. मतलब भाड़ में गया, एसीजेड भाड़ में गया, चैप्टर 6 भाड़ में गया, सब कुछ, बट सब्जेक्ट टू दिस चैप्टर, मतलब चैप्टर 12, फॉलोइंग विल द टैक्स रेट्स, फॉलोइंग विल बी द टैक्स रेट्स. इसका मतलब क्या? इसका मतलब इनकम टैक्स में और कुछ भी दिया वो नहीं लगेगा, लेकिन ये चैप्टर. अब बताओ ये चैप्टर मतलब हम लोग कौन से चैप्टर का पार्ट है इनकम टैक्स में? मैंने इसलिए आपको सबसे पहले पूछा सेक्शन नंबर्स देख के कुछ आइडेंटिफाई करो. दे फॉल इन चैप्टर 12. मतलब इन शॉर्ट, न्यू टैक्सेशन रेजिम इनकम टैक्स के किसी भी पार्ट की इज्जत नहीं रखेगा, लेकिन चैप्टर 12 की रखेगा. सर कुछ नहीं समझा. सपोजिंगली आप कुछ नहीं समझा, लास्ट 5 मिनट को अपने दिमाग से डिलीट कर दो और एक लाइन समझ लो. इवन इफ यू गो इन न्यू टैक्सेशन रेजिम, एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट विल कंटिन्यू टू अप्लाई. ये है नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज बट सब्जेक्ट टू चैप्टर 12. स्पेशल रेट्स विल अप्लाई. अगर मैं ये बोल दू स्पेशल रेट्स विल अप्लाई इवन इन न्यू रेजिम, ये कितना ईजी लगता है? बस वही है जो पहली लाइन इन सेक्शंस में लिखी है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनीवेयर इन इनकम टैक्स लॉ बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. भारी है? स्पेशल रेट विल अप्लाई इवन इन न्यू रेजिम, इजी है? अब डिपेंड करता है आप क्लास में किसके लिए आता है. किसी को पैशन होता है लॉ पूरा डिटेल में सीखने का, और किसी को ऐसा होता है क्या पकाता है रे ना, सीधा ये बोला स्पेशल रेट न्यू रेजिम में लगेगा, ठीक है चल सम करते. Now, unless I am giving a customized private tuition, where I ask के भाई तेरे को क्या चाहिए, तेरे को कब क्लास चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को किस ड्यूरेशन का क्लास चाहिए और तेरे को कब ब्रेक चाहिए, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन में जो ब्रेक टाइम होता है उसमें भी घड़ी चलता है, घड़ी के हिसाब से पैसा लगता है. ब्रेक चाहिए ले, 3 घंटे के क्लास में 2 घंटा ब्रेक ले. मैं तेरे को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा हूं, मतलब वो घड़ी से घड़ी काउंट होएगा. तो आई कैन मेक इट कस्टमाइज. However, in class we have to maintain balance. हम सिर्फ सिंपल भाषा में बात नहीं कर सकते कि जो टेक्निकली कुछ सीखने के लिए आए हैं उनको मजा नहीं आए, और खाली ऐसा लीगल 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 ऐसा बैर एक्ट खोल के चल बैर एक्ट पढ़ते हैं. ए, वो तो हम खुद ही ऑफिस में पढ़ लेता रहे सुबह सुबह, तू इतना भी हैंडसम नहीं है कि रोज सुबह तेरे को देखने को आए, वो तो हम खुद ही ऑफिस में देख लेता ना यार. अब समझा क्या? वी विल मेंटेन एडिक्वेट बैलेंस. आप ये समझा, आप ये समझा, ये सब चैप्टर 12 का पार्ट है. अब एक और क्वेश्चन इमर्ज होता है, सर अगर ये दोनों डोमेस्टिक कंपनी है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत भारी है, वो इतना भारी है कि BAA और BAD में सिमिलैरिटी है और BAB और BAE में सिमिलैरिटी. जो इन दोनों कंपनी में डिफरेंस है वही इन दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी डिफरेंस है. विद टाइम वी विल लर्न, बट फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो 5 सेक्शन है दे आर ऑल सेक्शन ऑफ न्यू रेजिम. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपके साथ में ये 5 सेक्शन कंप्लीट कर लेता हूं, दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड विथ यू एवरीथिंग ऑफ न्यू रेजिम. और इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज अब आपको उस पेज पे लिखनी है, स्पेशल वाले पेज पे अगर लिखनी है तो, जो मैंडेटरी है लिखना वो मैं बोलूंगा राइट, अगर लिखनी है तो. समर लाइक के अगर हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, बोल दिया लिखनी है मतलब हम लिखे गए, तो लिखो अगर तुमको मन है तो. पार्टनरशिप फर्म LLPs के लिए, लोकल अथॉरिटीज के लिए कोई न्यू टैक्सेशन रेजिम नहीं. सबको दे दिया, अभी तो AJP को भी दे दिया.
अरे पेट है ना आपके, हैप्पी, उसको भी न्यू टैक्सेशन रेजिम अवेलेबल है, बोलना उसको घर पे जाके आज यू आर कवर्ड इन न्यू टैक्सेशन रेजिम। एंड अपने जो पेट होते हैं ना वो अपने बच्चे जैसे होते हैं, उनकी भाषा अपन समझते भी है ना। और आपका जिस सीए फॉर्म में आर्टिकल शिप करते हो, फॉर्म है क्या, एलएलपी है, नाम क्या है, इधर ही है लोकली, कहां पे, एक्सटेसी बिल्डिंग, वो फ्लाईओवर के बाजू में, तो मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस भी उधर ही है, 7th फ्लोर पे। मेरा वीडियो लेक्चर का रिकॉर्डिंग और वहां से सेल और प्रोसेसिंग और पेन ड्राइव और सब तो उधर से ही बिकता है, दैट इज माय ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता था आपको, पता, वेरी गुड, आई नो आई एम फेमस। तो सुनो सुनो, आज पहले ऑफिस जाओगे ना, पहले घर थोड़ी जाओगे, ऑफिस जाओगे, ऑफिस में जाके आपके जो प्रिंसिपल है उनको जाके बोलना, सर मेरे हैप्पी को भी न्यू टैक्सेशन रेजिम है लेकिन आपको नहीं है सर। आप समझे क्या, आप समझे, पार्टनरशिप फर्म्स LLPs जिनके साथ लोकल अथॉरिटी भी हमने कवर किया था, देयर फॉर नाउ इज द ओनली एसएससी जिसको न्यू रेजिम है। टिल लास्ट ईयर एओपी को एजेपी को भी नहीं था, लेकिन आज उनको दे दिया बीएसई में, वाइडन करके स्कोप को, फॉर्म्स को नहीं है। तो तीन बहुत जरूरी बातें, बीएई नया है, बीएसई सेक्शन नया नहीं है, लेकिन बहुत सारा अमेंडमेंट है, इंक्लूडिंग रेट्स एंड एवरीथिंग हैव चेंज्ड, विल डिस्कस ऑल दी अमेंडमेंट्स अंडर बीएसई। एंड तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आपने उस पेज पे समराइज करी भी है कि फर्म एलएलपी को न्यू रेजिम नहीं है, बेचारा आप सोच रहे कि यार मेरा जो ऑफिस का प्रिंसिपल है, जो पार्टनर ऑफ द सीए फर्म है, कितना दुखी होगा ना, सबको न्यू रेजिम मिलता है उसको नहीं मिलता है, उसको दुखी होने दो, मैं तो क्या बोलता हूं, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म का सम सॉल्व कर रहे हो तो आप सुखी हो, क्यों, एक ही बार टैक्स करना है, बिकॉज अदर देन दैट ब्लडी हेल हर क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, अनलेस क्वेश्चन सेज एसएससी हैज टेकन ओल्ड रेजिम के न्यू रेजिम। आप समझा क्या, एमसीक्यू में वो लोग जनरली बता देते क्योंकि एक ही ऑप्शन रहता है, सब्जेक्टिव में अगर नहीं बोला तो आपको दोनों करना पड़ेगा, या कोई कोई को एग्जाम में टाइम बचा, उधर ये सब है ना कलाकारी यूज करना पड़ता है एग्जाम में, एग्जाम में टाइम बचाना है, आपने कोई एक रेजिम सॉल्व कर दिया, एक लाइन लिख दिया, अल्टरनेटिवली असेसी कैन ऑप्ट फॉर न्यू रेजिम, द रेट्स विल चेंज, द अमाउंट विल चेंज, मतलब आप पेपर चेकर को इतना कन्विंस, आपको खाली पेपर चेक करने वाले को इतना कन्विंस करना होता है कि मुझे बहुत सारी चीजें आती है, आई हैव नॉलेज, पेपर चेकर कन्विंस हो गया ना तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। आप समझा क्या, चलिए तो इन पांचों सेक्शन पे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम, ऑल द 5 सेक्शंस, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले इन पांचों सेक्शन के अंदर जो भी आपकी टैक्स रेट्स है, द टैक्स रेट्स आर गोइंग टू रेड्यूस विज अ विज द ओल्ड टैक्सेशन रेजिम। ओल्ड रेजिम के कंपैरिजन में न्यू रेजिम में जो भी टैक्स रेट दिया कम है, जैसे कंपनी का ओल्ड में कैसा था 30-25, उससे कम है, इंडिविजुअल का ओल्ड में कैसा था 0-5-20-30, उससे कम होगा, कॉपरेटिव सोसाइटी का ओल्ड में डायरेक्ट स्लैब्स था 10-20-30, उससे कम होगा, जो भी इधर टैक्स रेट होगा वो ओल्ड से कम होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द न्यू टैक्सेशन रेजिम। अनाउंसमेंट करने के टाइम पे आंटी बोली दैट इंडस्ट्री इज पुटिंग प्रेशर ऑन मी, क्या करने के लिए, रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो, और साइड बाय साइड उनको सारे टैक्स बेनिफिट्स भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए, चैप्टर 6A के सारे डिडक्शंस चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डिडक्शन चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च के डिडक्शन चाहिए, तुमको सब डिडक्शन लेने हैं, एग्जेम्पशन लेने, व्हेन वी टेक डिडक्शन एग्जेम्पशन इनकम रिड्यूसेस, नाउ यू वांट मी टू रिड्यूस टैक्स ऑल्सो, हलवा है नहीं, तुमको टैक्स रेट कम चाहिए, ग्रांटेड ऑन अ कंडीशन दैट यू विल हैव टू फोरगो इंग्लिश, छोड़ दो फोरगो टैक्स बेनिफिट्स, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल हैव टू फोरगो टैक्स बेनिफिट्स, एंड लॉन्ग लिस्ट इज गिवन, ये भी छोड़ दो, 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 सम ऑफ देम यू मे अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल अ थिंग लाइक चैप्टर 6A इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, भाई ये जो लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं ये सब नहीं मिलेंगे,
by the end of the syllabus I will make you eligible for ATU, but only if you take old regime. New regime mein nahi milega. Well, while you are ATU, you also have to have that knowledge. Despite being a ATU case, aapko itna pata hona chahiye ki milega to old mein hi milega, new mein ATU nahi milega. Special economic zone, ek special tax benefit hai. Some of them are easy. Some of them are things that you know but you all have forgotten. For example, leave travel allowance ka ek benefit milta hai section 10(5) mein. Ya 10(13A) mein house rent allowance ka exemption milta hai. Yes? New regime mein nahi milenge ye sir. So if you want all these benefits, stay in the old regime. Or leave all this and go to the lamba list hai. Tumko list ratta nahi marne ka. Nahi. Tumko kya karna hai? You should go through that list multiple times. सम क्या देगा? मिस्टर एक्स हैज गॉट फॉलोइंग इनकम्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ऑल दैट विल बी गिवन. तो उनको देख के आपको पता चलता है वो चैप्टर सिक्स है. और फिर आपने इतनी बार वो लिस्ट रीड किया है कि एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के आपको ये तो पता चल जाए कि ये चीज न्यू रेजिम में एक्सक्लूड होती है. तो माइनस करके ओल्ड रेजिम और बिना माइनस किए न्यू रेजिम, एंड ऑन दी टू अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट योर टैक्स. मतलब ये पांचों सेक्शन के फीचर्स है. पांचों में जो भी एसएससी कवर्ड है उसका ओल्ड के कंपैरिजन में टैक्स रेट कम होगा, लेकिन उसको बहुत सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे. दैट लॉन्ग लिस्ट वी विल गो थ्रू सेक्शन बाय सेक्शन. अभी थिंक अबाउट इट दैट वे. इंडिविजुअल के लिए हम लोग बोल सकते हैं एटीसी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी को एटीसी मिलता ही नहीं. सो जो कंपनी के डिडक्शन है वो कंपनी के सेक्शन में बोला छोड़ दो, जो इंडिविजुअल के डिडक्शन है वो इंडिविजुअल को बोलेगा छोड़ दो. व्हिचएवर इज एप्लीकेबल उसको वही छोड़ने का बोलेगा ना. You are not eligible only something, तो तुमको छोड़ने का कैसे बोलेगा? तो that we will have to do section by section. लेकिन features में तो common point है ही ना कि tax rate कम होगा लेकिन exemption deduction छोड़ना पड़ेगा. चलिए, what else? One thing that we all know that all these five sections are optional. This is my biggest problem. जिस दिन ये वर्ड डिलीट हो गया मैं आंटी को चरण में गिर के बोलेगा मारो, मैं पागल हूं, मुझे मारो, मारो मुझे. बट ऑप्शनल है और इसकी वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है. सो वी हैव टू कैलकुलेट एज पर ओल्ड, एज पर न्यू. और एज पर ओल्ड अगर करना है तो ये जितने टैक्स बेनिफिट्स है ना, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, ये सब मिलेंगे, मिलेंगे ना ओल्ड में, तो हमको वो सॉल्व करना आना चाहिए. अगर न्यू कंपलसरी हो जाता तो ये चैप्टर सिक्स से उड़ गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उड़ गया, ये सब चैप्टर ही उड़ जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑप्शनल. लास्ट ईयर तक मैं जब ये कॉमन फीचर्स करवाता था तो यहां पे ब्रैकेट में एक और लाइन लिखवाता था दैट अगर आपको न्यू चाहिए तो आपको ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अपने रिटर्न में बोलना पड़ेगा कि आई वांट न्यू रेजिम. व्हाइल यू आर फाइलिंग योर रिटर्न आपको बोलना पड़ेगा. अगर आपने नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी इन ओल्ड. मतलब ऑप्शनल है बट ओनली इफ यू एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट, अदरवाइज ओल्ड. ऐसा मैं लिखता था तो सर अभी क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसमें आज भी वही है, बाय डिफॉल्ट ओल्ड अनलेस यू ऑप्ट फॉर न्यू. इसमें भी वही है, इसमें भी. बट अब आंटी को, इंडिविजुअल्स को जबरदस्ती खींच के न्यू में लाना है तो आंटी ने 115 बीएसी में एक लाइन ऐड कर दिया दैट बाय डिफॉल्ट यू विल बी इन न्यू. ओल्ड चाहिए तो ऑप्शन एक्सरसाइज करो. मतलब अब तक क्या होता था, जो कुछ नहीं बोलेगा वो ओल्ड में रहेगा. बी डबल ए, बी ए बी, बी ए डी, बी ए स्टिल द सेम. लेकिन बीएसई में जो कुछ नहीं बोला वो न्यू में रहेगा. ओल्ड चाहिए तो बोलो ओल्ड, नहीं तो न्यू रहेगा. और बाकी सब में क्या हो गया, न्यू चाहिए तो बोलो न्यू, नहीं तो ओल्ड रहेगा. क्या गोंधल समझते हैं? कंफ्यूजन. क्या कंफ्यूजन डाल के रखा है भाई, खुद कंफ्यूज दूसरे को भी करते. बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नो लॉन्गर राइट दैट लाइन एक्सरसाइज टू गेट न्यू, बिकॉज बीएससी में यू हैव टू एक्सरसाइज टू गेट ओल्ड. लेकिन ये वाला वर्ड तो आज भी पांचों को लगेगा ना. पहले मैं क्या करा रहा हूं, कॉमन पॉइंट्स ऑफ न्यू रेजिम. फिर मैं क्या कराऊंगा, कौन से सेक्शन में क्या अलग है. जैसे
बाकी चार में तो अब भी रूल सेम है ना, बाय डिफॉल्ट ओल्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करो न्यू के लिए, लेकिन बीएससी में क्या है, बाय डिफॉल्ट न्यू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर ओल्ड, तो जो अलग है उसको अलग करके लिखाएंगे। अरे सिमिलैरिटी डिफरेंसेस होता है ना, पहले सब सिमिलैरिटी लिख देते हैं, दीज आर सिमिलैरिटीज ऑफ ऑल फाइव सेक्शंस, टैक्स रेट कम होएगा, एग्जेम्पशन डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा और न्यू रेजिम ऑप्शनल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू रेजिम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ हिडन सीक्रेट बेनिफिट ऑफ न्यू रेजिम, विच समहाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट। बाहर की दुनिया ढोल पीट पीट के खाली रेट्स के डिफरेंस की बात कर रही है या बेनिफिट्स फॉर गोइंग की बात कर रही है, इसकी बात ही नहीं कर रहा है कोई। इनकम टैक्स लॉ में एक टैक्स लगता है कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स फॉर कंपनीज, और एक दूसरा टैक्स लगता है कॉल्ड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर अदर्स। कंपनी को जो लगेगा वो मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, चैप्टर 15 वॉल्यूम 1। दूसरों को लगेगा अदर देन कंपनीज को वो एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, चैप्टर 16 वॉल्यूम 1, लास्ट चैप्टर, लास्ट टू चैप्टर्स ऑफ वॉल्यूम 1, 15 एंड 16। सर ये होता क्या है, क्योंकि आर्टिकल शिप इज अगेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड दैट टैक्सेशन एंड दिस टैक्सेशन इज डिफरेंट, भले इनकम टैक्स एक्ट सेम हो। ओके, इन द लॉ वी हैव टू लर्न व्हाट इज द लॉ, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्लीमेंट। ये बोलता है रिटर्न फाइल कर, कैसे फाइल करने का, कौन सी वेबसाइट पे जाने का, वो खुलती ही नहीं है, फिर क्या करने का, वो आपको ऑफिस में सीखने मिलता है। पेशेंस आपको ऑफिस में सीखने को मिलता है। इंफोसिस ने और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लोगों को पेशेंट रहना सिखा दिया। सबर करो, सबर करो। एंड फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट दिस, सुनो सुनो, गुड जूस, गिव मी अ लाउड चीयर, ये यू कैन अनम्यूट एंड डू दैट, ये जोर से एक बार, एनर्जी किधर है, ओके। गुड जूस कैन कॉल दिस मिनिमम आटलो टैक्स, एंड द नेम एक्सप्लेन्स द टैक्स, मिनिमम आटलो टैक्स, या फॉर अदर पीपल आटलो मिनिमम, एक ही बात है। ओके, आई नो महाराष्ट्रियंस आर ऑफेंडेड, तो महाराष्ट्रियंस ऑन द हाउस गिव मी अ लाउड चीयर, ये मिनिमम ये बड़ा टैक्स, बट वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। मारवाड़ीज कम ऑन, मिनिमम अत्रो टैक्स, अगेन ए, अत्रो अत्रो। सर दिस कॉन्सेप्ट हैज द मीनिंग ऑफ मैट, तुम्हारा टैक्स जो भी आ रहा हो कम से कम इतना देना पड़ेगा। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज वॉट एवर टैक्स यू हैव अदरवाइज कैलकुलेटेड और दिस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स व्हिच एवर इज हायर। अगर तुम्हारा टैक्स 5 लाख आ रहा है लेकिन मैट तुम्हारा 6 लाख है तो तुमको 6 भरना पड़ेगा, मिनिमम मैट तो भरना ही पड़ेगा। अदर वे राउंड हुआ, नॉर्मली 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है तो नॉर्मल भर दो, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। समझा, मतलब कहना इसे कॉन्सेप्ट्स लाइक मैट एंड एएमटी विल इंक्रीज योर अदरवाइज लोअर टैक्स, नॉट एप्लीकेबल इन न्यू रेजिम। जिनको भी मैट एएमटी लगता है उनको न्यू रेजिम में मैट एएमटी नहीं लगेगा। एनी एसएससी ऑप्टिंग फॉर मिनिमम, एनी एसएससी सॉरी ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्सेशन रेजिम विल बी इम्यून फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट एएमटी। कंपनीज को मैट लगता है, बाकी सबको एएमटी लगता है। तो मैट के चैप्टर में बोला है एक्सक्लूडिंग एनी कंपनी इन न्यू रेजिम, और एएमटी के चैप्टर में बोला है एक्सक्लूडिंग एनी एसएससी इन न्यू रेजिम अदर देन कंपनी ऑफ कोर्स। अच्छा सर इसमें मेरा फायदा क्या, चल उसकी बात करते हैं, फायदा क्या ठीक है। क्योंकि समझ लो कि मेरा जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है अदर देन मैट और एएमटी वो ही ज्यादा था, नॉर्मल 6 आ रहा है मैट 5 आ रहा है, तब तो मेरे को 6 ही भरना था, करेक्ट और नो? तो सर न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाने से फायदा क्या हुआ, टैक्स तो 6 ही आ रहा है। सुनो, समवेयर इन द चैप्टर मैट एएमटी ऐसा लिखा है दैट इफ यू आर कवर्ड इन मैट और एएमटी, जो ओल्ड रेजिम वाले तो रहेंगे, तो आपको अपने मैट का कैलकुलेशन या एएमटी का कैलकुलेशन एक सीए से साइन करवा के लाना पड़ेगा, फॉर्म 29B, वो तो चापला वही फॉर्म 29B मैट का है, तुमने बहुत किया ना इसलिए एक्साइटेड हो, 29C किया ही नहीं है क्योंकि हमारे गरीब क्लाइंट्स को एएमटी वाले एएमटी के थ्रेशोल्ड में कोई आता ही नहीं है। जैसे मैट का फॉर्म 29B ऑफिस में अगर बाई चांस आपने देखा होगा, एएमटी का फॉर्म 29C होता है, सीए से साइन कराना। मैं बोलता हूं टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट को छोड़ दे एक बार के लिए,
अगर न्यू रेजिम में जाएगा और मैट नॉट एप्लीकेबल होएगा, तो कम से कम वो फॉर्म 29B करवाने का जो सीए का ओवरहेड कॉस्ट है वो तो बचेगा ना कंपनी को, सीए फोकट में तो करेगा नहीं। ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारे सीए लोग पैकेज बना के देते हैं कि साल के 10 लाख में तेरा इनकम टैक्स भी देख लूंगा, तेरा स्टैट ऑडिट भी देख लूंगा, तेरा टैक्स ऑडिट, तेरा रिटर्न फाइलिंग, तेरा टीडीएस, तेरा जीएसटी सब देख लूंगा। डॉक्टर लोग ऑपरेशन का पैकेज बनाते हैं, सीए लोग भी पैकेज बना के देते हैं ऑल इंक्लूसिव, इसका एक्स्ट्रा रहेगा खाली। ओके अरे आप समझा क्या? नेवर, ये आपको फोकट का प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहा हूं, कभी भी आप ना किसी से भी ऑल इंक्लूसिव असाइनमेंट मत लेना। ओके क्योंकि क्लाइंट लोग बहुत चतुर होते हैं, यू आर न्यूली क्वालिफाइड सीए, वो लोग बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या बोलेंगे, एक्चुअली हमारा स्टाफ को सब आता है, आपको खाली आके उसको थोड़ा थोड़ा गाइड करना है कि ऐसे ऐसे करो, तो फिर सर इतना बड़ा पैकेज कैसे, आपको खाली हमारे ऑफिस को मतलब जो स्टाफ है उनको एक उनका स्टाफ हर 15 दिन में छोड़ के जाएगा, तो आपको हर बार नए को सिखाना। ओके दूसरा, मेरे को एक जन ने बोला था, टिपिकल गुज्जू बिजनेसमैन ना, मतलब डोंट बी ऑफेंडेड बट फैक्ट है, उनको कैसे बाटली में उतारने का लोगों को आता है, बोलता है यार मेरे स्टाफ को सब आता है, तू खाली आके ऊपर ऊपर से देख लेने का खाली। वो स्टाफ को बोला, बोलता है सर टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होता है वो खाली बता दोगे क्या? मैं बोला ये दिमाग खराब है क्या, और तेरे को बैठ के सिखाओ तो खुद ही कर लूंगा, उतने तेरे से फास्ट करूंगा, और तेरे को बैठ के सिखाओ तो प्राइवेट ट्यूशन का फीस मालूम है तेरे को। नेवर फॉल फॉर दैट ट्रिक, हाँ हमेशा आपके क्लाइंट को बोलना चूज आला कार्ट, क्या क्या चाहिए, असाइनमेंट वाइज फीस चार्ज करना, ऑल इंक्लूसिव पैकेज के डब्बे में मत उतरना, नहीं तो तुमको डब्बे में डाल के ढक्कन भी टाइट लगाएगा वो, कभी भी उस ट्रिक में फॉल मत होना। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जिस कंपनी को मैट लगेगा ही नहीं उसका सीए का ये वाला कॉस्ट तो बचेगा। देखो अपनी कम्युनिटी का नुकसान है, लेकिन न्यू टैक्सेशन रेजिम लेने वाले एसएससी का कुछ तो फायदा हुआ है, समझा? तो मैट एएमटी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑल द 5 सेक्शंस। तो पहले 2 में मैट लगता है, बाकी 3 में एएमटी लगता है, जो लगता है वो नॉट एप्लीकेबल। इज दैट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? 100%। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूं, एंड आई वॉन्ट इट टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड, वो हमेशा अप्लाई करेगा इवन इफ यू आर इन न्यू रेजिम। इन सिंपल टर्म्स, मैंने ये पहले भी किया है, वापस एक बार करता हूं, आपके जो भी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम है इसको आप डिवाइड करेगा इनटू नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम विल बी टैक्स एट रेट्स गिवन इन चैप्टर 12। नॉर्मल में आप ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। द ऑप्शन ऑफ टेकिंग ओल्ड और न्यू इज अवेलेबल फॉर, मित्रों ऑप्शन ऑफ टेकिंग ओल्ड और न्यू रेजिम इज अवेलेबल फॉर नॉर्मल, स्पेशल विल ऑलवेज गो इन स्पेशल। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? मजा आ रहा है? दीज आर कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द 5 सेक्शंस ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम। इन कॉमन फीचर्स में लास्ट ईयर तक हम एक लाइन और ऐड करते थे, दैट अवेलेबल ओनली इफ ऑप्टेड बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ओल्ड में रहेगा। लेकिन अब वो नहीं लिख सकते, 4 के लिए लिख सकते लेकिन 5वें के लिए नहीं लिख सकते, ठीक है? तो बिटवीन द 5 सेक्शंस ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम व्हाट इज कॉमन इन ऑल, ये उसके फीचर्स है। सब में टैक्स रेट कम होगा, ऑफकोर्स इंडिविजुअल सेक्शन कर करके देखेंगे कितना कम कंपेरिजन टू ओल्ड रेजिम कितना कम। दूसरा, इस कम वाले रेट के लिए आपको अपने एग्जेम्पशन डिडक्शन थोड़े बहुत छोड़ने पड़ेंगे, तो दैट लिस्ट वी हैव टू स्टडी। ऑप्शनल है, दैट एवरीवन हैज अंडरस्टूड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ओल्ड और न्यू, व्हिचएवर यू फाइंड बेनिफिशियल। एंड लास्ट 2 पॉइंट, मैट एएमटी एंड स्पेशल रेट्स, एवरीवन इज क्लियर? चलिए अब अगर इतना सीखा है तो थोड़े डिफरेंसेस भी सीख लेते हैं। ये 5 सेक्शन के कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारा जो सेक्शन 115 बास है ना, बास, इसमें कुछ कुछ बातें अलग है कंपेयर्ड टू बा एंड बाब विच असेसी, एंड बैड एंड बे विच असेसी। सच बताऊं तो इन 4 सेक्शन में ये बातें भी सेम है,
सो इफ आई टीच किसी दिन यही सेक्शन, अगर 115 बीएसी डिलीट हो जाता है तो सिमिलरिटी के अंदर ही ये पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ये चारों में तो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम. जो डिफरेंस है वो खाली इसमें. तो हम लोग जब स्कूल में डिस्टिंग्विश करते थे, पता है, पेज के बीच में लाइन बना के लेफ्ट साइड राइट साइड लिखते थे, वो लाइन इधर बनेगी, बिकॉज डिफरेंस इज ओनली अंडर बीएसी. आप समझा क्या? सिमिलरिटीज एवरीवन इज क्लियर. नाउ लेट अस लर्न द डिफरेंसेस व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन 115 बीएसी. पहला, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बट आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया, तो पिन पॉइंट करके लिखना जरूरी है, दैट जब हम कंपनीज के लिए बाप आप करेंगे तो इन सेक्शंस ने क्लियरली वर्ड यूज किया है डोमेस्टिक कंपनी. जाके देख लो, आई वॉज वेरी स्पेसिफिक, वेदर यू ऑब्जर्व्ड और यू डिड नॉट, बट नाउ आई एम पॉइंटिंग आउट फॉर यू. चेक कर लो, डोमेस्टिक कंपनी को ही मिलेगा, मतलब नॉन डोमेस्टिक ओनली ओल्ड रेजिम 40%. खत्म टॉपिक. आगे, जब हम इन दोनों सेक्शन में जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी सीखेंगे, बहुत स्पेसिफिकली यहां पर रेसिडेंट लिखा है, चेक कर लो. और इसका मतलब अगर आप समझे हो कि इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर क्या अलग हो रहा है, तो डू यू अंडरस्टैंड दैट यहां पर वेदर इंडिविजुअल एचयूएफ और नाउ विद अमेंडमेंट एओपी बीओआई और रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट बोथ विल बी एलिजिबल फॉर दिस. लिखा क्या रेसिडेंट? रेसिडेंट लिखा है 115 बीएसई में? नहीं, तो सबको मिलेगा. कंपनी में खाली डोमेस्टिक को देना था, डोमेस्टिक लिखा. कोऑपरेटिव सोसाइटी में रेसिडेंट को देना था, रेसिडेंट लिखा. लेकिन यहां पे नहीं लिखा है. यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट डिफरेंस इन 115 बीएसई? वैसे वो डिफरेंस तो मैंने इधर ही लिख दिया था, आपने पॉइंट आउट नहीं किया या आपने नोटिस नहीं किया, अलग बात है. मैं तो एप्रोप्रिएट टाइम का वेट कर रहा था. तो ये सब तो सिमिलैरिटी है. फर्स्ट डिफरेंस विच एग्जिस्ट ओनली अंडर बीएसई. समझा गया? मजा आया? एवरीवन विथ मी. सेकेंड डिफरेंस, फॉर दीज सेक्शंस यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ न्यू रेजिम इन योर ROI. ROI stands for return of income. You may be a little income uncomfortable with this, क्योंकि beginning है. आप अगर office में ITR बोलते हो तो शायद ITR, income tax return, return of income, आपका जो annual statement of income आप furnish करते हो to the income tax department, वो उसके अंदर आपको बोलना है कि सर मेरे को new regime चाहिए. और वो भी आपको कब बोलना पड़ेगा? On or before 139(1) ड्यू डेट. यू हैव टू टेल सर न्यू चाहिए सर. नहीं बोला तो ओल्ड में रहोगे. और बोलना है कब तक है? ऐसा थोड़ी 2-3 साल बाद ऐसा मन हुआ सर रेट्रोस्पेक्टिव. नहीं, इफ यू डू नॉट चूज न्यू रेजिम अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, दैट मीन्स यू विल फॉल अंडर ओल्ड रेजिम. 139(1) is the due date of return filing. अरे वही रे अपना हमेशा वाला, तो चापला नेम ही चा, वही अपना हमेशा वाला. क्या ट्रांसफर प्राइसिंग वाले का अक्टूबर और ऑडिट वाले का, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले का नवंबर, ऑडिट वाले का अक्टूबर और दूसरे लोगों का जुलाई, वही उस ड्यू डेट के पहले पहले आपको चूज करना है. नहीं किया तो ओल्ड रेजिम में रहोगे. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, तो इफ नॉट एक्सरसाइज by default you will be in old regime. If exercised, कौन था वो बोला new? Obviously new. नहीं, अरे नहीं exercise किया तो बोल दिया ना, by default तो new में ही रहने वाला, by default तो इसमें old में रहने वाला है, exercise किया तो new में. wait. अब आप जिंदगी भर, जिंदगी समझते हो आजीवन, लाइफ टाइम, फॉर एवर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल स्टे इन द न्यू रेजिम. एक्सरसाइज किया तो आप किधर चला गया? किधर गया? अभी उधर ही रहने का.
वापस आने का? समझा क्या सर? इसको याद कैसे रखें? आइडिया, दिस इज लाइक योर सीए कोर्स। आपको न्यू में रजिस्टर कराना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो आप किस में हो? ओल्ड में हो। करेक्ट, वो ठीक है, उन्होंने वो सिस्टम लगाया है कि ऑटो रजिस्ट्रेशन हुआ है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी दैट पैरेलल अटेम्प्ट्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू आर नॉट गोइंग टू रन। ओल्ड इज डिसकंटिन्यूड एक झटके के अंदर। हिस्टोरिकली तीन चार अटेम्प्ट तक, एटलीस्ट एक दो साल, चार अटेम्प्ट मतलब दो साल, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम साथ में चलता, मतलब ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स साथ में चलता था, फिर इंस्टीट्यूट वार्निंग देता था ये न्यू कोर्स का मतलब ओल्ड कोर्स का लास्ट एग्जाम है, इसके बाद न्यू में कंपलसरी ट्रांजिशन लेना पड़ेगा। तो दोनों पैरेलल चलता था, तो आप बाय डिफॉल्ट किस में रहेंगे? ओल्ड में। अगर आपने इंस्टीट्यूट को जाके बोला नहीं सर मेरे को मजा नहीं आ रहा है, इसका छोड़ना है मेरे को, नए में जाना है, तो आप ओल्ड से न्यू में गया, अब आप वापस ओल्ड में नहीं आ सकते। या वो छोड़ दो, अभी से आपके लिए कंपलसरी है ना न्यू कोर्स में शिफ्ट होना, अब आप वापस ओल्ड में, तो एक बार आप न्यू में चला गया, कमिंग बैक इन ओल्ड इज नॉट अवेलेबल, दैट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट। ये तो चारों में यही लिखा है, इफ एट ऑल एनीथिंग डिफरेंट इज रिटर्न, वेयर इज इट रिटर्न? यहां पे क्या बोला? पहला डिफरेंस क्या था? नॉन रेसिडेंट को भी मिलेगा, वो क्लियर है? अच्छा, जैसे जैसे हम पॉइंट कर रहे हैं आप पहले वाले भूलता जा रहे हो कि नहीं? नहीं पूछ रहा हूं। तो पांच सिमिलैरिटी, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, फोरगो टैक्स बेनिफिट, मैट एएमटी नॉट एप्लीकेबल, स्पेशल रेट विल अप्लाई ऑप्शनल, करेक्ट। अब डिफरेंसेस, बट डिफरेंसेस आर ओनली अंडर बीएसी। पहला डिफरेंस, उसमें नॉन रेसिडेंट भी आता है। दूसरा डिफरेंस, यू हैव टू एक्सरसाइज, अब शुड आई से दिस डिफरेंस हैज आल्सो अराइजन, क्योंकि मेंशन करना जरूरी है, विथ इफेक्ट फ्रॉम EY 2024-25। क्या इस बजट में अनाउंस हुआ है फाइनेंस एक्ट में? क्या कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन ऑफ ओल्ड रेजिम इन ROI ऑन और बिफोर 139(1) ड्यू डेट। ये अमेंडमेंट है सर। व्हाट इज द अमेंडमेंट? लास्ट ईयर तक वो ही था जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, बाय डिफॉल्ट यू वर इन ओल्ड। न्यू चाहिए तो बोलो न्यू चाहिए, नहीं तो ओल्ड। लेकिन अब उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा कर दिया, बाय डिफॉल्ट यू विल बी इन, कुछ नहीं बोला तुम तो यू विल बी इन, ड्यू डेट के बाद बोला तो यू विल बी इन। अगर ओल्ड चाहिए तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले बोलो ओल्ड चाहिए, नहीं तो हम तुमको सीधा न्यू में डाल। इस जगह पे अगर तुम एक बार न्यू में चले जाते हो तो यू स्टे देयर ओनली, करेक्ट। लेकिन यहां पे ये वाला रूल अलग है, दैट्स द थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस। यहां पे कैसे चलेगा, लेट अस सी दैट आल्सो। आप समझ लो ये पूरा का पूरा पॉइंट भी अमेंडमेंट है, ओके? पूरा पॉइंट भी अमेंडमेंट है। इन एनी केस यू हैव टू लर्न द प्रेजेंट लॉ। सो फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट यू विल बी इन, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट बीएससी, सो बाय डिफॉल्ट यू विल बी इन new. If you want old, then exercise the option on or before the due date of return filing. Otherwise, by default, you will be in new. Ab, the question is, kya main isko change kar sakta? As far as the left side ka four sections are concerned, ek to new mein jana aapka option tha. Chale gaye to fir udhar hi rehna hai, wapas nahi aa sakte. Lekin as far as the right side is concerned, aap kahan gaye ho, aap kahan rehte ho, new mein rehte ho. Aapko chahiye to aap kahan chale jao, old mein. Old mein jane ke liye before the due date of return filing. तो दो टाइप के लोग होंगे, जिसने कुछ नहीं बोला वो कहां रहेगा? न्यू में ही रहेगा, न्यू चलता जाएगा, करेक्ट और नो? और जिसने बोला ओल्ड वो कहां चला गया? ओल्ड, ओके? अब क्वेश्चन ये है, जो कुछ नहीं बोल के न्यू में चला गया, उसका मन बाद में होता है ओल्ड में आने का, तो इज दैट पॉसिबल? विल आंसर दैट। और जो बोल के ओल्ड में चला गया उसको वापस न्यू में आना है, तो इज दैट ऑप्शन अवेलेबल? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसका थोड़ा सा, दिस इज द ओनली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, अदरवाइज आप देखोगे ये सिमिलैरिटीज भी इजी थी और ये जो डिफरेंसेस अब तक भी किए ना वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। अब जो पार्ट होने वाला है ना वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, एंड दिस इज इजी ऑन द लेफ्ट साइड। इफ यू सी
एक बार न्यू में चले गए तो न्यू में ही रहोगे, करेक्ट। राइट साइड में वी हैव टू आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ पीपल। ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो किधर है? ओल्ड में, राइट साइड में। ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो ओल्ड में, तो क्या वो न्यू में आ सकता है? और सेकंड, जिसने नई एक्सरसाइज किया वो न्यू में, तो क्या वो ओल्ड में जा सकता है? करेक्ट और नो? ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो राइट साइड, ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो ओल्ड में चला जाएगा। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोला तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द राइट साइड, सो नो कंफ्यूजन। कुछ नहीं बोला तो न्यू, क्या ओल्ड में आ सकता है? वी हैव टू आंसर। और अगर बोला नहीं मेरे को ओल्ड चाहिए तो ओल्ड, लेकिन क्या वो न्यू में? इसके लिए दे आर गोइंग टू डिवाइड द टैक्स पेयर्स इन टू कैटेगरीज। टैक्स पेयर्स विल बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। ऐसे लोग जिनको इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन है, पीजीबीपी शॉर्ट फॉर्म, कंफर्टेबल हो? ऐसे लोग जिनको इनकम अंडर बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, यू हैव पीजीबीपी और यू डोंट हैव पीजीबीपी, इन दो कैटेगरीज में टैक्स पेयर्स विल बी डिवाइडेड। आर यू विथ मी? सी, इफ यू डोंट हैव पीजीबीपी डज नॉट मीन दैट यू हैव टू कंपल्सरीली बी सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड हो सकता है, रिटायर्ड पेंशनर हो सकता है, माई मदर हैज गॉट रेंट इनकम एंड एफडी इंटरेस्ट इनकम, शी डज नॉट हैव बिजनेस प्रोफेशन। समझा? वेदर यू आर ऑफरिंग इनकम विद इन दी हेड बिजनेस प्रोफेशन और नॉट ऑफरिंग इनकम विद इन दी हेड बिजनेस। जो लोग पीजीबीपी है वो लेफ्ट साइड पे है, जो लोग नहीं है वो राइट साइड पे। पहले मैं इजी वाला पार्ट करता हूं, जिन लोगों को पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ओके, दे कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। विच ऑप्शन? ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है? नहीं बोला तो न्यू, बोला तो ओल्ड। ये तो आप इतने कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये इतना लाइन तो समझते हो, कुछ नहीं बोला तो न्यू और बोला तो ओल्ड, दैट इज एन ऑप्शन नो बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट किस में रहोगे? तो फॉर ओल्ड आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(1) ड्यू डेट। By default you will be where? New. Old चाहिए तो बोलना पड़ेगा। हर साल आप अपना option change कर, कुछ मत बोलो हम आपको new में रखेंगे, old मांगो हम आपको new old में डाल देंगे। Those who don't have PGBP therefore can process or proceed further in life like this. New. कुछ नहीं बोला, new. Old में जाना है तो अगले साल बोल दे। कब बोल? लेकिन ड्यू डेट के पहले बोल। नहीं बोलेगा तो वापस न्यू में ही रहेगा। ड्यू डेट के पहले तूने बोल दिया तो अभी तू ओल्ड में चला गया, अगले साल वापस न्यू में ही रहेगा। वापस ड्यू डेट के पहले बोल तो तेरे को ओल्ड में रखेंगे। हर बार जब तुझे ओल्ड लेना है ड्यू डेट के पहले बोल, कुछ नहीं बोलेगा तो हर साल न्यू में रहेगा। और अगर तू लास्ट ईयर ओल्ड, अभी न्यू, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, न्यू 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 न्यू, ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू 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 ओल्ड 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 न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड ओल्ड ओल्ड, हर साल चेंज कर सकता है। वापस करके दिखाऊं? एवरी ईयर यू कैन चेंज योर, क्या क्या करना पड़ता है पापी पेट के लिए। एवरी ईयर यू कैन चेंज योर ऑप्शन इफ यू डोंट हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। लास्ट ईयर भी यही था, नॉन पीजीबीपी वालों के लिए यही लिखा था, बट विथ द ओनली चेंज। वुड यू लाइक टू गेस? By default वाला old था, new चाहिए तो हर साल due date के पहले बोलो, नहीं तो हर साल by default old, new चाहिए तो due date के पहले बोलो। अभी उल्टा, exact opposite कर दिया। By default every year it will be new, और old चाहिए तो due date के पहले बोलो। आंटी अक्षय कुमार फैन। And what about this? And मैं आपको सच बता रहा हूं कि That way all are lucky. क्या आप डायरेक्टली यही पढ़ रहे हो ना? आपको यही पढ़ना है। बेचारे बाई चांस May 23 वाले, चल मई वाले को तो नवंबर का चांस मिल जाएगा, November 23 में सीए फाइनल देने वाला कोई बच्चा अगर गॉड फॉरबिड फॉर सम रीजन
फाइनल की एग्जाम क्लियर नहीं करके उसको वापस May 24 अगर देना पड़ गया तो चक्कर खाके वो जहर खाके मर जाएगा। मतलब कैन यू इमेजिन, एक तो बड़ी मुश्किल से वो सिखाया था कि मैं ओल्ड में हूं, न्यू चाहिए तो हर साल बोलने का, नहीं तो मैं ओल्ड में हूं, अभी मैं न्यू में हूं, ओल्ड चाहिए तो हर साल बोलने का, नहीं तो मैं अभी क्या। सी यू ऑल स्टडी डायरेक्टली दिस नो, तो यू ऑल थिंक ओनली दिस, बट बेचारा जिसने वो सिखाया है द चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, डू यू अंडरस्टैंड। उसको तो मैं यही बोलूंगा, तो एक काम कर, एक आध साल पहले रुक, एक ब्रेक ले ले, जितना भी टैक्स आता है सब भूल जा, ऐसा अपने आप को सिखा दे के तेरे को कुछ आता ही नहीं है, देन ज्वाइन एनी बैच ऑफ माइन एंड देन गिव द एग्जाम। तो डे वन से तेरे को नया वाला पार्टी कराया जाएगा, समझा? समझा कि नहीं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजीबीपी, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। सी दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। एक बार आप न्यू में चले गए तो वापस आप ओल्ड में नहीं आ सकते हो, दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। किसी किसी को सीए कोर्स वाला एग्जाम्पल वो थोड़ा वैसा लग रहा था, लेकिन अब आप इतना तो अग्री करते हो कि एक बार न्यू में चले गए तो न्यू से ओल्ड में आने का तो ऑप्शन ही नहीं है। यू ऑल वर टिल नाउ ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स, अब आप ट्रांसिट करोगे ना, बट आप ओल्ड से न्यू में जा सकते हो, न्यू से ओल्ड में तो आने का सवाल ही नहीं है, तो यू कैन रिलेट इट टू योर सीए कोर्स। ओके, ये वाले में किसी के साथ रिलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर साल चेंज हो सकता है, समझ गए? बाय डिफॉल्ट न्यू ओल्ड चाहिए तो रिटर्न के ड्यू डेट के पहले बोलो। ये आया सबसे कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सबसे पहले तो ये बोलो दैट बाय डिफॉल्ट यू आर इन विच हेड, विच ऑप्शन, न्यू वाला रेजिम बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर आपको ओल्ड चाहिए तो, अच्छा पहली बात तो डिफॉल्ट रेजिम इज, वो भी लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट तो आप न्यू में जाएंगे, मतलब 115 बीएससी इज द ओनली सेक्शन। ओल्ड अगर आपको चाहिए तो ओनली इफ एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर 139(1) ड्यू डेट। सर ये भी कंफर्टेबल है, वो तो एक्चुअली देखोगे तो राइट साइड वाला जो नॉन पीजीबीपी वाला था उसका भी वैसा ही था, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो भी किस में था? न्यू में था, करेक्ट। इन लोगों को ओनली इफ एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट बोला, अगर बोला तो ये किस में चला गया? ओल्ड में। अब ये किधर है? ये उधर ही रहेगा, रुको। नॉन पीजीबीपी वाला बाय डिफॉल्ट इन न्यू, ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ओल्ड, हर साल बाय डिफॉल्ट न्यू, और हर साल अगर आपको ओल्ड में जाना है तो ऑप्शन एक्सरसाइज। लेट्स फिनिश, नाउ कम टू पीजीबीपी वाला, बाय डिफॉल्ट यू आर इन न्यू, ओल्ड चाहिए तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो आप किस में चले गए? वैसे आप न्यू में थे लेकिन अब ओल्ड में ही रहोगे। जैसे ये लोग कैसे थे? ओल्ड टू न्यू गए, नाउ स्टे देयर। इन लोग का भी वैसा ही है, इन लोग क्या किए? न्यू टू ओल्ड, नाउ दिस इज गोइंग टू अप्लाई एवरी ईयर। जैसे इनका था ना, एक बार ये लोग ओल्ड से न्यू में चले गए, यही जो ऊपर लिखा है, दे विल ऑलवेज रिमेन इन न्यू, कैन दे कम बैक टू ओल्ड? नहीं। वैसे इनके बारे में भी ऐसा ही कुछ लिखा है, ये लोग कहां से कहां चले गए? बस ये लोग सब ओल्ड से न्यू जाते हैं, लेकिन ये वाले लोग न्यू से ओल्ड जा रहे हैं। अब ये किधर है? ओल्ड में, ओल्ड में ही रहेगा, हर बार एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। वेयर आर यू? ओल्ड, 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 यू हैव गॉन फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, जस्ट लाइक दे वेंट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू एंड दे रिमेन्ड इन न्यू, यू हैव गॉन फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, नाउ यू विल रिमेन इन, हर बार एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा साल चला गया, अब आपको लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा यार, जमनार नहीं, फावतू नहीं,
नहीं जमे रही है, नहीं जम रहा है, कहां नहीं जम रहा है, कहां नहीं जम रहा है, ओल्ड में नहीं जम रहा है, तुमको वापस आना है, घर वापसी, यू वॉन्ट टू कम बैक। अब वापस न्यू में जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, कैन ऑप्ट अगेन फॉर, ए एक दूसरे को मत सिखाओ, प्राइवेट ट्यूशन का रेट मालूम है, प्राइवेट ट्यूशन का रेट नहीं नहीं पॉकेट में नहीं सिखाने का, ओके यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू योर कॉम्पिटिटर, सीख लिया और आपसे ज्यादा मार्क्स लिया तो चार क्लाइंट खा जाएगी, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, मत सिखाओ, नहीं तो सिखाना है तो रॉन्ग सिखाओ, मेरी बात सुनो। आप न्यू से ओल्ड में गए, अब आप ओल्ड में ही हो, ओल्ड 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 ओल्ड, लेकिन सर नहीं जम रहा है, तो वापस आना है, तो वापस न्यू में आना अलाउड है, मतलब कैन यू गो फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, यस, कैन यू कम बैक, यस। इसके आगे एक और पार्ट है, बट वेट, ये लोग कैन दे गो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, यस, कैन दे कम बैक, नो, इनका टॉपिक ओवर, ये लोग कैन दे गो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, एवरी ईयर दे कैन गो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड, यस, ओल्ड चाहिए तो बिफोर ड्यू डेट, नहीं तो बाय डिफॉल्ट न्यू, ये लोग Can they go from new to old? Can they come back from old to new? But now, option of old not available forever. New से old में जा सकते, yes, वापस आ सकते new में, अब वापस old में नहीं जा सकते. This is more confusing than demonetization. डिपॉजिट कर सकते हो, ले नहीं सकते हो, ले सकते हो, एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, अरे कहना क्या चाहते हो यार, समर लाइक तू जा, ये स्कीम तेरे लिए नहीं है तुझे, ओके लिसन लिसन, वी कैन मेक द सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स इजी बाय रिलेटिंग इट टू अवर लाइव्स, तो पहले बात करते हैं इन चार सेक्शंस की, कैन यू गो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, अच्छा बाय डिफॉल्ट किस में हो, जो मैं पूछता हूं इजी वाली चीज पूछता हूं, बाय डिफॉल्ट किस में हो, ओल्ड, न्यू में जाने का मन है, जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिफोर द ड्यू डेट ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं किया तो किस में रहोगे, ओल्ड में, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो न्यू में, अब जिंदगी भर न्यू में, अब वापस ओल्ड में आना पॉसिबल नहीं है, सो वी रिलेटेड इट टू अवर सीए कोर्स, ओल्ड से न्यू में चले गए, वापस ओल्ड में नहीं आ सकते, चलिए अब इन लोग की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट वेदर पीजीबीपी और नॉन पीजीबीपी, बाय डिफॉल्ट दे आर इन न्यू, नॉन पीजीबीपी वाले को अगर ओल्ड में जाना है तो बिफोर ड्यू डेट बोलना पड़ेगा, और हर साल बिफोर ड्यू डेट बोल, नहीं तो हर साल न्यू और बिफोर ड्यू डेट बोला तो ओल्ड, सो ओल्ड न्यू 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 ओल्ड 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 न्यू 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 ओल्ड 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 न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू, वो तो हर साल कर सकता है नॉन पीजीबीपी, तो इसमें किसी से रिलेट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर साल का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड वाला अपना सीए कोर्स था, यहां पे राइट साइड वाले में नॉन पीजीबीपी वाला, तो ये तो कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो हर साल का ऑप्शन है। अब बात करते हैं राइट साइड बीएससी में पीजीबीपी वाला, बाय डिफॉल्ट इन न्यू, ओल्ड में जा सकता पर अभी किधर रहेगा, वापस आ सकता लेकिन अभी वापस जा सकता नहीं, एक आइडिया दू इसको रिलेट करे, ठीक है, कभी मूवी वूवी देखने गए हो, मूवी देखने गए हो, ऐसा कोई है जो आज तक कभी थिएटर में मूवी नहीं देखा, नहीं हो सकता, सीए पढ़ रहे हो ना, पॉसिबल है, टिकट खरीदा कैसे घुस गए थे, टिकट खरीदा, टिकट लेके अंदर जाना अलाउड, कम ऑन है, मूवी पसंद नहीं आया तो वापस बाहर आना अलाउड है, अब उस टिकट पे वापस अंदर जाना अलाउड नहीं है, न्यू टू ओल्ड, यस, कम आउटसाइड बैक टू न्यू, वापस अंदर ना 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 ना, हैशटैग ठग लाइफ, समझ में आया, डायरेक्ट टैक्स कैन बी मेड वेरी इजी इफ रिलेटेड विथ योर डे टू डे लाइफ, तो इसको सीए कोर्स से रिलेट करवा दिया,
ये नॉन पीजी बप्पे वाले को तो किसी से रिलेट ही नहीं करवाना है, बिकॉज हर साल मैक्सिमम क्या वो गाना गा ले ओल्ड 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 न्यू न्यू ओल्ड न्यू, वो पीजीबीपी वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिनेमा हॉल कैसे, अंदर जाना अलाउड है, बाहर आना अलाउड है, वापस जाना अलाउड। अब लाफा मारेगा खींच के अगर तुम बोलेगा सर लेकिन दूसरा टिकट ले लो, तो इधर तुमको दूसरा असेसी बनना पड़ेगा। समझा, दूसरा असेसी बन लो। तुमने छोड़ दिया तुम्हारे स्पाउस को भेज दो, तुम वापस नहीं जा सकते हो, दूसरा असेसी जा सकता है। समझ लो तुमने स्पाउस में भी ये कर दिया, ओल्ड में गए वापस आ गए, तो अभी नाउ स्पाउस ऑल्सो कैन नॉट गो अगेन टू ओल्ड। हेलो, एचयूएफ खोल लो, शादी करना पड़ेगा, यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क देन टेक इट। ऑप्शन बहुत है, और ये सब ऑप्शन लोगों को बताएगा कौन, आप तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। खाली एग्जाम कोई टारगेट लेके आए हो तो चलो सम्स करते हैं फिर, नहीं ना, वी हैव टू गिव टैक्स कंसल्टेंसी टू पीपल एंड दिस इज लास्ट चांस टू लर्न। आगे हमको कोई नहीं सिखाएगा, हमको गांव को सिखाना पड़ेगा, या सीए बनने के 5 साल बाद फोन करके बोलना पड़ेगा सर आपकी नई वाली बुक मिलेगी क्या, एक क्विक रिफ्रेशर हो जाए। करते हैं बहुत हजारों बच्चे, एनुअल बुक के स्टॉक का 20-25% तो क्वालिफाइड सीए जो रिफ्रेशर के लिए वापस ले रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बुक्स छपवानी पड़ती है, स्पेशली दैट लास्ट वाली हैंड रिटन वाली, उससे जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। आप समझा, सिनेमा हॉल, वेरी गुड। तो यू कैन गो फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, नाउ यू आर वेयर ओल्ड, कैन यू कम बैक टू न्यू, अब वापस ओल्ड में जाना अलाउड नहीं है। चलिए देवी और सज्जनों, दिस इज नॉट ओवर सर। अब मेरे पास आपके लिए एक टैक्स कंसल्टेंसी का डाउट है। ओके, यू वर इन 115 BAC, आप बाय डिफॉल्ट न्यू में थे, आपने बिफोर द ड्यू डेट ऑप्शन एक्सरसाइज करके ओल्ड ले लिया, अब आपको वापस न्यू में आना है तो आपको आना अलाउड है। यस, अब वापस न्यू में आ गए, अब आप कहां हो, वेर आर यू नाउ, न्यू न्यू, सर अभी मुझे ओल्ड चाहिए, सर अभी मुझे ओल्ड चाहिए, व्हाट्स योर रिएक्शन। मैं न्यू से ओल्ड में गया, ओल्ड से वापस न्यू में आ गया हूं, अब मुझे वापस ओल्ड में जाना है, गिव रिएक्शन। फॉर ऑल दोस सेइंग सर एक बार वापस चला गया न्यू में तो अब वापस ओल्ड में जाना, आपने तो लिखा है अब वापस ओल्ड में जाना अलाउड, वो मैंने लिखा ना अब वापस ओल्ड में जाना अलाउड नहीं है। लेकिन देर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन सीए लोग एंड बाबा लोग, लोग आपको अप्रोच करके बोलेंगे महाराज उपाय बताओ, पैर भी छूके जाएंगे पैसा भी देके जाएंगे। सीए लोग एंड बाबा लोग वन थिंग कॉमन, क्या उपाय बताओ, कैसे जिंदगी जीनी चाहिए उपाय बताओ। नो वन विल रिस्पेक्ट यू फॉर नोइंग द लॉ, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फ्रॉम शोइंग देयर फॉर शोइंग देम वन वे फ्रॉम विद इन द लॉ। और रास्ता है ब्रो, बोल तो आज का तेरा लेट आने का माफ, कल के लिए ऐसा ही कुछ और भी करके आना पड़ेगा। सुनो, अगर आपका पीजीबीपी इनकम ही बंद हो जाए तो आपका पता है क्या हो जाएगा, तुम इसमें आ जाएगा, और जो नो पीजीबीपी वाला है उसको अगेन द ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन ईयर बेसिस। वैसे तो वापस सेकेंड टाइम ओल्ड में जाना अलाउड नहीं है, मगर आपका बिजनेस इनकम बंद हो गया तो क्या, देन तो एवरी ईयर ऑप्शन इज अवेलेबल ना। तो सर ऐसा कैसे, मेरा रनिंग बिजनेस मैं बंद कर दूं खाली ओल्ड रेजिम में जाने के लिए, वो बिजनेस चालू रख, प्रोप्राइटर है तू, पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर, स्पाउस को पार्टनर बना, फिर तू रिटायर होके उसको प्रोप्राइटर बना दे। अब बिजनेस प्रोप्राइटरशिप हो गया, वो उसकी मालकिन वो हो गई,
वैसे भी घर की मालकिन भी वो ही है, तो उसको ही बिजनेस चलाने दे और उस बिजनेस से तू सैलरी लेना, नॉन पीजीबीपी वाला बन जाना। मजा आया? बोलो मजा आया। मैं ये मजा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, वो ही बोला था ना। हाँ, सो जिसका भी पीजीबीपी स्टॉप्स विल कम ऑन दी राइट साइड। कभी कभी ना इतना करने के बाद में इनके लिए सच में दिल में इज्जत बढ़ जाती है यार। कितने शांति से अगर बीएससी निकल जाए, कब का ये सारे सेक्शन भी कंप्लीट कर लिए होते अब तक तुम। क्यों? डोमेस्टिक रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट है बाय डिफॉल्ट ओल्ड, ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो न्यू, अब जिंदगी भर न्यू, मतलब या तो ओल्ड या न्यू, ये स्विच वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे कॉम्प्लिकेशन इस ब्रह्मांड के, देयर इज वन ब्रह्मांड ऑन घोड़बंदर रोड ऑल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रह्मांड, दिस ब्रह्मांड, दिस यूनिवर्स, सारे कॉम्प्लिकेशन यहां पे आ गए। मित्रों, तो वी हैव टू लर्न फाइव सेक्शन ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम। 115 BAA एंड BAB एप्लीकेबल टू कंपनी डोमेस्टिक, BADBAE एप्लीकेबल टू रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, BAC एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HOF एंड नाउ ऑल्सो AOPBY AJP। टू अमेंडमेंट्स, BAE नया है और इसमें भी वाइडन हुआ है 115 BAC में, ऑलरेडी उतना अमेंडमेंट तो हम लोग सीख लिए। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, देर आर फाइव सिमिलैरिटीज इन ऑल सेक्शंस ऑफ न्यू रेजिम। फटाफट भूल गए ना अब तक? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, टैक्स रेट कम होएगा, टैक्स बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शनल है वो भी हमने देख लिया कैसे एक्सरसाइज करने का है वो सब, मैट AMT नॉट एप्लीकेबल बट स्पेशल रेट एप्लीकेबल, करेक्ट। नाउ नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हेन वी से डिफरेंसेस, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्शंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे तो आज भी सब चीजें सेम है, सो दैट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी या डोमेस्टिक कंपनी। जो अगर कोई डिफरेंस है तो वो कहां है? 115 BAC, पहली चीज, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को मिलेगा, फर्स्ट डिफरेंस, लेकिन यहां पे रेसिडेंट एंड डोमेस्टिक लिखा है। दूसरी चीज, फॉर द फर्स्ट फोर सेक्शंस बाय डिफॉल्ट, बस आप खाली है ना, इजी इजी क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर दो ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई हमको सब क्वेश्चन का राइट आंसर आता है। फॉर द फर्स्ट फोर सेक्शंस बाय डिफॉल्ट ओल्ड, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है बिफोर द ड्यू डेट टू गो टू न्यू, अब आप किधर? न्यू, और जिंदगी भर न्यू, वापस कभी ओल्ड में आना अलाउड नहीं, वेरी इजी। Now let's go to the complicated aspect. 115 BAC available to resident and non-resident both. For deciding which option is available, divide them into people with PGBP without PGBP. Whether with PGBP or without PGBP, both of them by default new. Agar old chahiye to decide before the due date of return filing. Ye bhi ek amendment hai, because last year tak ulta tha. Isme bhi by default old tha aur new ka option lena padta tha. Lekin ab kya hoga by default? New. Option chahiye to old mein jane ka to kya karne ka before due date. जो नॉन पीजीबीपी वाला है वो हर साल ये ऑप्शन ले सकता है, सो बाय डिफॉल्ट न्यू और ऑप्शन ऑफ ओल्ड एवरी ईयर बिफोर ड्यू डेट। जो पीजीबीपी वाला है बाय डिफॉल्ट न्यू, टेक ऑप्शन ऑफ ओल्ड बिफोर द ड्यू डेट, बट नाउ यू आर इन, जैसे ये लोग न्यू में जाके न्यू में रह जाते थे ना, वैसे ये लोग भी ओल्ड में जाके ओल्ड में रह जाएंगे, लेकिन ये लोग जिंदगी भर के लिए न्यू में रह गए, ये ओल्ड से वापस न्यू में आ, लेकिन एक बार अब वापस आ गया तो अब न्यू में जा सकता। I was checking if you are listening. ये लोग न्यू से ओल्ड में आ गए, अब बाई डिफॉल्ट इन ओल्ड, अब ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, लेकिन अब वापस न्यू से ओल्ड में आ सकते हैं, अनलेस दे स्टॉप हैविंग पीजीबीपी, देन दे गो इन एवरी ईयर वाला केस। अंडरस्टूड? आफ्टर आई एक्चुअली डू द टैक्स रेट्स, जो इन लोगों का अल्टीमेटली क्या बचत है, बचत न्यू में जाने से, what is the thing that they will save in monetary terms, unka kya savings hai, aap samajh rahe hain main kya bol raha hu? Main agar CA ki practice chala raha hu aur agar mera koi client hai, usko main haath jod ke bolunga ki tere ko jitna paisa chahiye mere se le lena, tu chupchap old regime mein reh, I will not let my client go to new regime। और आज के लेक्चर में अब तक हमारे पास इनफ टाइम है कि
कि हम लोग 115 बीएससी तो कंप्लीट कर ही देगा। देखो जानबूझ के बीएससी क्यों पता है, क्योंकि वो ही अलग है। बी डबल ए एंड बी ए डी साथ में होगा, बी ए बी एंड बी ए साथ में होगा, बिकॉज वो पूरे सेम है। बीएससी अलग है इस पूरी स्टोरी में, और वही मैं पहले करूंगा। नाउ दैट वी हैव हैड एन आइडिया अबाउट व्हाट न्यू टैक्सेशन रेजिम इज, फॉल्स इन चैप्टर 12, पांच सेक्शन, उसमें से एक नया है, एक पुराने वाले में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। वी हैव अंडरस्टूड द सिमिलैरिटीज, वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस, तो समय आ गया है अब इन पांचों सेक्शन को एक एक करके कंप्लीट करके फाइनली वी कैन से हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। वंस वी कंप्लीट अवर फाइव सेक्शंस ऑफ न्यू रेजिम, करेक्ट? तो अगर आज बीएससी हो जाता, जो पक्का हो ही जाएगा विद द काइंड ऑफ टाइम और द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव, वी माइट गेट अ चांस टू स्टार्ट द अदर फोर अ बिट, बट देन टुमारो 100% वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो जिसको भी ऐसा कि सर नाउ फाइनली वी विल बी एबल टू जज, कोई बात नहीं, तुमको बहुत मौके मिलेगा, बैच बहुत लंबा है। हाँ जी बोलिए। एक मिनट, सॉरी, सीए में ही क्यों, तो सीए की प्रैक्टिस ही बोल देते हैं। सीए में प्रैक्टिस बोला ना, अच्छा सीए में प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं सीए में प्रैक्टिस सुना। एक्चुअली मैं क्या, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, आप बहुत एकदम है ना मीठा मीठा एकदम आराम से बात करते हो, और मैं हूं शादीशुदा आदमी, ठीक है। मेरे को ये साल ना दिसंबर में शादी कंप्लीट हो गया, 9 साल हो जाएगा, लगता है ना इतना तो बड़ा मैं, 9 साल हो जाएगा शादी को। तो पिछले 9 साल से कोई मेरे से अगर सॉफ्टली बात करता है मेरे को सुना ही नहीं देता, मेरे को आदत है ऊंची आवाज में सुनने का। ओके कैरी ऑन, आप सीए की प्रैक्टिस करते हो, यू हैव इनकम अंडर बिजनेस, आगे बोलो। न्यू ओल्ड न्यू कर लिया, मतलब आप न्यू से ओल्ड में चले गए, ओल्ड से फिर से न्यू में आ गए, अब आपको ओल्ड इन एलिजिबल अनलेस, आगे कंटिन्यू। वेरी गुड, करेक्ट। अब आप किस में हो, अब आप नॉन पीजीबीपी में हो, नॉन पीजीबीपी, देखो आप पीजीबीपी छोड़ के नॉन पीजीबीपी में चले गए थे ना, अब आप नॉन पीजीबीपी में हो, नॉन पीजीबीपी का रूल बताओ। ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, मेरी स्टाइल वही ओल्ड ओल्ड ओल्ड, फाइनली एक दिन आपने क्या किया, फिर से बिजनेस चालू किया, फिर से बिजनेस चालू किया, उस टाइम आप किस वाले रेजिम में थे। एवरी ईयर यू कैन चेंज ना, करेक्ट, तो उस टाइम आप किस वाली रेजिम में थे, किसी में भी थे, एनी वेज नाउ बाई डिफॉल्ट यू विल बी इन न्यू। ओल्ड चाहिए तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, बट दैट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली लाइफ में एक बार। तो अगर आप ओल्ड में हो तो आप ओल्ड में ही रहोगे, न्यू में कभी भी जाना है तो यू विल बी अलाउड, लेकिन अगर आप न्यू में हो तो आप ओल्ड का एक जो एक्सरसाइज है ना वो ऑप्शन आप लाइफ में एक बार कर चुके हो, सेकेंड टाइम आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने को नहीं मिलेगा अनलेस एंड अंटिल यू स्टॉप पीजीबीपी। एंड हाइपोथेटिकली इट इज अ वेरी यू नो एक्सेप्टेबल स्टोरी दैट यू गिव, कि मैं पहले बिजनेस करता था, फिर मैंने जॉब किया, फिर वापस बिजनेस किया। व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोबेबिलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ पीपल के बस थोड़े साल बिजनेस किया, वापस थोड़े साल नौकरी किया, थोड़े साल, जो बिजनेस करता है वो नौकरी नहीं कर सकता और जो नौकरी करता है वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, उसमें वो टैलेंट ही नहीं। 1 तारीख को पगार आने का नशा एज पर अश्नीर ग्रोवर, वो अपना भारत पे वाला शार्क टैंक, हाँ, जो नौकरी करेगा ना वो नौकरी में इतना खुश रहेगा कि वापस बिजनेस में नहीं आएगा, और जिसका बिजनेस नहीं चला वो नौकरी में चला गया। ये आप अगर आप सोच रहे हो सर बार बार ऐसा करता रहो, 1 साल जॉब, लोग तो इधर ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जॉब बिजनेस जॉब बिजनेस जॉब बिजनेस आप वो सोच रहे हो, दैट इज टू हाइपोथेटिकल टू अज्यूम, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। माई होल स्टोरी का कंक्लूजन इज ओनली दिस, इफ यू आर अ पीजीबीपी गाय तो ऑप्शन ऑफ ओल्ड कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस, सेकेंड टाइम आप ओल्ड वापस न्यू में हो तो ओल्ड में नहीं जा सकते, ओल्ड में हो तो न्यू में आ सकते हो, लेकिन न्यू में हो तो ओल्ड में नहीं जा सकते। आपने ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर ही लिया, ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ट्वाइस, एग्जैक्टली, आपने ऑप्शन तो एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो, ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर पीपल हु आर नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी।
एंड दैट प्रोबेबिलिटी सी आई रिस्पेक्ट दैट यू थॉट अबाउट दिस के सर ऐसे गया वापस आया वापस गया. वो लोग रेजिम में भी नहीं करेंगे तो जॉब बिजनेस करियर के अंदर इतना सारा स्विच मारना. जो जॉब करता है वो जिंदगी भर जॉब ही करेगा और जो बिजनेस करता है वो जिंदगी भर बिजनेस ही करेगा. इफ यू थिंक अबाउट योर एंटायर नेटवर्क फॉर द सो मेनी पीपल यू नो, आपके फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर नेबर्स, आपका पूरा प्रोफेशनल जो आपने कोर्स पूरी पढ़ाई की, आप इतने लोगों को जानते हो. देर विल बी पीपल हु आर इन जॉब, देर विल बी पीपल हु आर इन बिजनेस, देर विल बी पीपल जो पहले बिजनेस करते थे अब जॉब करते हैं, या पहले जॉब करते थे अभी बिजनेस करते हैं. हाउ मेनी पीपल यू नो, थिंक यू थिंक अबाउट इट, जो बिजनेस किया फिर जॉब किया फिर बिजनेस किया फिर जॉब किया फिर बिजनेस किया फिर जॉब किया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं? लॉ में जब सेक्शन क्रिएट हुआ बोला ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस बिकॉज दे अज्यूम्ड के कोई एक बार यहां से यहां जा सकता है. लेकिन ऐसा बार बार जॉब बिजनेस तो कोई नहीं करेगा. आप समझे क्या नहीं? ओके, तो अकॉर्डिंगली दे हैव ओनली स्पेसिफाइड दिस मच दैट द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस. लास्ट ईयर तक ऐसा लिखा था न्यू का ऑप्शन लेना था ना, तो ऑप्शन ऑफ न्यू कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस. अब क्या लिखा, मतलब आप वापस ओल्ड में आ गए तो अब न्यू में नहीं जा सकते हो. लेकिन अब उल्टा कर दिया, ऑप्शन ऑफ ओल्ड कैन बी टेकन ओनली वंस, आप न्यू में आ गए तो अब आप ओल्ड में नहीं जा सकते. इज दैट अंडरस्टूड नाउ? ओके, चलिए. तो 115 बीएसी विल बी डन फर्स्ट, उसके बाद में बाकी के चार सेक्शन कंप्लीट करेंगे. एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड प्रोबेबिलिटीज वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग अवर सेकेंड चैप्टर बोलूंगा, या अगर आप इंट्रोडक्शन को चैप्टर में काउंट नहीं करते हो तो फर्स्ट चैप्टर ही बोल दो. बट अपन ने जो बोला है ना, बुक में 40 चैप्टर्स है और 3 चैप्टर आईसीआई स्टडी मटेरियल से करना है, तो उस 43 में इंट्रोडक्शन भी काउंट होता है. पहले वॉल्यूम 1 के 16 चैप्टर में ये भी उस 16 में से फर्स्ट चैप्टर काउंट होता है. तो 115 बीएसी इज द फर्स्ट दैट वी विल लर्न, क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा अलग है, अलग अलग अलग. ओके, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट 115 बीएसी का एलिजिबल असेसी कौन है. सी सम ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली नाउ नॉट एक्सप्लेनेशन, इट्स अ रीकैप, सो आई एम नॉट गोइंग टू से दिस. इसका आंसर आपको देना पड़ेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ, चलिए, वेरी गुड. साथ ही साथ नाउ वी विल से एओपी बीओआई. व्हेन वी से एओपी बीओआई इट विल बी एक्सक्लूडिंग एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. नीडलेस टू मेंशन ये वाला जो पार्ट है, दिस हैज बीन अनाउंस्ड इन फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023, मतलब ये अमेंडमेंट है, ये पहली बार आया है. यस और नो? तो इफेक्टिवली कैन आई से टोटली हमारे पास 4 असेसी हो गए. एंड हम साथ में जो बातें नहीं बोली है, लॉ में नहीं लिखी है, क्या वो भी इंटरप्रेट करना समझ सकते हैं? जब कुछ नहीं बोला मतलब. एंड आई थिंक यू ऑल वेरी वेल नो के दिस इज द डिफरेंस इन बीएसई कंपेयर टू द अदर 4, वन ऑफ द डिफरेंसेस. चलिए, तो वी हैव अंडरस्टूड हु इज द एलिजिबल असेसी हियर. What is going to happen here? आपके टैक्स rates कम होंगे, लेकिन सामने आपको कुछ टैक्स benefits forego करने पड़ेंगे. By exemption deduction you will have to leave. Of course we will see those points. But before that, do we know that 115 BAC is optional? मतलब 115 BAC में जाना नहीं जाना, हमारे पास choice तो है ना. तो अगर आप एक case of no PGBP हो, भले ये ऑप्शनल है लेकिन ये आपकी डिफॉल्ट रेजिम रहने वाली है. सो ऑल यू कैन डू इज ऑप्ट आउट ऑफ दिस. सो देयरफॉर इट इज नॉट रॉन्ग टू कॉल इट ऑप्शनल बिकॉज यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट टेकिंग इट. लेकिन आपको वो बोलना पड़ेगा. जो लोग नॉन पीजीबीपी वाले हैं उनको कैसा करना पड़ेगा? एक्सरसाइज टू ऑप्ट आउट ऑन और बिफोर क्या, कौन सा ड्यू डेट? बट दिस दे विल हैव टू डू ईयर ऑन ईयर बेसिस. वही ओल्ड न्यू 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 ओल्ड 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 बाय डिफॉल्ट न्यू. ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ओल्ड. और जिसका पीजीबीपी है एक छोड़ के सब कर दो ना. मैं जाऊं? नहीं, आप जाओ. पीजीबीपी, अच्छा हुआ ये नहीं बोला सर प्यास लगा है पानी लेके आओ ना. क्या भरोसा नहीं आजकल सीए कोचिंग में आई एम टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट.
the number of coaching classes are more than number of students in CA right now across the country. तो कभी 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 कोई कोई कोचिंग क्लास में ऐसा भी होता है, सर दो घंटा हो गया, ब्रेक मत दो लेकिन थोड़ा सा नाच के दिखाओ ना, थोड़ा सा बीच में ऐसा. अच्छा यू कान डांस वेल वो तेरे वास वो ऐसा कुछ. अच्छा आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ नहीं गा के सुना. आजकल क्या डिमांड्स बहुत है, प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको फुलफिल भी कर रहे. मैं इतना भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब पहले ही बता देता हूँ बिफोर यू मेक वियर डिमांड्स. ऑलराइट, तो जो लोग पीजीबीपी है क्या हमको याद है, अगेन डिफॉल्ट रेजिम क्या है, न्यू. कैन दे एक्सरसाइज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्ट आउट करना. ऑप्ट आउट मतलब दे हैव डिसाइडेड टू गो टू, ये उनको कब करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर 139 वन ड्यू डेट. अब किसमें वो लोग, ओल्ड में. कैन दे नाउ रिटर्न टू न्यू, व्हेन आई से न्यू लेट मी स्पेसिफाई दिस टाइम 115 बीएसी, बट अब नाउ ओल्ड रेजिम नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट इफ पीजीबीपी आपका बंद हो गया, तो आप ऊपर वाले में चले जाओगे. कम ऑन, वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. वही जो हमने ऊपर है ना, दो इनके डिफरेंसेस सीखने के लिए जो किया, तो कहना ही से डिफरेंस सीखने के लिए हमने जो भी यहां पे लिखा है अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ 115 बीएसी नो. तो जब एक्चुअल सेक्शन हो रहा है तब भी उसको करना तो पड़ेगा, नहीं करता बोल देता ऑप्शन कैसे लेने का ऊपर जाके देख लो, सेम है सब. बट रिकैप में हमारे पास नोट्स भी हो गए उसके. थर्ड, इन लोगों को अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉट एप्लीकेबल. कम ऑन, सर मैट क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि मैट कंपनीज को लगता है. तो बी डबल ए में, बी ए बी में बोलूंगा मैट नॉट एप्लीकेबल, बाकी तीनों में बोलूंगा एएमटी नॉट एप्लीकेबल, जिसको जो लगता है वही बोलूंगा ना, एएमटी नॉट एप्लीकेबल. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर मैं यही फीचर्स की बात करूं, ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, लेकिन सर सबसे मेन पार्ट तो ये है ना, और इसी के अंदर ये मैं बाय डिफॉल्ट लिख दूंगा दैट स्पेशल रेट लगेगा, जो भी टैक्स रेट हो स्पेशल रेट तो लगेगा, वो तो हमने वैसे भी लिख ही दिया इधर, करेक्ट और नो. तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी हैव टू सी व्हाट आर द टैक्स रेट्स, एंड इन ऑर्डर टू गेट दोज रिड्यूस्ड रेट्स इन कंपेरिजन विथ ओल्ड रेजिम. What are the tax benefits that I have to forego? आप समझा? What are the tax rates under section 115 BAC with effect from assessment year 24-25? ये इसलिए because आंटी ने इस साल 115 BAC में सारे के सारे rates change कर दिए. The rates have changed. जो slabs है, any problem? बराबर लिखा ना? जो slabs है, 115 BAC के अंदर दिए हुए slabs, last year तक, I will not write it because they are amended now. मैं लिख नहीं रहा हूं, orally बोल रहा हूं. ढाई ढाई लाख का slab बनेगा और 5-5% से rate बढ़ती जाएगी. मतलब ढाई लाख पे zero, basic exemption. 250 टू 5 लाख 5. तो यहां तक तो ओल्ड और न्यू पूरा ही सेम होता था. थिंक अबाउट इट, करेक्ट है. आगे 5 to 750, ओल्ड में क्या था, 5 से 10 पूरा 20 में था, लेकिन यहां पे 5 to 750 10 और 750 टू 10 लाख 15% था. 10 लाख के बाद ओल्ड में 30 लग जाता है, लेकिन न्यू में 10 से 12.5 20 भी था, 12.5 से 15 25 भी था, और 15 लाख के बाद में 30%. So 30% will start getting attracted after income threshold of 15 लाख. मोदी जी का फेवरेट फिगर, 15 लाख के बाद में 30% लगेगा. अब आंटी ने क्या चेंज किया, हर स्लैब जो ढाई ढाई लाख का था उस स्लैब को बदल के 3-3 लाख का कर दिया. इन अदर वर्ड्स,
फॉर द फर्स्ट 3 lakh rupees द रेट ऑफ टैक्स इज गोइंग टू बी 0%. द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन द न्यू टैक्सेशन रिजीम इज गोइंग टू बी 3 lakh rupees. मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान से देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ओल्ड रेजिम में इंडिविजुअल्स के खुद के 3 कैटेगरी थे, और फिर इंडिविजुअल के अलावा जो दूसरे लोग इधर आ रहे हैं, ये लोग पार्ट ऑफ कैटेगरी ए थे. करेक्ट? दैट मींस दैट वे आप देखोगे तो दीज वर सेम एज 1 कैटेगरी अलॉन्ग विथ कैटेगरी ए. सो डिफरेंस इन टैक्स रेट वॉज ओनली फॉर कैटेगरी बी एंड सी ऑफ इंडिविजुअल्स. दे वर हू? सीनियर सिटीजन गेटिंग सम बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. वो बहुत सालों से चला आ रहा है, डेकेड्स से चला आ रहा है. मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार टैक्स पढ़ा था, उसके पहले से सीनियर सिटीजन का रेट अलग है. इनफैक्ट किसी जमाने में तो जेंट्स और लेडीज की बेसिक एग्जेम्पशन भी अलग होती थी. जेंट्स का बेसिक एग्जेम्पशन 1 लाख होता था, तो लेडीज का 1,10,000 बेसिक एग्जेम्पशन होता था. जेंट्स का 150 हुआ था, तब लेडीज का 180 हुआ था. आई बिलोंग टू अ जनरेशन जिसने 1 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन भी देखा है. ब्रो, थोड़ा तो गैप है ना आपने और मेरे में, मतलब जितने साल मेरे को पढ़ा के हो गए बस उतना, और आपका और मेरा एज डिफरेंस है. वुमेन यूज टू गेट हायर बेसिक एग्जेम्पशन कंपेयर टू मेन. तब फेमिनिस्ट लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. तब ये क्या यही है आपकी इक्वालिटी? तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. Whoever did this, जेंट्स लेडीज सेम, नो डिफरेंस. थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ लेकिन अब लोग भूल गए, क्योंकि वो भी बहुत पुरानी बात हो गई. आप लोग जब से टैक्स पढ़ने लगे हो तब से आपने देखा ही नहीं होगा, ये इतनी पुरानी बात है. करेक्ट? लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन के लिए तो अलग से रेट है. और वो जो तीसरा कैटेगरी है ना, सुपर सीनियर, वो प्रणब मुखर्जी साहब बना के गए थे. पहले 2 ही कैटेगरी होती थी, नॉर्मल एंड सीनियर. 80 साल वाला कैटेगरी उन्होंने बनाया, और बजट स्पीच में आर्ग्यूमेंट दिया दैट देर आर पीपल ऑफ द एज 80 ईयर्स एंड अबव हुज चिल्ड्रन हैव अबैंडन्ड देम एंड दे आर फाइंडिंग लाइफ डिफिकल्ट. लेट मी मेक इट इजी फॉर देम, नो टैक्स अप टू 5 lakh rupees. उससे क्या होगा, उनके चिल्ड्रन खाली टैक्स बचाने की लालच में थोड़ा इनकम तो उनके अकाउंट में लेंगे, उनको सर्वाइवल का प्रश्न. कुछ भी लॉजिक दिया, कुछ भी लॉजिक दिया, बट दिया जो दिया. प्रणब मुखर्जी खुद 80 साल के हो गए थे, तो उन्होंने बोला चलो स्लैब बनाता हूं मेरे लिए, खुद के लिए बनाते हूं. सच बोल रहा हूं. ओके? हाँ. अब आंटी को बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि सीनियर सिटीजन टैक्स कम भर रहे, लेकिन वो कैटेगरी बी और सी निकाल नहीं सकती. तो आंटी बोलती है न्यू रेजिम लो, वो भी बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम. इन ऑल द स्टोरी आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन. बाय डिफॉल्ट कौन सा रेजिम? न्यू रेजिम. एवरीबॉडी इज विथ मी? न्यू रेजिम. एवरीबॉडी विथ मी? When I say all assessees, I hope you don't make the mistake of thinking, sir, all assessees मतलब कंपनी फॉर्म भी. नहीं. All assessees मतलब जो यहां पे आ रहे हैं वो लोग. और shall I say all eligible assessees? एक ही बेसिक एक्सेप्शन. लास्ट ईयर तक 2.5 लाख की थी, तो बच्चों के साथ मैं छेड़खानी करता था. बेसिक एग्जेम्पशन बताओ, सब बोलता 2.5 लाख. सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट का बताओ, 2.5 लाख. सीनियर सिटीजन रेसिडेंट का बताओ, 3 लाख. सीनियर सिटीजन न्यू टैक्सेशन रेजिम में 2.5 लाख की. सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट बट न्यू टैक्सेशन रेजिम 250, सबका 250. देर इज नो डिविजन ऑफ इंडिविजुअल इन टू मल्टीपल कैटेगरीज. और जो अब स्लैब्स चेंज हो गए, ऑफकोर्स 250 हैज बिकम 3 बट फॉर ऑल. तो दैट वे देखोगे तो सीनियर सिटीजन को तो वहां पे भी 3, यहां पे भी 3 है, और सुपर सीनियर को तो ऑलरेडी नुकसान हो गया. हाउ? 5 की जगह पे 3 ही मिलेगा, 3 के बाद स्टार्ट पेइंग टैक्स. वो तो ऑलरेडी एंग्री है. नहीं, अभी अभी बाय द एंड ना सबको एंग्री करवाएगा. तुम रुको ना,
बाय द एंड आज ही घर जाने के पहले एक नॉलेज हम ले, जैसे ऑलरेडी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी नॉलेज मिली कि डोमेस्टिक और इंडियन कंपनी अलग होती है ना, हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ नॉलेज में तो टारगेट करेंगे कि ऐसा मोटिवेशन रहे कि चलो क्लास में आना है टाइम पे, हर रोज ऐसा मोटिवेशन रहे कि चलो क्लास में आना है क्लास में आना है, हर रोज अंदर से ऐसा आवाज आना चाहिए कि भाई कोई और लेक्चर मिस कर लेगा, दिन में ऑफिस में किधर सो जाएगा, वो जो टी कॉफी रूम बना है उधर जाके जेरोक्स मशीन के पास जाके सो जाएगा, वो जेठालाल नहीं दरवाजे पे टेका लेके ही सो जाता था ऐसे, फिर बापूजी बोला नाने जा है ना, वैसा सो जाएगा कैसा भी सो जाएगा लेकिन इसकी क्लास में जाएगा, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, कितना भी नाच के गा के तो नहीं मोटिवेट कर सकता हूं, काम करके ही मोटिवेट करूंगा, बाय द एंड प्रूव कर दूंगा इफ आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट आई विल गिव पॉइजन टू माई क्लाइंट, बोला मर जा, क्लाइंट को जहर दे दो लेकिन न्यू रेजिम में मत जाने। क्लाइंट को जहर खिला के मार दो बट न्यू रेजिम में मत जाने दो। सर भाई देखो फर्स्ट 3 लाख रुपीज 0%, आगे बढ़ेंगे, हर स्लैब को जो 2.5 लाख का स्लैब होता था आंटी ने अभी 3-3 लाख का स्लैब कर दिया, तो 3 लाख से 6 लाख, जैसे वहां पे 2.5 से 5 होता था ना अब 3 से 6 5%, 6 लाख to 9 लाख 10%, 3-3 लाख का स्लैब बनाया, 9 to 12 15%, ओके 12 से लगाकर 15, अगेन व्हाट इज द इनकम ईयर, सभी स्लैब में 3-3 लाख का इनकम है 20%, एंड 15 लाख क्रॉस किया तो मोदी जी अपने फेवरेट फिगर को बेंचमार्क बना के बोलते हैं 30%, आफ्टर 15 लाख 30%। तो जिस दिन आंटी ने ये स्लैब्स अनाउंस किए बजट के दिन, मैं बोला एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एक्सपेक्टेशन रिमूव वन ऑफ द रेजिम्स ताकि लॉ इज अ लिटिल सिंपल, आंटी रिमूव्ड वन स्लैब इन द न्यू रेजिम, हमको लगा था कोई एक रेजिम निकाल देगी, उन्होंने रेजिम दोनों रखा, खाली न्यू रेजिम में एक 25% का स्लैब होता था वो निकाल दिया। देखो ये पांचों स्लैब को अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 ओके, सबको 50-50 हजार से बढ़ा दिया, मतलब ऑल द स्लैब्स वर ऑफ 2,50,000, हर स्लैब का वैल्यू अप कर दिया 3 लाख, मतलब हर एक में 50-50 हजार एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल में 2.5 लाख आ गया, एक स्लैब उड़ गया, सो 250 का 0 एंड देन 250 का 5 एंड देन 250, ऐसा करते करते हमको 6 स्लैब बनता था 15 लाख तक, अब 15 लाख तक 3-3 है इसलिए 5 ही बनेगा, अरे 15 divided by 6 इज 250 ईच, बट 15 divided by 3 इज 5 ओनली, आप समझा क्या, तो 25% का जो स्लैब था आपको निकल गया, एवरीवन क्लियर, अकॉर्डिंगली इफेक्टिवली हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट टैक्स, अगर किसी एसएससी ने आपको अपना इनकम का फिगर दे दिया 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, तो न्यू रेजिम में ऐसे एसएससी का टैक्स कैसे करें, स्लैब्स ही है ना अल्टीमेटली, तो फर्स्ट 3 लाख पे वी विल अप्लाई 0%, व्हाट टैक्स यू विल गेट, कम ऑन 0, देन सर हम स्लैब समझ गया, तुम क्या अमाउंट लिखवा था हमको पागल समझता है क्या, 3-3 लाख पे रेट लगाना है, ये सब भी तुम सिखाएगा, तुम रुको ना रुको जरा, हाँ ये सब तुमको बराबर आता ना, सबर करो, यू जस्ट गिव मी द अमाउंट्स प्लीज, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, इफ यू यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन यू विल अंडरस्टैंड कि हर स्लैब का टैक्स 15-15 हजार से बढ़ेगा, सर कैसे, सर स्लैब की वैल्यू 3 लाख, रेट इज इंक्रीजिंग बाय 3 लाख का 5%, मतलब प्रीवियस स्लैब में और इस स्लैब में 15-15 हजार का डिफरेंस आता है, नहीं मैथ्स नहीं फाता है, नो प्रॉब्लम, तुम कैलकुलेट तो कर सकते हो, एट इनकम लेवल ऑफ 15 लाख यू आर गोइंग टू गेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1.5 लाख रुपए,
ऑफकोर्स व्हाटएवर रेट्स वी हैव रिटन हियर, व्हाटएवर रेट्स वी हैव रिटन हियर, वेदर 0, 5, 10, 20, 30, अगर कोई भी इनकम चैप्टर 12 वाली होगी तो उसको अलग करके लगाएंगे, तो ऑल थ्रू आउट एक कॉन्स्टेंट पार्ट है. बट अज्यूमिंग दैट असेसी हैज गॉट ऑल इनकम्स टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स, 15 लाख के लेवल पे क्या टैक्स आएगा आपका? क्योंकि आज के बाद आपको अभी टैक्स कैलकुलेट करने का बोलेगा ना, ओल्ड रेजिम में तुम अभी बच्चा है कि बड़ा हो गया, खाली इतना तू मत बोल, बाकी सब बोलो, तुम बच्चा है कि बड़ा हो गया? अच्छा तू भी बोल, विल यू कैलकुलेट ओल्ड रेजिम में 0 to 250, 250? नहीं, टेक टोटल इनकम ऑन योर कैलकुलेटर, सब्ट्रैक्ट 10 लाख, अप्लाई 30% एंड एड, पहले वाले का 1,12,500, दूसरे वाले का 1,10,000 और तीसरे वाले का 1,00,000. इधर तो 3 है भी नहीं, इधर तो सबका एक ही है. हेलो, यहां पे तो 3 कैटेगरी नहीं है, सब लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं. टेक टोटल इनकम ऑन योर कैलकुलेटर एंड दिस टाइम सब्ट्रैक्ट 15 लाख, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट टैक्स ऑफ 30% लगता है टिल इंफिनिटी, इट स्टार्ट्स आफ्टर. तो इनकम अबव 15 लाख, जैसे 20 लाख है तो 5 लाख, 25 है तो 10 लाख, 1 करोड़ है तो 85 लाख, इनकम अबव 15 लाख का 30% प्लस 1,50,000. Is going to be your calculation. Old regime में 10 लाख तक fixed tax आता है, 1,12,500, 1,10,000 and 1,00,000. New regime में 15 लाख तक fixed tax आएगा, 1,50,000. तो of course, आप जो भी sum solve कर रहे हो, you will calculate income as per old, income as per new, वो भी समझ लो. पहली बात तो दोनों income के figure अलग होंगे. New में जो income है that will be higher than old. आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यू शुड अग्री विद दिस स्टेटमेंट, इनकम एज पर न्यू विल बी हायर देन इनकम एज पर ओल्ड. हाउ? एग्जेम्पशन छोड़ दिया तो न्यू में इनकम 20 लाख है, ओल्ड में इनकम 17 लाख है, पॉसिबल? क्योंकि ओल्ड में आपने 3 लाख का डिडक्शन या एग्जेम्पशन दिया, तो ओल्ड का टैक्स कैसा होगा? 7 लाख का 30% प्लस 1,12,500. लेकिन न्यू में क्या करोगे? 5 लाख का 30% प्लस 1,50,000. टिल लास्ट ईयर जो स्लैब्स थे 30% 15 के बाद ही लगता था, बट एट 15 लाख रुपीस जो टैक्स आता था, ये सब स्लैब्स लगा के 2,25,000 का स्लैब था ना, 187,500 आता था टिल लास्ट ईयर. एट 15 लाख रुपीस टिल लास्ट ईयर द टैक्स वी यूज्ड टू गेट इन द न्यू रेजिम, ओल्ड में कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है, अमेंडमेंट किधर हुआ है? न्यू में. एट 15 लाख रुपीस टिल लास्ट ईयर द टैक्स वी यूज्ड टू गेट वॉज 187,500. मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर वी हैव अ सेविंग्स ऑफ 37,500. देखो जो उड़ गया वो उड़ गया, अभी न्यू रेजिम लास्ट ईयर का क्यों करे, इस साल का करें, लेकिन इस साल इसको कंपेयर तो करना पड़ेगा ओल्ड के साथ. अगर मैं आपको वर्ड्स में बोलू, वर्ड्स में, नंबर्स में, आप अगर न्यू रेजिम में चले जाते हो तो आपकी लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट होगा रुपीज 1,12,500 का. अगेन वन ऑफ माई ट्वीट्स on the budget day, the new regime will make you save maximum 1,12,500. Prove करके दिखाता हूं. 15 लाख रुपए की exact income उठा, exact उठा, उठा दिमाग में और new regime का tax बता. 15 लाख पे new regime का tax 150, उससे ऊपर होता तो 30 लगाते, लेकिन constant वाला कितना है? 150. चलिए let us compare at 15 लाख जो लोग ओल्ड में रहते हैं उनका क्या टैक्स आता है. कैसे किया? 5 लाख का 30%, वो अकेला ही 1,50,000 हो गया ब्रो. ये 5 का ही हो गया, जो पहले वाला है वो आपको एक्स्ट्रा भरना है. एंड व्हाट इज द टैक्स अप टू, व्हाट इज द टैक्स अप टू? 260 to 500 टोटल हो गया आपको. वेरी गुड, यू अंडरस्टूड हाउ? 5 लाख का 30 प्लस 1,12,500. देवियों एंड सज्जनों, दिस इज द मैक्सिमम
savings in 115 BAC. My tweet goes like this: any person going in new regime can save highest itna. Batao kaise? 15 lakh ke baad old regime hai to kya rate lagega? And new regime hai to kya lagega? Matlab after 15 lakh till infinity, both regimes will attract same liability. If at all there is any difference, it is that exact 15. Jo bhi difference hai, wahin tak aayega. At exact 15 lakh, old regime is giving us tax of 260 to 500. New regime is giving us tax of बस ये maximum. अब सुनो, income इससे भी कम हुई तो जो दोनों के बीच का difference है वो और कम होगा. Highest savings will be 1 lakh subject to surcharge, yes, but highest savings will be 1,12,500. आप ना चार माले की बिल्डिंग से कूद जाओ, जिंदा बच गए तो वापस कूद जाओ, जब तक नहीं मरते कूदते रहो. आप मर भी जाओगे ना तो भी आप इस सेविंग्स को इससे ज्यादा नहीं कर सकते. पूरे साल का 1,12,500 बचेगा. लास्ट ईयर तक तो ये 75,000 ही बचता था, क्योंकि लास्ट ईयर तक 15 लाख पे 187,500 आता था. तो 187,500 और 262,500 का डिफरेंस 75,000 ही होता था. नाउ दे हैव रिलैक्स द रेट्स अ बिट, तो 15 लाख पे जो 187,500 आता था वो और कम हो गया, 1.5 लाख हो गया, तो 37,500 और बच गया. और 75,000 का सेविंग्स प्लस 37,500 का सेविंग्स आप करोगे तो अगेन 1,12,500 ही आएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स दैट आई एम सेइंग? बस लेकिन इससे ज्यादा नहीं. द हाइएस्ट टैक्स सेव्ड इन न्यू रेजिम विल बी 1,12,500, बट द लॉसेस of new regime by foregoing of exemptions and deductions are massive, enormous, huge and cannot be valued only. Infinite hai wo. Tum highest kitna tax bachayega, is that calculation understood? 1,12,500, usse upar to 1 rupya bhi nahi bachega, correct? Lekin ye 1,12,500 bachane ke liye तेरा चैप्टर 6 से पूरा गया, मतलब 80C का 1.5 लाख गया, 80D का 50,000 अज्यूमिंग के पूरा, तेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिडक्शन गया, तेरा साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन गया, तेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन गया, तेरे को अगर तू इंडिविजुअल या ये कोई है तो लीव ट्रैवल अलाउंस का या हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन मिलता है वो गया. न्यू टैक्सेशन रेजिम में टैक्स बेनिफिट छोड़ के मिलेगा ना, उन टैक्स बेनिफिट्स में ये भी लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 2 लाख वो भी गया, 2 लाख का लिमिट रहता है तो वो भी गया. ये सब जब तू छोड़ देगा ओके, तो योर टोटल इनकम कैन इंक्रीज बाय लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड व्हेन इनकम इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली टैक्स विल आल्सो इंक्रीज. और 15 लाख के बाद तो सब कुछ 30 में ही जाएगा, जो सेविंग्स करना था टिल 15 लाख, 1,12,500. The losses are infinite. New regime लाके हमारी government ने हम सबको पागल बनाया. Don't be angry यार, पागल ही बनाया. New regime लाके हमारी government हमको जबरदस्ती new regime में डालेगी ताकि धीरे धीरे करके ये सब exemption deduction निकल जाए. Our government cannot make a loud announcement that Chapter 6 is withdrawn because insurance companies' ka stocks will collapse and so will the entire market. And plus the protest by people who don't understand anything. Hamari government humko new mein jana chahti hai, matlab bolti hai new mein jao, kyunki long term mein you will never benefit. Agar aap ek 15 lakh se kam kamane wale गरीब भिखारी की तरह लाइफ टाइम सोचोगे तो ऑफ कोर्स न्यू रेजिम कैन ब्रिंग सेविंग्स, सम सेविंग्स, 1,12,500 का हाईएस्ट सेविंग्स. इज दैट नंबर अंडरस्टूड बाय द मैथमेटिकल प्रूफ? इज दैट नंबर अंडरस्टूड? हाँ, अगर आप जिंदगी भर, अभी आप सोचोगे यार मेरा इनकम तो 8 लाख रुपया है, तुम 8 लाख के ऊपर ओल्ड में कैलकुलेट करोगे
तो 5 लाख तक 12,500 और 3 लाख के ऊपर 20% 60,000 72,500 आएगा। तुम 8 लाख में न्यू रेजिम में करोगे तो उससे बहुत कम आएगा। When we say बहुत कम मतलब the gap can never be more than 1,12,500। Highest उतना है वो भी 15 लाख के फिगर पे आएगा। तो तुमको लगेगा देख 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 ओल्ड में इतना आ रहा है न्यू में इतना, देख न्यू में कम आ रहा है। बट तुम भिखारी की तरह सोच रहा है ना, जब तुम करोड़पति की तरह सोचेगा ना, when you will have crores of rupees of income, no? उस टाइम पे 112,500 is an irrelevant figure first of all, okay? और अगर relevant भी है तो उसको लेने के लिए क्या छोड़ना पड़ता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। This is not like company का 30 या 25 के सेम अमाउंट पे 30 या 25 है तो always 25 is better। ये तो अलग अलग अमाउंट पे होएगा, वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा by foregoing exemptions कि आपको जो नुकसान हुआ है वो कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है। आई मेक दिस स्टेटमेंट वेरी प्राउडली इन फ्रंट ऑफ यू, इफ न्यू रेजिम इज बेनिफिशियल द हाइएस्ट पॉसिबल बेनिफिट इज 1,12,500, बट इफ न्यू रेजिम इज प्रिजुडिशियल देन द लॉस कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज इनफाइनाइट एंड यू हैव टू अग्री विद दिस। So unless and until you are someone who is an extreme गरीब poor भिखारी जिसको ना special economic zone है ना additional depreciation ना scientific research कुछ नहीं है, तो खाली chapter 6 में भी ये difference वसूल हो जाएगा। और तुम इतना गरीब है कि तुम्हारा वो भी नहीं है, तो in any case तुम tax के उसके अंदर आए, तुम जा रहे, तू जा, ये scheme तेरे लिए नहीं है तुझे। अपर साइड वाले लोगों के लिए न्यू रेजिम खाली एक स्कैम है, एक शैम है, इसका कोई मतलब ही नहीं। Have we understood this? The savings of 1,12,500, and we have understood what are the slabs that are provided to us under the new taxation regime. All of us, 100%. बस अगर अब आपको ये भले 1,12,500 नहीं, आप चीजें फेंकने से क्या होएगा? अब नई टैक्स बच रहा है, मैं क्या करूँ? I will become finance minister and make you do tax savings. Last, अगर आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? न्यू टैक्सेशन रेजिम। तो इस न्यू टैक्सेशन रेजिम के लिए आपको टैक्स बेनिफिट्स इन द नेचर ऑफ एग्जेम्पशन डिडक्शन फॉरगो करना पड़ेगा। एक लिस्ट दिया है 20 टैक्स बेनिफिट, ये छोड़ दे, 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 ये सब छोड़ दे। आई कैन रिप्रोड्यूस दैट लिस्ट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। 10-5 लीव ट्रैवल अलाउंस, 10-13 है हाउस रेंट अलाउंस, 10-14 में कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। सैलरी के जो सेक्शन 16 के डिडक्शंस मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, एसओपी के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा, पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? एक तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे, लिस्ट में दिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आज आपको पता भी नहीं होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब खाली थोड़ा सा समझना है तो एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स डाला था मैंने 3-4 दिन पहले, वो जयकांत सिकरे एंड डीजीपी सर को मिला के, जयकांत सिकरे मालूम है ना, एंड डीजीपी सर, हाँ, वो लोग मिलके आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मीनिंग सिखा देंगे, वो भी 30 सेकेंड। यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल बटन नेवर मिस एन अपडेट। नहीं तो टाइम आएगा तो चैप्टर नंबर 7 है अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें एक टैक्स बेनिफिट दिया है वो नहीं मिलेगा। तो एज अवर सिलेबस प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे वैसे वैसे ये चीजें हमको क्लियर होते जाएगी। हमको ये मैंने पॉइंट खाली इसलिए लिखा है क्योंकि दो स्टूडेंट्स हु मेक हैंड रिटन नोट्स इन क्लास, उनको अगर चाहिए तो टेक्स्ट बुक में से देख के लिस्ट यहां पे लिख लो, क्योंकि कल की डेट में जब आप एग्जाम के पहले रिवाइज करने बैठोगे तो फिर आपको खाली इस लिस्ट के लिए टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा। अपना जो हैंड रिटन बुक है एग्जामिनेशन, उसके अंदर नोट्स में भी ये वाला लिस्ट पूरा लिखा हुआ है। बट जस्ट सो दैट आई डोंट हैव टू कीप यू ब्लैंक ऑल टुगेदर, मैं क्विकली आपको गो थ्रू करवा दूंगा थ्रू द लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस दैट हैव टू बी फॉरगॉन। व्हाट इज कॉमन इन दिस लिस्ट, पहले ये चीज समझ लो, ये सब या तो एक एग्जेम्पशन है या एक डिडक्शन है। व्हाट डज एन एग्जेम्पशन और अ डिडक्शन डू टू योर टोटल इनकम? इट रिड्यूसेस योर टोटल, एंड हिस्टोरिकली यू आर अलाउड टू डू दैट अंडर द ओल्ड रेजिम, यू आर स्टिल अलाउड टू डू दैट। ये एक ऐसी लिस्ट है जो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको चाहिए न्यू टैक्स रेजिम। तो बस एग्जेम्पशन डिडक्शन कौन से छोड़ना है, आपको अगर कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो गिव योरसेल्फ बेनिफिट ऑफ डाउट। सिर्फ एक चीज बोलना, जब ये चैप्टर होएगा तब मेरे को आ जाएगा, समझा? और अगर समझ लो सब कुछ समझ में आ रहा है देन गिव क्रेडिट टू योर ओन टैलेंट।
आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ओनली वन, मेरा ऑब्जेक्टिव खाली इतना समझना है कि ये एक टैक्स बेनिफिट है जो ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में, बस मेरा टारगेट सिर्फ उतना। अगर उतना कर लिया तो जैसे जैसे चैप्टर हो जाएंगे वैसे वैसे आपको इनके बारे में आइडिया आ जाएगा शायद। ये तो देखो मैं अज्यूम करता हूं कि तुमने इंटर्न आईडीटी के भरोसे पास किया, अगर मेरा अजम्पशन गलत है तो आपको ऑलरेडी इनके बारे में आइडिया है, बिकॉज दीज आर एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस इन अवर हेड्स ऑफ इनकम, जो इन एनी केस हमारे वॉल्यूम 3 का पार्ट है और जो एनी केस इंटर के सिलेबस में था जहां पे आपने डीटी छोड़ के गए थे, और अभी तो 50 मार्क का कर दिया तो और भी लोग छोड़ के जाएंगे, कठिन है रे बाबा। तो लेट मी ब्रिंग टू यू एंड शो यू वेरी क्विकली व्हाट आर दिस टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉन। वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप देखोगे तो यही वो बुक है जो मैंने आपको दिया है। कैन यू सी दीज आर दी स्लैब्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, मैंने स्पेशल रेट के बारे में भी बोला है, मैंने रिबेट के बारे में भी बोला है, करेक्ट। यहाँ पे रिबेट सरचार्ज का जो अमेंडमेंट है वो भी कर लेंगे, दैट ऑल्सो वो अभी रह गया, वो कर लेंगे वो भी, बट नाउ आई हैव डिस्कस द टैक्स, आई एम डिस्कसिंग द टैक्स रेट्स, इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यू अंडरस्टैंड, सबसे पहले वी हैव दिस अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द न्यू टैक्सेशन रेजिम जो अभी यहाँ पे आया है, जिसके अंदर दीज असेसीज आर ऑल्सो कवर्ड। हैव वी डिस्कस दिस, हैव वी डिस्कस द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ये रहेगा अनलेस असेसी अवेल्स द ओल्ड ऑप्शन, तो जो नॉन पीजीबीपी पीजीबीपी वाला डिस्कशन है वो किया। क्या आपको ये भी दिख रहा है मैं अमेंडमेंट कैसे लिखता हूं बुक के अंदर? अभी ये ब्लैक बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट इन वाइट है, दैट मींस दीज आर योर न्यू रेट्स अमेंडमेंट्स, और हमने ये भी कर ली अभी, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड। अब ये टैक्स बेनिफिट्स की लिस्ट हम लोग फटाफट गो थ्रू करते हैं, इसमें भी एक दो अमेंडमेंट आया है, ये गो थ्रू करके रिबेट सरचार्ज का पॉइंट कंप्लीट करके हम एटलीस्ट प्राउडली बोल सकते हैं कि 115 बीएसी इज ओवर, बिकॉज सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें ही है, अगर ये हो गया ना तो बाकी चारों सेक्शन बहुत फास्ट हो जाएंगे, एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर जब हम लोग ये कर। व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स? एक तो सेक्शन 10 जैसे ही दिखता है ना एज अ टैक्स पेयर, नाचो रे नाचो, सेक्शन 10 मींस एग्जेम्प्ट इनकम। क्या सेक्शन 10 में हमको मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जेम्प्शन, जो बॉस ने हमको छुट्टी पे जाने के लिए पैसा दिया या हमारा जो टिकट का खर्चा हुआ आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर, और एक अमाउंट नोटिफाइड इन रूल्स भी होता है कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल किया तो क्या अमाउंट रहेगा, एयर में ट्रैवल किया तो क्या अमाउंट रहेगा, देयर इज वन एग्जेम्पशन। बट न्यू रेजिम में आपको अभी ये एग्जेम्पशंस, इनके कैलकुलेशंस कुछ नहीं सीखना है, आपको अभी खाली क्या सीखना है, ये न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू राइट नाउ। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज विथ मी? चलिए, हाउस रेंट अलावेंस में देयर इज अ कैलकुलेशन, जो बॉस ने आपको पैसा दिया और 50% ऑफ सैलरी अगर आपका हाउस मुंबई चेन्नई दिल्ली कोलकाता में है, 40% ऑफ सैलरी अदर प्लेसेस, एक तीसरा लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीन में से जो लोएस्ट होता है वो एक एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। सेक्शन 10-14 एक सेक्शन है जिसमें योर बॉस गिव्स यू सर्टन अलावेंसेस लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, वो सबका हमको एग्जेम्पशन मिलता है। एजुकेशन अलावेंस में 100 रुपीज पर मंथ फॉर मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, हॉस्टल अलावेंस में 300 पर मंथ, ऐसा एक लिस्ट दिया है। All those exemptions will not be allowed except the following. Except का मतलब ये वाले exemptions मिलेंगे कहां पे? New में भी। देखो old में तो सभी मिलता है मगर ये वाले exemption new में भी मिलेगा। क्या? Your boss is giving you something called transport allowance if you are a divyang employee. मोदी जी बोलते किसी को भी disabled या handicapped नहीं बोलते, divyang बोलने। If you are disabled तो आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस का एक एग्जेम्पशन है महीने का 3,200 रुपया, 3,200 रुपीज पर मंथ, मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम बॉस और 3,200 पर मंथ विच एवर इज लोअर, दैट्स एन एग्जेम्पशन इन ओल्ड रेजिम एंड ऑल्सो इन न्यू रेजिम क्योंकि ये एक्सेप्शन। लाइकवाइज अगर आपके बॉस ने आपको दिया है कन्वेयंस अलावेंस, ये तो आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा इसका मीनिंग, आपसे बेटर कौन जा सकता है। टूर ट्रैवल ट्रांसफर या डेली अलावेंस फॉर एबसेंस फ्रॉम नॉर्मल पेस ऑफ ड्यूटी, इन सब का क्या रूल है? पहले रूल समझ लो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अलाउड इवन इन न्यू रेजिम। बॉस आपको जो भी पैसा दे उस पैसे में से आपका ऑफिस के लिए अगर कुछ खर्चा हो गया, अभी आपका बॉस बोलता है कि भाई जाके ये ऑडिट करके आ, तो आने जाने के खर्चे का पैसा दे रहा है, दैट्स द कन्वेयंस अलावेंस, पर वो तो आपका खर्चा हो गया तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है क्या? नहीं। द अमाउंट स्पेंट इज एग्जेम्प्ट, मतलब अगर आपने कुछ पॉकेट कर लिया जो हम सब करते हैं, बस में जाके रिक्शा का वो बनाते वाउचर, मतलब कम ऑन, इफ यू हैव नॉट डन दिस हैव यू इवन डन योर आर्टिकलशिप प्रॉपरली, मतलब यू आर मिसिंग समथिंग इन योर आर्टिकलशिप। इफ यू पॉकेट समथिंग दैट इज टैक्सेबल बट वॉट एवर यू स्पेंड इज एग्जेम्प्ट। नाउ थिंक अबाउट इट, जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग इन न्यू रेजिम मेरा एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होगा क्या?
एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए कन्वेयंस, टूर ट्रैवल ट्रांसफर और ये जो डेली अलावेंस है इसका बेनिफिट मिलेगा। और दिव्यांग हमारे लिए एक्सेप्शन है, जो हैंडीकैप्ट है उसको हमको थोड़ा सा बेनिफिट देना है तो ये मिलेगा। अदर देन दिस, एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, ट्राइबल एरिया अलावेंस, ये सब अलावेंसेस के एग्जेम्पशंस न्यू रेजिम के अंदर नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टूड, ये जो यहां पे सब लिखे ये एक्सेप्शन है। इज दैट क्लियर? इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली, जो इलेक्शन जीत के जाते हैं उनको अपने एरिया के लोगों को खर्चा करने के लिए पैसा मिलता है, दैट इज नोन एज डेली अलावेंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। चोर लोग खर्चा नहीं करे तो भी बस मिलते ही एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन ओनली इन ओल्ड। एक ही चीज सीखनी है, क्या? न्यू में ये सब नहीं मिलता है। इवन इफ यू डोंट नो द कैलकुलेशन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ अनफाइंडेड। 1032, अगर माइनर की इनकम पेरेंट्स के हैंड में क्लब होता है तो पेरेंट्स को 1500 रुपए का एग्जेम्पशन पर चाइल्ड मिलता है, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। 10AA SEZ, ये तो हमारा पूरा चैप्टर ही है, तो वी विल टेक केयर ऑफ SEZ का डिडक्शन, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यहां पे एक अमेंडमेंट आया, ध्यान से देखो। लास्ट ईयर तक लिखा था सैलरी के सेक्शन 16 में जो डिडक्शन मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। सेक्शन 16 में क्या डिडक्शन मिलता है? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट बेसिस। नाउ द अमेंडमेंट इज दैट यू विल नॉट गेट एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन इन द न्यू रेजिम, विच मीन्स दैट न्यू रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आंटी ने यह बोला कि अब न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी अलाउड। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा, जो बाकी के दोनों डिडक्शन है वो खाली ओल्ड में मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलेंगे। दैट्स अगेन एन अमेंडमेंट, जो भी हाईलाइटेड है वो सब अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक सो, I'll do one thing. अभी मेरे बैग के अंदर फाइनेंस एक्ट 23 पूरा पड़ा है, बिकॉज सुनो, आपकी बुक्स हो गई, अभी इंटर वालों की बुक्स बाकी है एज पर फाइनेंस एक्ट 23, तो लेके घूमता हूं हर जगह पेपर्स, जिधर काम मिला, जिधर अपना जिधर सेटिंग हुआ उधर अपन काम लगे, काम लेके बैठ गया। तो अभी खोल के चेक कर लेना, साथ में चेक कर लेंगे सब लोग, ओके? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना तो समझ गए अलाउड, बाकी दोनों डिडक्शन नॉट अलाउड। 24B हाउस प्रॉपर्टी में, 24A में मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमने क्या बंद करवा रहा है? मतलब जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो, बट ओनली इफ योर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी में हम इनकम दिखाते हैं तो तुम ले लो डिडक्शन इंटरेस्ट का, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हम लोग जीरो इनकम दिखाते हैं, वी जस्ट टेक डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, बट न्यू रेजिम में वी डोंट वॉन्ट टू गिव दैट। मैंने स्पेसिफाई किया है LOP DLOP के सामने मिलेगा, लेकिन खाली SOP में नहीं मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? देयर इज एन एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन जो PGBP में मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है, ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। दिस पॉइंट यू कैन डिलीट बिकॉज दिस पॉइंट वॉज ओनली टिल 1920। अब ये ओल्ड में भी मिलना बंद हो गया, सच बोलू तो दिस इज रिमूव्ड इन ओल्ड रेजिम ऑल्सो, क्योंकि 1920 गया ना ब्रो, तो खाली ये सेक्शन में लिस्ट में लिखा है, इसके लिए यहां पे मैंने डिलीट नहीं किया, अदरवाइज आप चाहो तो ये पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये दोनों PGBP में डिडक्शन है, एंड सेम इज द केस ऑफ ये सब भी, बट डिफरेंस क्या है? दीज आर फॉर स्पेसिफिक बिजनेसेस, उनको ये डिडक्शन मिलता है, ये साइंटिफिक रिसर्च वाले को मिलता है। अब साइंटिफिक रिसर्च का जो सेक्शन 35 है ना, इट्स अ बिग सेक्शन, उसके टोटल 7 पार्ट है, खाली एक मिनट ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। 7 पार्ट है, 7 में से 1 इज अलाउड ओनली टू कंपनी, दैट इज 35 2AB। जो चीज कंपनी को अलाउड होती है उसका हम लोग यहां पे तो चर्चा ही नहीं कर सकते, बिकॉज दिस सेक्शन डज नॉट कवर कंपनीज। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। आउट ऑफ दो 6, 35(1)(1) एंड 35(2) ये न्यू रेजिम में मिलेगा। मतलब 7 में से 1 तो नॉट एप्लीकेबल, 2 मिलेगा, तो डिस्क्वालिफाई कितने हुए? 4, that is 35(1)(2), 35(1)(2A), 35(1)(3) and 35(2)(1). Sir, what are these? Wait for PGBP. 7 में से 1 not applicable, 2 allowed, 4 not allowed. Old regime में everything is allowed. ये not allowed किधर हो रहा है? भूलना नहीं इस बात को. Hello. Next. ये one of the most important sections of your entire syllabus.
देर आर 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस. अरे तुमने सुना होगा वो वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोल्ड चेन फैसिलिटी, वो उसमें एक डिडक्शन मिलता है, वो न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा. नेक्स्ट 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर की जो एलाइड एक्टिविटीज होती है ना उसमें देर इज अ मैसिव डिडक्शन दैट दे गिव, लेकिन न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा. नेक्स्ट अमेंडमेंट, फैमिली पेंशन इनकम के सामने एक डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर. वर्ड्स में बोलूंगा, आई विल कवर दिस इन IFOS. ओल्ड रेजिम में मिलता है, न्यू में लास्ट ईयर तक नहीं मिलता था. आंटी नाउ चेंजेस इट एंड नाउ सेज, तो न्यू रेजिम में चेंजेस क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देंगे और फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी अब देंगे. अमेंडमेंट है इसलिए लिखा है, अगले साल वाले बच्चों के लिए मैं जब बुक बनाऊंगा तो ये पॉइंट इधर से उड़ा ही दूंगा. जो मिलता है उसकी बात क्यों करूं? इस बार क्यों लिखा ऐसे, लिख के काटा? क्योंकि इट इज अमेंडमेंट. अमेंडमेंट्स हैव टू बी क्लियरली विजिबल इन अवर बुक्स. वो बहुत एक्साइटिंग है ना स्टूडेंट्स के लिए. वैसे भी सबसे बड़ा हथौड़ा न्यू टैक्सेशन रेजिम का मित्रों इज दिस चैप्टर 6 है. मतलब आज तक जिंदगी में आपने जो भी 80C 80G जो भी लिया है सब बंद, सबजेक्ट टू. पता है 10-14 में 3-4 एक्सेप्शन थे, दिव्यांग का अलावेंस और वो खर्चे वाला अलावेंस कन्वेयंस एंड ऑल दैट. वैसे यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ मिलेगा. एक है 80CCD2, जब आपका एम्प्लॉयर आपके पेंशन स्कीम में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसका यू गेट डिडक्शन एंड दैट विल बी अलाउड इवन इन न्यू रेजिम. सर भाई जो पैसा एम्प्लॉयर ने उस स्कीम में डाला है ना आपके लिए, वो आपकी सैलरी में एड होता है. तो अगर ऊपर एड कर रहे हैं तो नीचे माइनस करना पड़ेगा. यू अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज एडेड इन सैलरी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देन वेदर इट इज न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम. जो हम खुद डालते ना दैट इज 80CCD subsection 1, वो नहीं मिलेगा. ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, सबसेक्शन 2 वाला. यू अंडरस्टूड और नो? बिकॉज दैट इज एडेड इन सैलरी. देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डिडक्शन चैप्टर. हम लोग कवर करने वाले, वी आर गोइंग टू कवर Volume 3 ऑल्सो. जो लोग भी जॉब क्रिएशन करते हैं, नौकरी जनरेट करते हैं, उनके लिए देर इज अ सेक्शन 80JJAA JJAA फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि हम जॉब क्रिएशन को एनकरेज करना चाहते हैं, हम लोग इसका डिडक्शन देते हैं. प्लीज लिसन एंड लिसन केयरफुली. न्यू में भी देंगे और इंस्टीट्यूट MCQ केस स्टडीज में बहुत सारे क्वेश्चन इसको पूछता है. क्वेश्चन में इसका डेटा देगा, फिर बोलेगा कैलकुलेट एज पर ओल्ड, तुम डिडक्शन लेके कैलकुलेट करेगा. फिर बोलेगा कैलकुलेट एज पर न्यू, तुमको लगेगा डिडक्शन नहीं मिलेगा, मरा. क्यों? कि ये डिडक्शन न्यू में भी मिलता है. सो दिस पार्ट विल रिमेन सेम. वी वॉन्ट टू एनकरेज जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी, इसलिए. नेक्स्ट ये ATLA ना, जब भी कोई अप्रोप्रिएट टाइम आएगा आई विल टीच यू. देयर इज वन सेक्शन ATLA. What is this concept called International Financial Services Center? गुजरात के बच्चों को पहले से गिफ्ट सिटी के बारे में पता होगा, तो दे नो वॉट इज IFSC. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे assuming that no one knows anything. और एक और अमेंडमेंट आया चैप्टर 6 में, एक नया सेक्शन आया 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड. आर्मी में भर्ती करने के लिए वो नया एक अग्निपथ स्कीम. पहले क्या होता था, जो लोग आर्मी में ज्वाइन होते थे ना वो उनको रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर पेंशन देना पड़ता था. तो हमारी गवर्नमेंट ने आइडिया लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला, योर एज इज 17.5 से 21 के बीच का, तो आओ आर्मी ज्वाइन करो, पर 4 साल के लिए ही तुमको रखेंगे. 4 साल के बाद तुमको एक 10-12 लाख का कॉर्पस फंड, मतलब स्टार्टिंग में 30,000 का सैलरी मिलेगा, बाद में 40,000 का मिलेगा. उसमें भी 30% हम लोग काटेंगे, इस फंड में डालेंगे और मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट में डालेंगे. आफ्टर 4 ईयर्स यू हैव टू कंपल्सरीली रिटायर, बट आउट ऑफ द एंटायर वर्क फोर्स 25% विल बी गिवन परमानेंट जॉब इन आर्मी. मतलब 75% को कंपल्सरीली रिटायर, 12 लाख रुपया देके बोलेंगे चल फुट निकल बक, अभी हम लोग नया लाएंगे. पेंशन बंद करने का नया स्टाइल निकालेंगे. तो जिनको भी लाइफ टाइम आर्मी में काम करना था उन्होंने पूरे देश में दंगे किए फिर अगेंस्ट दिस अग्निपथ स्कीम. नाउ वी कैन हैव पॉलिटिकल डिबेट्स. पॉइंट इतना है कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन करने का 80CCH का एक डिडक्शन आया जो चैप्टर 6 में मिलेगा और न्यू रेजिम में भी मिलेगा, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट को ये एनकरेज करना, जस्ट लाइक जॉब क्रिएशन, जो भी उनको एनकरेज करना है ना वो लोग उसको न्यू रेजिम में भी प्रोवाइड करेंगे. इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस का 18 में डिस्कस करता हूं. हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम को एडजस्ट करना अलाउड. देखो
एसओपी में तो लॉस बनने ही नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट ही अलाउड नहीं हो रहा है। एलओपी में इंटरेस्ट अलाउड होगा, लॉस बन सकता है, लेकिन दूसरे हेड के सामने एडजस्ट करना नॉट अलाउड। ओल्ड रेजिम में अलाउड है, न्यू रेजिम में नॉट अलाउड। इज दैट अंडरस्टूड? एनी परक्यूजिट और अलावेंस विच इज एग्जेम्प्ट अंडर अदर लॉ, जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होता है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का एक एग्जेम्प्शन रहता है। दिस इज रिलेटेड टू सैलरी चैप्टर। तो एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट इट मे नॉट हैव एन इंपैक्ट फॉर योर लाइफ, लेकिन सम टाइम्स सम एग्जेम्प्शंस आर गिवन इन सम अदर लॉ फॉर परक्यूसिट्स एंड अलाउंसेस, तो ऑल दोज एग्जेम्प्शंस आर आल्सो विथड्रॉन। एंड लास्ट में आंटी ने एक और जबरदस्त बॉम्ब फोड़ा, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस? वी हैव गिवन यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिडक्शंस दैट विल नॉट बी अलाउड। तो इस साल आपको ये सब डिडक्शन लेना अलाउड नहीं है। वेरी गुड। लास्ट ईयर अलाउड था जब आप ओल्ड में थे तब। थिंक अबाउट इट, लास्ट ईयर यू वेर इन ओल्ड, कैन यू टेक साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन? आपने डिडक्शन लिया लेकिन आपके प्रॉफिट्स खत्म हो गए, प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट थे, तो क्या बोलते थे वो लोग? कैरी फॉरवर्ड, अगले साल ले। तो इस साल वो क्या बनेंगे? ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, करंट ईयर का नहीं मिलेगा, ब्रॉट फॉरवर्ड भी अगर ये सब हुआ ना, ये सब All this, even if brought forward, you will not get. ये सबको भूल जाने का। क्या बचाने के लिए? 1,12,500 रुपया बचाने के लिए you have to leave all this. बनाया ना आंटी ने डैश, पागल बनाया ना, टू सेव 1,12,000। मैं क्या बोला? मैं क्लाइंट को जहर देके मार दूंगा। क्यों बोला सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स? क्यों? 1,12,500 बचाने के लिए मेरे को ये सब छोड़ने का मन। यू अंडरस्टूड? I repeat, you don't have to learn this list by heart. आपको revision के लिए अगर book में खाली copy करना है तो आप यहां से copy कर लो, नहीं तो handwritten book में तो ये सब कुछ लिखा ही है। तो finally, in our basic tax, we have saved कितना? 1,12,500 for foregoing all these tax benefits. और नीचे finally जो rebate surcharge के जो savings है, हम लोग इसको कल continue करेंगे। It is my humble request, now that you all have the books, और आप लोगों का courier जब तक नहीं पहुंचे, मैंने आपको PDF send किया है, तो पहला chapter आप लोग के पास है। जितना हमने अब तक किया है, स्पेशली 115 BAC, क्योंकि आई विश के रिबेट सरचार्ज अभी कर दूं, लेकिन जिस नजरों से आप देख रहे हो, आई एम ऑलरेडी बियॉन्ड माय। सर आपने बोला था 9:50 के बाद चालू नहीं करूंगा, लेकिन कभी ये नहीं बोला था जो चालू है उसको खत्म करने में। तो एक मिनट, ओ जब मैं बात करता हूं ना, आप पैकिंग करना अलाउड नहीं रहता है उस टाइम पे। एक मिनट खाली मांग रहा हूं। एवरी वर्ड दैट वी हैव डन ऑफ 115 BAC, उसमें खाली है ना वो रिबेट सरचार्ज के अमेंडमेंट करना बाकी है। एवरी वर्ड दैट वी हैव डन सो फार, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू दैट एंड कम, ताकि रिबेट सरचार्ज करके हम फटाफट बाकी का पार्ट कंप्लीट करके फाइनली हम बोले कि चलो भाई अभी अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं। एवरी वन अंडरस्टूड? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा 10 मिनट्स।